ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस। सी, इस चैप्टर में अपने को क्या समझना है, अगर किसी को लॉस होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सी, कभी भी किसी को लॉस होता है तो उस पर टैक्स तो भरना नहीं है, लेकिन वो लॉस हम लोग दूसरी इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने मिला तो अपना ओवरऑल इनकम कम हो गया तो टैक्स बचेगा, और जब एक लॉस को दूसरी इनकम में एडजस्ट करते उसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। लेकिन क्या, कभी कभी लॉस एडजस्ट करने के लिए इनकम सफिशिएंट नहीं होती है, तो हम लोग उसको उस साल एडजस्ट नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करने मिलता है, और जब नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो सी, इन दिस टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड लॉसेस को एडजस्ट करने के रूल्स क्या है, और अगर एडजस्ट नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड करने के रूल्स क्या है। तो सी, इसका है ना एक पेज के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा, लाइन से देखते हो जो बता रहा हूँ। पहले से ये चार्ट को देखने के पहले ना सुनो, कभी भी लॉस होता है तो पहले अपने को सेम हेड के अंदर एडजस्ट करने का ट्राई करना चाहिए, विद इन द सेम हेड, और विद इन द सेम हेड एडजस्ट करते तो उसको बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी के हेड में मेरे पास चार घर है, एक घर में लॉस हुआ, दूसरे घर में इनकम है, तो आपस में एडजस्ट कर दिया ना, तो वो एडजस्टमेंट आपस में होता है ना विद इन द सेम हेड, उसको बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। सिमिलरली अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड है, उसमें मेरे पास दो बिजनेस है, एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस की इनकम में एडजस्ट किया, वो भी इंटर सोर्स है क्योंकि विद इन द सेम हेड है। लेकिन विद इन द सेम हेड नहीं हुआ तो अपने को दूसरे हेड में एडजस्ट करना चाहिए, और जब एक लॉस दूसरे हेड में एडजस्ट होता है ना, वन हेड टू अदर हेड, उसको बोलते हैं इंटर हेड, हेड टू हेड, इंटर हेड। लेकिन अगर इंटर हेड भी नहीं हो पाया, दूसरे हेड में भी नहीं हो पाया, तब जाके कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। मतलब इधर तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, पहले उसी हेड में ट्राई करो, और अगर उस हेड में नहीं हुआ तो दूसरे हेड में ट्राई करो, दूसरे हेड में भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करो। लेकिन सी, एक रूल याद रखना, लॉस जब ताज़ा ताज़ा होता है ना तो उसको हम लोग किधर भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहले विद इन द सेम हेड ट्राई करना चाहिए, और विद इन द सेम हेड नहीं हुआ तो दूसरे हेड में ट्राई करना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते फ्रीली, लेकिन वो लॉस जब ताज़ा होता है तो। एक बार लॉस बासी हो गया, मतलब उसको नेक्स्ट ईयर लेके जाना पड़ा, तो सेम हेड में ही रखना पड़ता है। लॉसेस अगर करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाए, उसको नेक्स्ट ईयर ले जाना पड़ा, तो नेक्स्ट ईयर तो सेम हेड में ही रहना पड़ता है। वो बोलते हैं ना, दुख जब ताज़ा ताज़ा होता है ना तो सब मदद करने आ जाते हैं, लेकिन दुख अगर पुराना हो जाता है ना तो किसी को पड़ी नहीं है, खाली घर वाले मदद करते, घर वाले मतलब सेम हेड, वही ना। तो लॉस जब ताज़ा ताज़ा है तो सब मदद करेगा, है ना, घर वाले बाहर वाले सब मदद करेंगे, लेकिन एक बार लॉस पुराना हो गया ना, मतलब अपना दुख पुराना हो गया, तो क्या किसी को अपने दुख की पड़ी नहीं होती है, लेकिन घर वालों को तो अपनी चिंता होती है। तो नेक्स्ट ईयर जब लॉस पुराना होता है ना तो उसी हेड में एडजस्ट होगा, घर वालों को मतलब अपने उसी हेड में एडजस्ट करेंगे, लेकिन घर वाले भी कितना ध्यान देंगे, एक लेवल के बाद तो घर वाले भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इससे 8 साल के बाद तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता। मतलब इसको ऐसे समझो ना, दुख होता है तो कैसे, जैसे कोई नया नया फेल हुआ, चलो फेल की बात नहीं करनी चाहिए मुझे, लेकिन समझने के लिए, कोई नया नया फेल हो तो सब लोग सहानुभूति दिखाते, लेकिन एक बार उसका फेलियर पुराना हो गया ना तो किसी को पड़ी नहीं है, बाहर वालों को तो पड़ी नहीं है, लेकिन घर वाले चिंता करते, घर वाले हिम्मत देते, कम ऑन, हिम्मत कर, घर वालों का सपोर्ट होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर अपने को सेम हेड में एडजस्ट करने मिल रहा है ना, वो बोल रहा हूँ। एंड फिर घर वाले भी क्या, एक लेवल के बाद उन लोग भी फ्रस्ट्रेट होकर बोलते छोड़ दे अभी, इसलिए वो 8 साल के बाद तो कैरी फॉरवर्ड भी करने नहीं मिलता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ दैट। तो ये जनरल प्रिंसिपल याद रखना। अब अपने को है ना हेडवाइज एक एक लॉस का ट्रीटमेंट समझना है, हेडवाइज। तो सी, सबसे पहला हेड कौन सा होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी की हेड में तो लॉस पॉसिबल ही नहीं है, अरे नौकरी करके कोई कम सैलरी कमाएगा, लेकिन लॉस थोड़ी हो सकता है, तो उसका तो सोच के मतलब ही नहीं है, सैलरी के हेड में लॉस इज नॉट पॉसिबल। और अपने को इस चैप्टर में लॉसेस का ट्रीटमेंट समझना है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो तुम लोग उसको कहीं पर भी सेट ऑफ कर सकते हो, ओके, लेकिन पहले उसी हेड में ट्राई करने का, लेकिन उस हेड में नहीं हुआ तो दूसरे हेड में। लेकिन पता है एक रूल है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जब उसी हेड में एडजस्ट होता है ना तो फ्रीली एडजस्ट करो, लेकिन अगर उस हेड से तुम दूसरे हेड में जाओगे ना तो 2 लाख तक ही सेट ऑफ करने मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी का जब इंटर हेड एडजस्टमेंट होता है, इंटर हेड मतलब एक हेड से जब वो दूसरे हेड में जाता है
तो मैक्सिमम 2 लाख का ही सेट ऑफ मिलेगा। तो आंसर अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में 10 लाख का लॉस है तो अगर उसी हेड में एडजस्ट हो रहा है ना तो करो बिंदास, 10 लाख या 10 करोड़ भी एडजस्ट हो सकता है अगर वो विद इन द सेम हेड एडजस्ट हो रहा है तो। और विद इन द सेम हेड एडजस्ट होना है तो एक हाउस में लॉस है तो वो दूसरे हाउस में इनकम भी होना चाहिए, तब जाके उसी हेड में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उस हेड में एडजस्ट नहीं हो पाया और मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी के हेड में 10 लाख का लॉस है तो मुझे जब दूसरे हेड में जाना पड़ता है ना तो 10 लाख जितना सेट ऑफ नहीं करने मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख। तो टेल मी, अगर 10 लाख का लॉस हुआ तो अपने 2 लाख तक तो दूसरे हेड में एडजस्ट कर लेंगे, और वो मान लो एडजस्ट हो गया तो बचा हुआ 8 लाख नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। मतलब अप टू 2 लाख वी कैन एडजस्ट इन अनदर हेड, बट बैलेंस वेस्ट नहीं जाएगा, बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर तो एक ईयर हुआ, ऐसे 8 साल कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है। तो सी इधर देखो, मैंने सब लिखा हुआ है। और हाँ, नेक्स्ट ईयर अपने को सेम हेड में रहना पड़ेगा। मैंने कहा दुख जब ताज़ा होता है ना सब हेड में एडजस्ट कर सकते, कैसे भी कर सकते, लेकिन एक बार दुख पुराना हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर तो सेम हेड में ही रहना पड़ता है। ये तो पूरे टॉपिक का कॉमन प्रिंसिपल है, व्हेन यू कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर यू हैव टू रिमेन इन द सेम हेड। तो ये देखो, ये कॉलम का मतलब क्या लूँ मैं, ये करंट ईयर में ट्रीटमेंट किया उसका, और इस कॉलम में मैंने क्या लिखा है फ्यूचर में ट्रीटमेंट क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स लिखा ना, सब्सिक्वेंट ईयर। तो करंट ईयर में ट्रीटमेंट क्या है, पढ़ो क्या लिखा है, एनीवेयर एडजस्ट कर सकते बट विद इन द सेम हेड हुआ तो कोई लिमिट भी नहीं है, और दूसरे हेड में गए तो मैक्सिमम 2 लाख। और ये मैक्सिमम 2 लाख अगर दूसरे हेड में जाना है तो, उसी हेड में एडजस्ट हो रहा है तो बिंदास एडजस्ट करो कितना भी है, दूसरे हेड में गए तो मैक्सिमम 2 लाख। एंड फिर मैक्सिमम 2 लाख दूसरे हेड में एडजस्ट हो गया, फिर भी और लॉस बचा है तो कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड करते तो रूल क्या है, सेम हेड में रखना पड़ता है। और कैरी फॉरवर्ड कितने साल कर सकते हैं, 8 साल। ओके, और 8 साल की नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया लेकिन नेक्स्ट ईयर कोई इनकम ही नहीं था तो एक ईयर वेस्ट हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया वापस कुछ इनकम ही नहीं था, दूसरा साल भी वेस्ट हो गया। ऐसे 8 साल ट्राई कर सकते लेकिन 8 साल तो कुछ इनकम ही नहीं आ रही है, कहाँ पर, उसी सेम हेड में, सेम हेड में ट्राई करना ना, लेकिन उस हेड में कोई इनकम ही नहीं आ रही 8 साल, तो 8 साल के बाद लॉस लैप्स हो जाता है, लॉस लैप्स, फिर उसको फेंक दो, उसका कुछ यूज नहीं है, मतलब टाइम बार्ड हो जाता है लॉस। फिर अगला हेड देखो क्या, अगला हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस में देखो 4 तरह के बिजनेस होते हैं, नॉर्मल बिजनेस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, नॉर्मल स्पेक्यूलेशन, एक और बिजनेस होता है बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, मतलब मैं रेसेस कंडक्ट करता हूँ, मतलब रेस में मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद खिलाता हूँ लोगों को, मेरे पास घोड़े हैं, घोड़ों को मेंटेन करता हूँ, वो लोग रेस पर दौड़ते हैं, मतलब रेसेस कंडक्ट करने वाला आदमी हूँ, इसको बोलते हैं ओनिंग एंड मेंटेनिंग। कैसे हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस मतलब रेस में दौड़ने वाले हॉर्सेस को मैं ओन करता हूँ, मेंटेन करता हूँ। तो ये भी एक बिजनेस होता है। फिर होता है 35AD वाला बिजनेस। तो सी, ये 4 बिजनेस को अलग क्यों रखा है, क्योंकि चारों बिजनेस के सेट ऑफ के नियम थोड़े अलग है। तो सी, सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस तो हम लोग कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना पहले सेम हेड में एडजस्ट करने का, नहीं हुआ तो दूसरे हेड में करो, लेकिन बेफिक्र हो के कहीं पर भी करो एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी के सामने एडजस्ट करने नहीं मिलेगा। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी अगर हुआ और सामने कोई बिजनेस का लॉस है तो वो सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। ओके, और इसके पीछे लॉजिक क्या मालूम है, कितने सैलरीड लोग हैं ना अपना टैक्स बचाने के लिए झूठ मूठ का बिजनेस बताते। अरे सैलरीड लोग की तो टैक्स में बैंड बच जाती है, बेचारा सैलरीड आदमी को क्या है, जो सैलरी मेरा पूरे पे टैक्स, बेचारे को थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, और नौकरी करने वालों की तो इतने मर मर के बेचारे मजदूरी करके नौकरी से कमाते और अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ता है। सी, बिजनेसमैन तो क्या है सेटिंग कर लेता है खर्चे दिखा दिखा के, लेकिन सैलरीड आदमी को तो टैक्स में पूरा ही निचोड़ देती है गवर्नमेंट। इससे सैलरीड लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए बहुत बड़ा झूठ मूठ का बिजनेस दिखाते हैं कि मैं घर पे साड़ी का धंधा कर रहा हूँ, कपड़ों का धंधा कर रहा हूँ, कुछ धंधा वंधा नहीं है, झूठ मूठ का धंधा दिखा रहा है। एंड फिर उस धंधे में दिखा दे मुझे नुकसान हो गया, और झूठा मूठा बिजनेस का लॉस दिखा के सैलरी में एडजस्ट करने आते।
तो ये चीटिंग होती थी बहुत सालों तक, इसलिए गवर्नमेंट ने सिस्टम बना दिया सैलरी के सामने बिजनेस का लॉस नहीं आ सकता है, क्योंकि हर सैलरीड आदमी के माइंड में ये पाप रहता था पहले। ये पुराने जमाने की बात है, लोग चीटिंग करते थे। कोई भी नौकरी करने वाले को क्या है, कोई कोई लोग का करोड़ों का पैकेज होता है। अब उसको टैक्स बचाने के लिए टेक्निक थी, क्या टेक्निक थी, झूठा मोटा बिजनेस दिखा के लॉस दिखा दो एंड फिर लॉस एडजस्ट कर दो, और पहले एडजस्ट भी करने मिलता था और लोग मस्त में चीटिंग करते थे। और सी एडजस्ट करने में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम, लेकिन झूठा बिजनेस होता था, बिजनेस कुछ है ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सिस्टम बना दिया कि सैलरी के सामने बिजनेस का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो फिर बिजनेस का लॉस बेचारा एडजस्ट कहाँ होगा, कहीं पर भी। अगर तुम्हारा बिजनेस में सच में लॉस हुआ है, कहीं पर भी एडजस्ट करो, लेकिन सैलरी में हम एडजस्ट करने नहीं देंगे, क्योंकि सैलरी में क्या कितने सैलरी हो, झूठ मूठ का लॉस बता के एडजस्ट करते ना इसलिए। लेकिन सी ये तो जिस ईयर में लॉस होता है तभी, नेक्स्ट ईयर क्या, नेक्स्ट ईयर तो बिजनेस के हेड में एडजस्ट करना है। नेक्स्ट ईयर का तो रूल फिक्स्ड ही है, यू हैव टू रिमेन इन द सेम हेड। और अगर नेक्स्ट ईयर कुछ इनकम ही नहीं उस हेड में, तो नेक्स्ट ईयर, ऐसे नेक्स्ट ईयर करके मैक्सिमम 8 ईयर्स। तो ये देखो नॉर्मल बिजनेस का रूल क्या है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस यू कैन एडजस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, बट ये कब, जब लॉस ताज़ा ताज़ा है उस ईयर में, करंट ईयर में, और सब्सिक्वेंट ईयर में तो एनीवेयर नहीं, यू हैव टू रिमेन इन द सेम हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर ऐसे 8 साल कैरी फॉरवर्ड करने मिलता। नेक्स्ट बिजनेस क्या है, स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, मैं गुड्स का खरीद बेच कर रहा हूँ लेकिन विदाउट डिलीवरी, विदाउट डिलीवरी। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, इसका मेरा धंधा है, लेकिन ये गुड्स को मैं खरीदता हूँ और बेचता हूँ तो उसमें डिलीवरी नहीं लेता। नहीं तो नॉर्मली धंधे में क्या होता है, गुड्स खरीदते तो पहले डिलीवरी आती गोडाउन में, फिर बेचते तो हम लोग डिलीवरी देते कस्टमर को, डिलीवरी बेस्ड होता है ना, तो डिलीवरी बेस्ड होता है, नॉर्मल धंधा है। लेकिन अगर मैंने बिजनेस किया है जिसमें गुड्स की मैं डिलीवरी ना लेता हूँ ना देता हूँ, मतलब फिजिकली गुड्स का डिलीवरी होता ही नहीं कभी, फ़ोन पे ही हो जाता है, फ़ोन पे मैंने कुछ माल खरीद लिया एंड दूसरे फ़ोन कॉल पे माल बेच भी दिया विदाउट डिलीवरी, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। और स्पेकुलेशन धंधे में अगर नुकसान हुआ ना, तो स्पेकुलेशन धंधे की इनकम में एडजस्ट करना है, क्योंकि क्या है, लोग स्पेकुलेशन का झूठ मूठ का दिखा देते हैं। ऐसे ही झूठा मूठा लॉस बताना कौन सी बड़ी बात है इसमें, बोल देने का मैंने फ़ोन पे क्या है 10 लाख यूनिट्स खरीदा था, फिर उसको बेचा तो नुकसान हो गया फ़ोन कॉल पे, डिलीवरी हुई नहीं तो ट्रस्ट भी नहीं होता ना। चलो गुड्स की डिलीवरी आई है तो गुड्स आते हुए दिखे, जाते हुए दिखे, तो क्या वो लॉस ट्रस्टवर्दी लगता है। लेकिन स्पेकुलेशन लॉस में क्या है, गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं बैठता, क्योंकि तूने गुड्स की ना डिलीवरी ली थी ना डिलीवरी दी थी, तो क्या पता सच में ऐसा लॉस हुआ भी है कि नहीं, तो ट्रस्ट नहीं बैठता। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ऐसे लफड़े वाले बिजनेस का है ना एक रूल है कि वो स्पेकुलेशन इनकम में एडजस्ट करने मिलेगा। मीन्स अगर कोई बोले ना मेरा स्पेकुलेशन में लॉस हो गया, तो ठीक है एडजस्ट कर, लेकिन स्पेकुलेशन जैसी इनकम होनी चाहिए। मीन्स जो इनकम है उधर भी विदाउट डिलीवरी वाला धंधा होना चाहिए, और जहाँ लॉस हुआ उधर भी विदाउट डिलीवरी वाला होना चाहिए, नॉर्मल धंधे में एडजस्ट नहीं करने मिलेगा। तो ये था स्पेकुलेशन, तो स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन इनकम में एडजस्ट करना है। एंड नेक्स्ट ईयर भी वही स्पेकुलेशन में, बट इसको गवर्नमेंट खाली 4 ही साल खींचने देती है। मीन्स अगर मेरा स्पेकुलेशन का लॉस है और अगर उस ईयर एडजस्ट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर मुझे राह देखना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर भी स्पेकुलेशन में इनकम नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुई, ऐसे 4 साल तक ट्राई करो, लेकिन 4 साल तक भी कोई स्पेकुलेशन में इनकम नहीं है, तो बाद में कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलता, मैक्सिमम 4 ईयर्स। ओके, तो सी इन लोग स्पेकुलेशन लिख देंगे तो अच्छा है, नहीं कई बार क्या स्पेकुलेशन लिखेंगे नहीं, ऐसा लिखेंगे कि एक बिजनेस है जिसमें हम लोग गुड्स की डिलीवरी न लेते हैं न देते हैं, लेते हैं मतलब परचेस करते हैं, डिलीवरी होता भी नहीं है और बेचते टाइम डिलीवरी भी नहीं, मतलब डिलीवरी बेच नहीं है, तो समझ जाना स्पेकुलेशन है। मतलब स्पेकुलेशन वर्ड नहीं लिखेंगे, डिलीवरी का ऐसा कुछ स्टेटमेंट देंगे क्वेश्चन में, तो समझ जाना विदाउट डिलीवरी वाला मतलब स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन इनकम ही एडजस्ट करना है। फिर दूसरा क्या है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अब रेस हॉर्सेस मेंटेन करने में लॉस होता है कि नहीं, जैसे मान लो मैं रेसेस खिलाता हूँ लोगों को, तो लोग घोड़े के ऊपर बेट करते हैं ना, तो मेरी इनकम है, एंड फिर कोई जीतता है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, एंड फिर घोड़ों को खिलाना पिलाना मेंटेन करना खर्चा है। मतलब ये धंधे में भी नुकसान हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट है तो टैक्स भर दो, लॉस है
तो ये लॉस ऐसी ही इनकम में एडजस्ट करने मिलेगा, मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस रिसोर्सेज वाली इनकम में एडजस्ट करने मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मुंबई में रेस कोर्स है, उधर मेरा लॉस हुआ है, और मेरा पुणे में भी रेस कोर्स है, पुणे वाले रेस कोर्स में प्रॉफिट हुआ है, तो वो एडजस्टमेंट करने मिलेगा। लेकिन मेरा एक ही रेस कोर्स है उसमें लॉस करके बैठा, तो वो मेरे पास एडजस्ट करने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। फिर तो मुझे नेक्स्ट ईयर ट्राई करना है, नेक्स्ट ईयर शायद उस रेस कोर्स में प्रॉफिट हो गया तो एडजस्ट करने मिलेगा, और ऐसे नेक्स्ट ईयर करके चार ही साल कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है, मतलब ये भी चार साल है। सी जो धंधे गवर्नमेंट को गंदे लगते हैं ना, गंदे धंधे चार साल। और गंदा क्या है, ये लोगों को घोड़े पे बेट करना ऐसा धंधा, ये गंदा धंधा है। और स्पेकुलेशन भी गवर्नमेंट को गंदा धंधा लगता है। गंदा धंधा चार साल, अच्छा धंधा आठ साल, और बहुत ही अच्छा धंधा है तो अनलिमिटेड ईयर्स। और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छा धंधा कौन सा है, 35AD। 35AD में जो 14 बिजनेस है ना, उन धंधों से तो गवर्नमेंट को प्यार है। कौन से धंधे थे, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग, ये सब जो ऐसे 14 बिजनेस थे टोटल, ये तो गवर्नमेंट को बहुत ही प्यारे धंधे लगते हैं। तो इनको क्या बोले, तुम्हारा लॉस तो तुम्ही में एडजस्ट करना है, और अगर एडजस्ट नहीं हो पाए तो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है, अनलिमिटेड ईयर्स। तो सी इसको ऐसे याद रहो, चार धंधे नॉर्मल धंधे के साथ नॉर्मल रूल है, और अगर गंदे धंधे है तो उसके साथ गवर्नमेंट ने रूल भी गंदा ही रखा है, चार ही साल कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। और गवर्नमेंट का जो फेवरेट धंधा है 35AD वाला, वो अनलिमिटेड ईयर्स। तो बिजनेस में क्या है, चार ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, सी इसको ऐसे याद रखने का, स्पेक टू स्पेक ओनिंग, ONM टू ONM, AD टू AD, रिस्पेक टू स्पेक, ONM टू ONM, AD के सामने AD, AD के सामने AD, मतलब 35AD वाले बिजनेस में 35AD का ही इनकम होना चाहिए। ओके, और ये क्या होता है, इनफाइनाइट ईयर्स कैरी फॉरवर्ड करने मिला, लिखा है ना ये इन्फिनिटी का साइन है, इनफाइनाइट। फिर कैपिटल गेन्स में देखो रूल कैसा है, दो टाइप के लॉस होते थे, लॉन्ग टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस। तो इसमें ऐसे याद रखो, लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन में एडजस्ट करने मिलेगा, और शॉर्ट टर्म लॉस है तो शॉर्ट लॉन्ग किधर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको तो पता है, मैं स्टूडेंट्स को ऐसे याद रखाता हूँ, लॉन्ग टू लॉन्ग, शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग, ऐसे ट्यून की फॉर्म में याद रहा, लॉन्ग टू लॉन्ग, शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग, मतलब लॉन्ग लॉस लॉन्ग गेन में एडजस्ट होता है, शॉर्ट वाला तो शॉर्ट लॉन्ग कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है ना। लॉन्ग टू लॉन्ग और शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग, क्योंकि कोई शॉर्ट है तो शॉर्ट में भी एडजस्ट होता है तो लॉन्ग में भी एडजस्ट होता है। अरे कोई शॉर्ट लड़की है तो शॉर्ट लड़के में भी एडजस्ट हो जाएगी, शॉर्ट लड़के में भी, लॉन्ग लड़के में एडजस्ट हो जाएगा। अरे शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग, पर लॉन्ग टू लॉन्ग है ना। तो ये ऐसे सोचो, कोई लड़की है तो, कोई शॉर्ट लड़की है तो शॉर्ट लड़के के सामने भी शादी हो जाएगी और लॉन्ग लड़के के साथ भी शादी हो जाएगी। तो शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग और लॉन्ग टू लॉन्ग। और फिर इसका कैरी फॉरवर्ड कितने साल है, आठ साल। सी ये लॉस का तो क्या है, उस ईयर भी सेम ट्रीटमेंट है, नेक्स्ट ईयर भी सेम ट्रीटमेंट है। सी ये तो रेस्ट्रिक्टेड लोग है ना। सी यहाँ जितने भी चीज़ें नहीं देखो, ये सब का तो जब लॉस हुआ तभी भी सेम ट्रीटमेंट है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी सेम ट्रीटमेंट है। देखो मैंने किसको हाईलाइट किया है, स्पेकुलेशन तो जब होता है तभी भी उस ईयर में स्पेकुलेशन में एडजस्ट करना, नेक्स्ट ईयर भी स्पेकुलेशन में, ओनिंग एंड मेंटेनिंग का उस ईयर भी वैसा ही है, नेक्स्ट ईयर भी वैसा ही है। मतलब जो मैंने हाईलाइट किया ना, इन लॉसेस का तो उस साल भी वैसा, नेक्स्ट ईयर भी वैसा, लेकिन बाकी लॉसेस के साथ कैसा है, जब लॉस ताज़ा है तो हम लोग कहीं पर भी एडजस्ट करते हैं, नेक्स्ट ईयर सेम हेड में रखना पड़ता है। फिर लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बचा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर लॉस हुआ तो उसको किधर भी एडजस्ट करो, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में यूजुअली लॉस होता ही नहीं है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर लॉस हो भी गया तो गवर्नमेंट को पहले तो ट्रस्ट ही नहीं होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या लॉस होगा। लेकिन ठीक है, अगर तू बोल रहा है लॉस है तो तू एडजस्ट तो कर ले कहीं पर भी, लेकिन उसको आगे खींचने नहीं मिलेगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। तो ये देखो, एडजस्ट तो कहीं पर भी कर सकता हूँ लेकिन कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है। ओके, तो सी
हर जगह है ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है ही। ये देखो इधर क्या रेस्ट्रिक्शन थी, हाउस प्रॉपर्टी में दूसरे हेड में जाएगा तो 2 लाख तक, और बिजनेस में क्या रेस्ट्रिक्शन थी, एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी, और इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें एनीवेयर, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ अड़चन है। और ये तो श्रापित लोग है, श्रापित तो नहीं बोलना चाहिए, इनका तो वही इनकम एडजस्टमेंट होता है। किसका, स्पेक्यूलेशन का, स्पेक्यूलेशन में, ओनिंग एंड मेंटेनिंग का, ओनिंग एंड मेंटेनिंग में, एडी का, एडी के सामने लॉन्ग टू लॉन्ग, शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग, ये तो अच्छी तरह से रट लेना चाहिए। और बाकी जो लॉसेस अपने को लग रहे हैं जो फ्रीली एडजस्ट हो रहे हैं, उधर भी कुछ ना कुछ अड़चने हैं। जैसे अपने हाउस प्रॉपर्टी में क्या लगता है क्या, वो तो फ्रीली कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन उधर भी एक अड़चन आती है क्या, कि दूसरे हेड में जाओगे तो 2 लाख तक ही एडजस्ट करने मिलेगा, दूसरे हेड में नहीं हो पाया तो उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा 2 लाख तक की, और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड ऐसा। और बिजनेस में भी लगता है कहीं पर भी करो, लेकिन सैलरी में नहीं जाने मिलेगा ना, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अड़चन क्या है, कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। तो सी ये जो बॉक्स वाले, ये तो रेस्ट्रिक्टेड है ही, और जो बॉक्स के बाहर भी है ना, वहां भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो बस ये टेबल के अंदर क्या सेट ऑफ का पूरा समरी आ गया। अब है ना एक पॉइंट याद रखना, विनिंग्स होता है ना, विनिंग्स, विनिंग्स के सामने कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता है, क्यों, गवर्नमेंट क्या चाहती है, विनिंग्स पे पूरा 30% टैक्स मिलना ही चाहिए। उस पर कोई लॉस घुस गया तो विनिंग्स की अमाउंट छोटी हो जाएगी, और गवर्नमेंट का वो 30% टैक्स छोटा हो जाएगा, तो विनिंग्स के सामने कोई भी लॉस नहीं घुस सकता ना, विनिंग्स का लॉस कहीं घुस सकता है। मतलब दोनों तरफ से रास्ता बंद है, विनिंग्स के सामने कोई लॉस आया नो एंट्री, और विनिंग्स लॉस बन के कहीं जा रहा है उधर भी नो एंट्री। ये देखो इधर मैं लिख के रखा है, विनिंग्स के सामने पहले तो कोई लॉस नहीं आ सकता है, ये देखो ये अलाउड नहीं है, और विनिंग्स लॉस बन करके कहीं घुस रहा है तो उसको भी एंट्री नहीं मिलेगा। ओके, तो दोनों वेज इट इज नॉट अलाउड। तो ये सेट ऑफ के बेसिक रूल्स हो गए, तो बस सेट ऑफ में इतना ही याद रखना अपने को। अब है ना सेट ऑफ के चैप्टर में सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या मालूम है, इसका सम स्टूडेंट सॉल्व ही नहीं कर पाता है, क्यों, एग्जाम में इसका सम आता है अच्छा खासा, लेकिन क्या स्टूडेंट क्या है, इनकम्स और लॉसेस में ऐसा बौखला जाता है ना, कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मैं तुमको जो ट्रिक बताऊंगा ना, मेरी ट्रिक से सॉल्व करोगे तुमको बहुत सिंपल लगेगा। तो इसमें सम सॉल्व करने ट्रिक है, और वो ट्रिक बताने के लिए मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो सी ये सम देखना, इस सम से मेरा पर्पस क्या, बच्चों को मैं सम सॉल्व करने ट्रिक बताता हूँ, और अगर ट्रिक पता है ना तुम लोग को तो बस तुम लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। हाँ, तुमको ये टेबल का समरी याद होना चाहिए अच्छी तरह से, और उसके साथ ट्रिक एक, ये देखो ट्रिक क्या है बताता हूँ, एक बार रीड करो ये सम, ऊपर ऊपर से रीड कर लो, फिर मैं बात करता हूँ। खाली ऊपर ऊपर से देख लो, बाद में मैं रीड करने ही वाला हूँ, है ना। एक से ना एक चीज़ मेरी बतानी रह गई इधर, लुक ये वाले में एक और पॉइंट है, अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है, अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब बिजनेस में ऐसे तो प्रॉफिट था, लेकिन डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके लॉस बन गया। जैसे मान लो मेरा बिजनेस में है ना 100 रुपये का इनकम था और 90 रुपये का खर्चा था, तो 100 की इनकम में 90 का खर्चा है, तो मेरा 10 रुपये का नेट प्रॉफिट था, लेकिन बाद में डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो लॉस आ गया। मान लो डेप्रिसिएशन 15 रुपये का है, तो 10 रुपये के नेट प्रॉफिट में 15 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो मेरा भी लॉस हो गया। और अगर लॉस डेप्रिसिएशन के कारण पैदा हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनऑब्जॉर्ब मतलब लॉस अराइजिंग ड्यू टू डेप्रिसिएशन।
तो सी ये वाला एग्जांपल ट्राई करो ना, इधर देखो लुक, अगर ऐसा है मेरा बिजनेस में ना नेट प्रॉफिट 80 रुपीज़ है, मान लो चलो अभी अलग एग्जाम्पल 80 रुपीज़ है, और मेरा डेप्रिसिएशन है ना, सी ये नेट प्रॉफिट मतलब मैंने सारे खर्चे काट दिए, डेप्रिसिएशन कट नहीं किया अभी तक, डेप्रिसिएशन को अलग रखा है, ओके तो मेरा नेट प्रॉफिट 80 है और मान लो डेप्रिसिएशन मेरा है ना 92 है, तो नेट प्रॉफिट 80 है तो नेट प्रॉफिट और कितना खर्चा बर्दाश्त कर पाएगा 80 तक, लेकिन मेरा डेप्रिसिएशन तो 92 है और ये डेप्रिसिएशन अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, वो अज्यूम कर रहा हूँ मैं, सो नेट प्रॉफिट इज नेट ऑफ ऑल एक्सपेंस, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, तो टेल मी अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट विल बिकम लॉस, 80 रुपीज का प्रॉफिट विल बिकम 12 रुपये का लॉस, लेकिन ये लॉस किसके कारण हुआ है, डेप्रिसिएशन के कारण, तो इसको बोलते हैं अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब मेरा 12 रुपये का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 80 था तो 80 जितना डेप्रिसिएशन तो वो ऑब्जॉर्ब कर पाया, लेकिन 12 रुपये को डेप्रिसिएशन को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसको बोलते हैं अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, लेकिन अब सुनो इसका आंसर दो, अगर मेरा नेट प्रॉफिट ऑलरेडी 60 रुपया लॉस में, ऑलरेडी मेरे को प्रॉफिट नेगेटिव है, एंड फिर मेरा डेप्रिसिएशन अगर मैं देखूं मान लो 20 रुपये का डेप्रिसिएशन है, तो मैंने तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किए बिगर भी मेरा ऑलरेडी 60 का लॉस है ना, तो मेरा डेप्रिसिएशन तो ऑब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा, तो पूरा अनऑब्जॉर्ब्ड, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस में चल रहा हूँ और डेप्रिसिएशन तो जगह ही नहीं उसकी कुछ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 60 का लॉस करके बैठा हूँ तो डेप्रिसिएशन के लिए तो कुछ जगह ही नहीं है, तो पूरा डेप्रिसिएशन बिकम्स अनऑब्जॉर्ब्ड, ओके अब आंसर देना, मेरा प्रॉफिट 100 रुपया था और डेप्रिसिएशन 6 रुपये ही है, तो पूरा ऑब्जॉर्ब हो गया, अरे इन शॉर्ट क्या होता है, हमेशा डेप्रिसिएशन को अलग रखो, फिर देखो अगर प्रॉफिट भरपूर है तो डेप्रिसिएशन पूरा ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा है और डेप्रिसिएशन बहुत है तो थोड़ा डेप्रिसिएशन ऑब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी का अनऑब्जॉर्ब्ड, और अगर पहले से लॉस में हूँ और डेप्रिसिएशन सामने पड़ा है तो पूरा डेप्रिसिएशन अनऑब्जॉर्ब्ड, और अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए रूल है कि वो अनलिमिटेड ईयर्स कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है, क्योंकि अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ना फिक्स्ड एसेट से बनता है और फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट धंधे में ज़रूरी है, आज कोई भी धंधा करना है तो फिक्स्ड एसेट तो मस्ट है, और फिक्स्ड एसेट मस्ट है तो उसका कॉस्ट इंकर करना मस्ट है, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन होता है ना गवर्नमेंट लाइफ टाइम एडजस्ट करने देती है, मीन्स अगर हर साल तेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो तू डेप्रिसिएशन तो तू नेक्स्ट ईयर क्या लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, अरे सुना होगा तुम लोगों ने अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर्स, ओके लेकिन अनऑब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि ये डेप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाया, एनीवेज क्वेश्चन में अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रेडीमेड दिया हुआ आएगा, इन शॉर्ट यू जस्ट रिमेंबर अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन एंड दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर्स, ओके टेल मी ये वाला एग्जाम्पल में क्या था, मैं नेट प्रॉफिट ऑलरेडी 60 नेगेटिव है मेरा और अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 20 है, और अनऑब्जॉर्ब क्यों बोला, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है डेप्रिसिएशन ऑब्जॉर्ब करने का, तो ये जो 60 रुपया है ना इस ये बिजनेस लॉस हम लोग 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, लेकिन जो डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हो पाया वो अनलिमिटेड ईयर्स होता है, जो ऑलरेडी धंधे में लॉस था ना, ऑलरेडी धंधे में लॉस था मतलब विदाउट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो ऑलरेडी जो धंधे में लॉस होता है वो 8 ही साल कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है, और जो डेप्रिसिएशन के कारण फर्दर नुकसान हो रहा है, फर्दर ही होगा ना, क्योंकि 60 का लॉस है तो डेप्रिसिएशन तो लॉस बढ़ेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन के कारण से बना हुआ लॉस अनलिमिटेड ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होगा, एनीवेज तुम लोग को फिगर डायरेक्टली दे देंगे, ऐसा बोला ना बिजनेस का लॉस है मतलब वो ऑलरेडी धंधे में ही लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन तो अलग है तो वो 8 साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और अगर ऐसा बोला ना अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो मतलब वो डेप्रिसिएशन के कारण बना हुआ लॉस है तो वो अनलिमिटेड ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होगा, और पता है अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में एक स्पेशल रूल है, वो तो जिस ईयर का है ना
उस ईयर भी कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी, नेक्स्ट ईयर भी कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते एक्सेप्ट सैलरी। अरे बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, नॉर्मली लॉसेस जब नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो सेम हेड में रहना पड़ता है, लेकिन अनऑब्जॉर्ब तो जिस साल का है उस साल भी एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी, नेक्स्ट ईयर भी करना है तो एनीवेयर, मतलब दूसरे हेड में भी कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी, मतलब उसका तो जिस ईयर का है उस ईयर भी रूल सेम है, फ्यूचर में भी रूल सेम है। इन शॉर्ट सी मैं सम बता रहा था, लेकिन बीच में मेरे को याद है कि तुमको अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का बताया नहीं मैंने, तो सी इसके साथ है ना तुमको अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी रूल याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन में डाल देते हैं इन लोग, और इन लोग रेडीमेड फिगर देंगे, ऐसा बोल के देंगे अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तुम लोग क्या करोगे बताओ उसका, उसको कहीं पर भी एडजस्ट कर देना एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, और वो नेक्स्ट ईयर भी जा रहा है तो कहीं पर भी एडजस्ट कर देना एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये मैंने टेबल पे लिखा नहीं है, लेकिन तुम लोग अगर अपनी नोट्स बनाते हो ना तो इधर एक अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी लिख देना, ताकि क्या एक पेज में सारी थियरी आ जावे। ये हो गया। फिर अभी देखो ये सब मैंने बोला था सम सॉल्व करने का ट्रिक है, तो सी इसका ट्रिक क्या है बताता हूँ। लुक, सबसे पहले ना क्वेश्चन में बहुत सारे लॉसेस दे दिए हो ना, लॉसेस पे ध्यान ही मत देना। हम लोग मेनली इनकम कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं ना, तो इनकम पे फोकस करो। ये देखो मैंने क्या किया, इस समय ना पहले सारी इनकम्स लाइन से लिख दी है, ये मैं बताऊंगा कहाँ से आया बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि लॉसेस को एक बार साइड में रख के जो इनकम सम में दिख रही है ना उसकी लिस्ट बना दो। और सी मैंने बीच बीच में जगह खाली क्यों छोड़ी है मालूम है, क्योंकि लॉस एडजस्ट करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो सी बीच बीच में पर्पसली मैंने देखो इधर कुछ कुछ खाली खाली जगह जगह छोड़ी है ना, लेकिन पहले मैंने सारी इनकम लिस्ट डाउन कर दी, क्योंकि एक बार इनकम सब लिखी हुई रहेगी ना तो लॉसेस का चुटकी में इफेक्ट दे पाऊंगा। ओके तो सी मैं काम करता हूँ, सम रीड करते रहे मैं ना इनकम ढूंढ के उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, मेरी मदद करो तुम लोग, इसमें इनकम ढूंढ के बताओ। फर्स्ट पॉइंट तो लॉस वाला है, दूसरा देखो हाँ ये रहा इनकम, तो मैं इनकम वाली चीज को अंडरलाइन कर रहा हूँ। फिर अगला पॉइंट वापस लॉस है, फिर वापस इनकम, देखो ये रहा इनकम ढूंढ के लिख लेंगे ना बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, फिर और कोई है इनकम, हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड, ये भी इनकम है। फिर अगला पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो तो लॉस है जाने दो। फिर अगला पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो भी लॉस है जाने दो। ओके सी तीन लोग देखा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दो टाइप के दिए, एक लॉन्ग टर्म लॉस है ना, एनीवेज लॉस को बाद में देखते हैं, पहले इनकम कितनी मिली सम में, चार, ये तो कोई भी ढूंढ पाएगा, इसमें तो किसी को टफ लगना ही नहीं चाहिए। इनकम मिल गई ना, बस इनकम को रिस्पेक्टिव हेड में मस्त एडजस्ट कर दो। ओके रिस्पेक्ट, और हाँ नीचे भी देख लो, नीचे कोई इनकम तो नहीं है ना, नीचे कुछ इनकम तो नहीं है ना, नीचे तो कुछ लॉसेस के बारे में बोल रहे हैं, तो इनकम मेरे पास एक दो तीन चार है, तो ये चारों को हेडवाइज अरेंज करो। अब हेडवाइज मतलब सबसे पहला हेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी का कुछ है, हाँ है ना ये रहा, तो पहले इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख से अमाउंट देख लो, 3 लाख इधर लिख दिया बराबर है। फिर हेडवाइज सोचते हैं, हमेशा हेडवाइज जाने का, अगला हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के हेड का कुछ इनकम दिख रहा है, नहीं नहीं इनकम लॉस क्यों देख रहे हो, मैंने बोला लॉस के लिए आंख बंद कर देनी चाहिए, इनकम ही देखने का, तभी तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सी हेडवाइज में इनकम लिख रहा हूँ तो सैलरी का इनकम लिख दिया, अब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है क्या, नहीं है। फिर अगला हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में इनकम है क्या, इग्नोर दी लॉसेस फॉर द टाइमिंग, बिजनेस है हाँ ये रहा देखो, ट्रेडिंग बिजनेस है, स्पेकुलेशन बिजनेस है, तो ये इनकम ही है ना, तो देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा है। ओके ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन दो बिजनेस है। फिर अगला हेड क्या था, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स में कुछ इनकम है तो लिख, लॉस है तो बाद में देखते हैं, इनकम है कुछ, हाँ ये रहा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था ना, कितना 2 लाख का था, तो ये लिख दिया इधर। फिर अगला हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कुछ है नहीं, तो सी लॉसेस को एक बार पूरा इग्नोर करके इनकम की लिस्ट बना दो, तो
तो सी मैंने ये दो गिन के देखो, एक दो तीन चार इनकम थी ना, तो इधर देखो एक दो तीन चारों इनकम लिख दिया ना। अब देखो कितना सिंपल हो जाता है। अब एक एक करके लॉस का सटारा करते हैं, ये देखना। अब मैं काम कर दो, लॉसेस का मार्किंग है ना अलग स्टाइल में, ये देखो लॉसेस वालों को देखो मैंने काला डॉट किया है। अब ये काले डॉट्स का मैं जब तक डॉट बना रहा हूं तुम लोग सोचो ना इफेक्ट, नीचे भी लॉस है। बस अभी लॉसेस का इफेक्ट देते हो लाइन से। पहला देखो क्या है, लाइन से जाओ अभी। पहला लॉस क्या है, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेशन बिजनेस का रूल क्या है, मैंने क्या सिखाया था बताओ, स्पेक्युलेशन स्पेक्युलेशन के सामने स्पेक टू स्पेक, तो स्पेक्युलेशन लॉस स्पेक्युलेशन इनकम ही होता है। तो अगर मेरे को ये एडजस्ट करना है तो स्पेक्युलेशन इनकम होनी चाहिए। अब है ना क्वेश्चन में मत देख, अपने पास इनकम ये सब है, कुछ स्पेक्युलेशन इनकम दिख रही है, है ना ये रही ये, तो इधर मैं स्पेक्युलेशन लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके तो स्पेक्युलेशन लॉस कितना है, ओ ये तो 25,000 है, तो 25,000 तो नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 5,000 है, तो 5,000 एडजस्ट कर लो, बाकी का 20,000 कैरी फॉरवर्ड। ओके और जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना उसका ये देखो स्क्रीन पर देखो नोट बनाना पड़ता है, ये आंसर का फॉर्मेट ही फिक्स कर दो, कैरी फॉरवर्ड का नोट बनाने का ऐसे लिखने का, फॉलोइंग लॉसेस शैल बी कैरी फॉरवर्ड। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो स्क्रीन पर कुछ दिखेगा भैया, 5,000 की स्पेक्युलेशन इनकम है, सामने 25,000 का स्पेक्युलेशन लॉस है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो 20,000 नेगेटिव आउटर कॉलम में लिख डालो। कितने लोग क्या करते हैं, 5-25 और वो नेगेटिव 20 को आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अरे आउटर कॉलम में लिखा तो टोटलिंग करने में एडजस्ट हो जाएगा, और एडजस्ट नहीं कर सकते, जितना एडजस्ट हुआ वो इनर कॉलम में, ये इनर कॉलम है, आउटर कॉलम में मत लेके जाना। इसको क्या करना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड के लिए देखो नोट लिखना चाहिए। देखो मैंने क्या लिखा है, फॉलोइंग लॉसेस शैल बी कैरी फॉरवर्ड, तो उसमें कौन सा लॉस था, स्पेक्युलेशन लॉस। 20 कैसे आया, 25 में से 5 तो एडजस्ट हो गया ना इधर, तो बाकी का 20 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर ये देखो मैंने कलर कॉम्बिनेशन भी कैसा यूज किया है, मैंने इनकम को कैसे ऐसे ब्लू कलर में हाईलाइट करके रखा था, तो इधर दिखाया भी ब्लू में, और लॉसेस मैंने कैसे काला काला डॉट बना के रखा है, तो उसको काला काला करके ही दिखा रहा हूँ इधर, हाँ ताकि तुम लोग कलर से रिलेट कर पाओ। अब बताओ इसका इफेक्ट हो चुका, और कौन सा लॉस है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD। अब 35AD का लॉस 35AD में एडजस्ट करना है, तो अपने पास ये देखो कोई 35AD वाली इनकम है, देख लो सर इनकम पहले लिख दी तो काम कितना सिंपल होता है 35AD की इनकम नहीं है, तो नहीं है तो क्या करें, कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड के लिए नोट लिखने का, देखो नेक्स्ट पेज पे नोट है, क्या लिखा है, फॉलोइंग लॉसेस कैन शैल बी कैरी फॉरवर्ड। तो ये देखो क्या लिखा है, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेशन बिजनेस 20,000 कैरी फॉरवर्ड, सॉरी स्पेक्युलेशन गलती से निकला, स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड एक से स्पेसिफाइड बिजनेस का अमाउंट कितना था, बराबर ना 35AD का 20,000 था, तो ये लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर इसका इफेक्ट दे दिया मैंने, इसका इफेक्ट दे दिया, और कौन सा लॉस है, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी लॉस का रूल क्या है, सी लॉसेस का इतना ही याद रखना है, बस ये याद है तो सम किसका रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी लॉस कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहीं पर भी कर सकते, लेकिन पहले उसी हेड में ट्राई करो, और अगर दूसरे हेड में गए तो 2,00,000 तक ही एडजस्ट कर सकते। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना है, 2,50,000 है ना, तो पहले कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते, तो देखो कहाँ एडजस्ट कर सकते, कहीं पर भी कर सकते हैं ना, लेकिन पहले उसी हेड में ट्राई करो, उसी हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम है क्या, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की तो कोई इनकम है ही नहीं, तो उस हेड में पॉसिबल नहीं है, तो अपने को दूसरा हेड ट्राई करने का, लेकिन दूसरे हेड में खाली 2,00,000 तक ही शिफ्ट हो सकता है ना, और अपने पास तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना है, 2,50,000, तो अपने को 2,00,000 तक ही दूसरे हेड में शिफ्ट करने मिलेगा, तो बचा हुआ 50,000 कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड का नोट में डालना पड़ेगा। तो ये देखो इसको मैंने सैलरी में एडजस्ट कर दिया है, सैलरी भरपूर 3,00,000 है ना, सी कहीं पर भी कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी,
तो सैलरी में तो कर ही सकते हैं, और क्या इधर भरपूर अमाउंट देख रहे हैं तो उधर ही करो ना। कोई बोले सर इधर एडजस्ट कर दो क्या, कर सकते हैं। सी एनी हाउस प्रॉपर्टी लॉस के लिए क्या बोला मैंने बताओ, एनी वेयर मतलब एनी वेयर, इवन कैपिटल गेन में घुसा सकते हैं, स्पेकुलेशन और गंदे धंधे में भी घुस सकता है। सी उस गंदे धंधों में लॉस हुआ तो तकलीफ आता है, लेकिन इधर तो लॉस हाउस प्रॉपर्टी वाला है, और हाउस प्रॉपर्टी लॉस किधर भी घुस के एडजस्ट हो सकता है। लेकिन सी मैं इधर क्यों नहीं घुस रहा हूँ मालूम है, क्योंकि ये क्या है बेचारा बेसारों का सहारा है, ये लॉन्ग टर्म गेन लॉन्ग टर्म लॉस के सामने ही, अरे यार लॉन्ग टर्म लॉस हुआ तो उसका यही साथी है ना। सी हाउस प्रॉपर्टी लॉस का तो कोई भी साथी है, तो इसको यूज करेंगे चलेगा, लेकिन मैं 2 लाख को यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, लेकिन क्या कंफ्यूजन हो जाए, खाली 45,000 ही है और मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में कितना लॉस है 2,50,000, तो 2 लाख तक तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तो क्या छोटी मोटी अमाउंट में क्यों डालना है, बड़ा अमाउंट है तो उधर कर लो ना। तो मैं सैलरी को प्रिफर कर रहा हूँ ओके। और इसको क्यों नहीं प्रिफर किया, क्योंकि ये बेचारे लॉन्ग टर्म लॉस का साथी है, और ये चला जाएगा तो लॉन्ग टर्म लॉस का साथ छूट जाएगा, तो मैं इधर करता हूँ। ये देखो इधर कर दिया ना, लेकिन 2 लाख ही किया है, क्योंकि दूसरे हेड में 2 लाख तक ही हो सकता है। और पता है इधर भी है ना 115 BAC से सम सॉल्व करना हुआ ना, तो पता है 115 BAC में मैंने बताया था कि कुछ इंसेंटिव सैक्रिफाइस करने पड़ते, तो उसमें एक और सैक्रिफाइस था कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस दूसरे हेड में जो 2 लाख तक शिफ्ट होता है ना वो शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। इधर कैसे मैंने सैलरी के अंदर मस्त एडजस्ट कर लिया 2 लाख तक, 2 लाख तक ही कर सकते, लेकिन कर तो सकते हैं ना, लेकिन अगर 115 BAC का सम हुआ ना तो वो दूसरे हेड में शिफ्ट होना भी अलाउड नहीं है। तो सी दो तरह के सम आ सकते हैं, अगर 115 BAC वाला सम नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस दूसरे हेड में 2 लाख तक एडजस्ट करो, 2 लाख तक शिफ्टिंग अलाउड है दूसरे हेड में, और 115 BAC है तो वो भी अलाउड नहीं है, दूसरे हेड में 2 लाख तक भी एडजस्ट नहीं हो सकता अगर 115 BAC का सम है। और अगर 2 लाख तक दूसरे हेड में नहीं आ सकता तो कैरी फॉरवर्ड करो। सी दूसरे हेड में जाने का पाबंदी है ना, लेकिन अगर दूसरे हेड में नहीं जाने मिला तो कैरी फॉरवर्ड तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये सम में देखो मैंने क्या है स्टडी मटेरियल के सम का स्क्रीनशॉट लिया है, पूरा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डोंट वरी एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि 115 BAC के नियमों से सॉल्व करना है कि नहीं। ऐसा बोला ना डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से करना है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम तो 115 BAC, और 115 BAC दिया होता ना तो मैं ये भी नहीं कर सकता कि 115 BAC में रेस्ट्रिक्शन है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड में अप टू 2 लाख एडजस्ट करने मिलता है, वो नहीं मिलेगा। सो आई हैव सॉल्व अज्यूमिंग ये 115 BAC नहीं है। फिर देखो लाइन से मैं कर क्या रहा हूँ, सब लॉसेस का इफेक्ट दे रहा हूँ, इसका इफेक्ट हो गया जल्दी, हाँ बोल, इसका भी हो गया, हाँ इसका पूरा नहीं हुआ सॉरी, इसमें 2.5 लाख था ना 2,50,000, तो 2 लाख तो एडजस्ट हुआ, बाकी 50 का नोट लिखना पड़ेगा। ये देखो नोट में क्या कॉमन सेंटेंस लिख दो, फॉलोइंग लॉसेस शैल बी कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड की लिस्ट में इसको भी डाल दिया, देखो है ना 50,000। फिर और कौन सा लॉस है, ये हो गया, फिर दो लॉन्ग टर्म लॉस है। सी एक में क्या STD नॉट पेड था और दूसरे में STD पेड था, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सी लॉन्ग टर्म गेन बन के आता ना गेन, तो फर्क पड़ता है STD पेड है कि नॉट पेड, क्योंकि STD पेड हुआ तो लॉन्ग टर्म गेन में 1 लाख माफ बैलेंस पे 10% टैक्स आता है, और अगर STD नॉट पेड है तो 20% टैक्स आता है। लेकिन वो गेन आया तो, अगर लॉस बन के आया ना तो चाहे STD भरा हुआ है कि STD नहीं भरा हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बच्चों को बहकाने के लिए किया है, स्टूडेंट को एकदम अटल रहना चाहिए कि भाई ये लॉस है ना ये देख, तो लॉस में क्या है चाहे STD पेड वाला सिचुएशन हो कि नॉट पेड वाला सिचुएशन, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये अगर लॉन्ग टर्म गेन होता हाँ तो फर्क पड़ता कि STD पेड है तो मालूम है क्या होता है 1 लाख माफ होता है बैलेंस पे 10% टैक्स आता है, और STD नॉट पेड है तो नॉर्मल 20% टैक्स आता है ना। बट ये तो लॉस है ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
तो बताओ इन लोग दोनों के लिए तो मैं इकट्ठा डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरे लिए तो दोनों लॉन्ग टर्म लॉस है ना। और रूल क्या था लॉन्ग टर्म लॉस में, लॉन्ग टू लॉन्ग, शॉर्ट टू शॉर्ट लॉन्ग, तो ये लॉन्ग टू लॉन्ग वाला। तो लॉन्ग लॉस के लिए लॉन्ग गेन चाहिए, तो देखो अपने पास लॉन्ग गेन है ना, लॉन्ग गेन है, तो इधर लॉन्ग टर्म लॉस एडजस्ट हो सकता है, लेकिन गेन मेरे पास 2 लाख ही है, लॉस कितना है लॉन्ग टर्म में 75 और 1,02,000, टोटल कितना है 1,77,000। हाँ तो हो जाएगा, अपने पास तो 2 लाख पड़ा है, हो गया एडजस्ट। देखो और एसटीडी पेड नॉट पेड का फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो लॉस बन के आ रहा है तो, ओके। और वो दूसरा ये तो शेयर्स क्या लॉन्ग का लॉस लॉन्ग में एडजस्ट करना है। अब वो ड्यू टू शेयर्स है कि ड्यू टू ज्वेलरी है कि हाउस प्रॉपर्टी, वो नहीं देखते, ओके। और एसटीडी पेड नॉट पेड कुछ लॉन्ग टू लॉन्ग, लॉन्ग का लॉस है लॉन्ग गेन में एडजस्ट कर, तो कर लिया, उसके बाद भी लॉन्ग टर्म गेन बचा है ना। तो ये था। और सी सम में इन लोग है ना पूछते क्या, उनमें कभी भी सेट ऑफ का सम है ना ऐसे नहीं पूछेंगे कैलकुलेट सेट ऑफ। सेट ऑफ का सम है लेकिन सम में पूछा होता है टोटल इनकम, क्योंकि इनकम की टोटलिंग करने में तो सेट ऑफ होता है। तो कभी भी सेट ऑफ के सम में यही पूछा होगा कंप्यूट दी टोटल इनकम। सी मेरे सम में लिखा हुआ नहीं दिख रहा है कहीं पर भी पूछा क्या है, क्योंकि मैंने क्या स्क्रीनशॉट लिमिटेड लिया हुआ है। बाकी पूरा क्वेश्चन आएगा ना तो इन लोग पूछेंगे कंप्यूट दी टोटल इनकम, और ये भी बोलेंगे 115 BSE है कि 115 BSE नहीं है, वो भी बोलेंगे। वेट खत्म नहीं हुआ अपना, सॉरी मैं खत्म करके बैठ गया था, इधर और भी बचा है कुछ नीचे है ना। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग, ओनिंग एंड मेंटेनिंग में होता है, तो अपने पास ओनिंग एंड मेंटेनिंग जैसे नहीं है तो इसको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर जाएगा कैरी फॉरवर्ड, एक्चुअली ऑलरेडी पीछे से खींचा हुआ आ रहा है। ये कब से आ रहा है AY 2022-23, और पता है ओनिंग एंड मेंटेनिंग 4 साल तक ही खींच सकते, तो देखते ही ये 4 साल इसके खत्म हो गए कि नहीं हुए, कैसे गिनने का। मैं कभी भी AY दिया हो ना अपने को प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करके देखने का, वो ज़्यादा सिंपल रहता है, क्योंकि अपने एग्जाम में प्रीवियस ईयर 23-24 है ना। तो ये क्या लिखा है, ये प्रीवियस ईयर AY मत बोलो, प्रीवियस ईयर क्या है, अरे प्रीवियस ईयर क्या है 21-22 ना, तो इसके 4 साल गिनो, अरे वो साल को छोड़ के 4 साल गिनना है। लॉस कब पैदा हुआ था, प्रीवियस ईयर 21-22 मैंने ये AY को PY में कन्वर्ट कर दिया, तो ये साल को छोड़ के 4 साल गिनना होता है। अरे मैं देख रहा हूँ कि 4 साल कहीं खत्म नहीं हो गए इसके, क्योंकि खत्म हो गया तो नोट लिखने का भाई, ये टाइम बार चीज दे दिए सब में, तो इसके 4 साल गिनो 22-23, 23-24 ले, अपना 23-24 इधर ही आ गया, मतलब अपना साल तो दूसरा है, तो बट इस साल एडजस्ट नहीं हो पाया तो और 24-25 तक भी ले जा सकते, 4 साल ले जा सकते, तो इसको भी कैरी फॉर्ड की लिस्ट में डाल देंगे कि ये भी कैरी फॉर्ड होगा। कैरी फॉर्ड मतलब अपने लिए कैरी फॉर्ड मतलब नेक्स्ट 24-25 में एडजस्ट होगा, हम लोग 23-24 है ना, तो ये भी कैरी फॉर्ड हो सकता है। तो ये देखो इसको कैरी फॉर्ड की लिस्ट में डाल दिया है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, एक सेकंड स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी कैरी फॉर्ड हो जाएगा। फिर और एक लॉस था सम में ट्रेडिंग बिजनेस का, टेल मी ये कैसा बिजनेस है, अपने बिजनेस के लिस्ट में से बताओ कैसा वाला बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस मतलब कैसा, नॉर्मल। अब सी कोई बोले सर नॉर्मल लॉस तो कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लॉस ताज़ा होता है, तो एक बार बासी हो जाता है तो उसको सेम हेड में रखना पड़ता है। तो ये कौन सा ताज़ा लॉस है कि बासी है, बासी है, ब्रॉड फॉरवर्ड है ना, और बासी लॉस भी 8 साल तक ही आ सकता है। और अंदाज से देखो ये AY 2019-20 का है, मतलब प्रीवियस ईयर 2018-19 का है, तो इसके 8 साल अभी तक चल रहे हैं, अंदाज से गिन लो ना। तो ये पहले तो करंट ईयर में ट्राई कर दो, एडजस्ट हो रहा है क्या, एडजस्ट हो रहा है ये ट्रेडिंग लॉस कहीं। अरे एडजस्ट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सेम हेड में, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेम हेड में रखना पड़ता है,
तो सेम हेड में कुछ इनकम है ना, ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम है ले, तो इधर एडजस्ट कर सकता हूं। तो देखो कितना था, एडजस्ट हो गया है 5000 ब्रॉट फॉर बिजनेस लॉस। सी ओनिंग एंड मेंटेनिंग क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ओनिंग एंड मेंटेनिंग की इनकम नहीं थी, लेकिन ये तो ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस है ना, ये तो बिजनेस में एडजस्ट कर ही सकते कोई भी बिजनेस में, तो इसको एडजस्ट कर लिया मैंने इधर। बस बाद में क्या करना है, ये फाइनल अमाउंट का टोटलिंग करके अपना ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है, और चैप्टर 6 से नहीं दिया है तो यही मेरा नेट टैक्सेबल इनकम हो गया, दैट्स इट। इन शॉर्ट टेक्निक मुझे बताने थी, सम तो ऐसे बहुत बन सकते हैं लेकिन टेक्निक आ गई ना तो तुमको सिंपल लगेगा। तो व्हाट इज द टेक्निक, पहले सब इनकम ढूंढ के लिख दो, फिर लॉसेस का इफेक्ट देने जाओ तो सम सिंपल लगेगा। एक और फटाफट ट्राई करो ना ये वाला, और आंसर का फॉर्मेट फिक्स बना दो, ये बनाने का फिर नोट बनाने का, नोट में क्या लिखने का, क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। अब ये वाला ट्राई करो, मेरी टेक्निक से कर दे, फटाफट करो। अभी पहले इनकम ढूंढ लेते हैं, चले इनकम ढूंढते, पहले इनकम में क्या क्या है मेरे पास, इनकम फ्रॉम सैलरी है, फिर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है, मैं इनकम को अंडरलाइन कर रहा हूँ, और क्या था, लॉन्ग टर्म गेन फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड है, इनकम फ्रॉम बेटिंग है, बेटिंग मतलब विनिंग्स वाला आइटम हो गया है। तो बस इनकम के नाम पे चार ही चीज़ है, लॉसेस को मैं देखूंगा भी नहीं, पहले अपना मस्त मैं इनकम की लिस्ट बना दूंगा, और एग्जाम में चाहिए तो हर इनकम के नीचे दो दो लाइन छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, जजमेंट नहीं आएगा स्टार्टिंग में ना, लेकिन क्या अंदाज से दो दो तीन तीन लाइन छोड़ के लिखो, और हेडवाइज अरेंज करो, हेडवाइज। सी इन लोग तो कैसे भी दिए ना एक से, लेकिन अपने इसको हेडवाइज अरेंज करेंगे, तो करो ये चारों को हेडवाइज डालो, ये सैलरी के हेड में जाएगा, ये बिजनेस के हेड में, ये कैपिटल गेन्स, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विनिंग्स है ना। तो सी पहले सैलरी में 220,000 है, चेक करते हैं, और 220,000 बराबर है, फिर अगला हेड हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम है, इनकम ढूंढने का है, नहीं है, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में कुछ है 30,000, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया, फिर कैपिटल गेन्स में क्या था 250,000, ये आ गया, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बेटिंग था विनिंग्स वाला, ये आ गया, तो सारी इनकम लिख दी। अब लॉसेस का इफेक्ट आएगा, लॉसेस को मैं ना काला डॉट कर देता हूँ, मेरी स्टाइल से करो ऐसा, ये देखो ये सब काले डॉट वालों का इफेक्ट देना है अपना, मैं डॉट बना रहा हूँ तब तक इफेक्ट सोचो तुम लोग। चार लॉस है, लास्ट पॉइंट तो है ना अलग है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, उसका तो ATC में इफेक्ट आता है चैप्टर 6A में, वो देखेंगे बाद में, पहले बाकी सब लॉसेस का इफेक्ट बताओ। पहला लॉस क्या है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस। सी हाउस प्रॉपर्टी लॉस जब ताज़ा होता है हम लोग कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हेड में जाएंगे तो 200,000 तक ही शिफ्ट कर सकते हैं, और उसमें 115 BSE लिखा होगा ना तो दूसरे हेड में जाना ही अलाउड नहीं है, फिर उसी हेड में रहे है ना, और नहीं हो पा रहा है एडजस्ट तो कैरी फोर्ड कर, वो 115 BSE लिखा होगा तो, लेकिन लेट्स अज्यूम 115 BSE नहीं है ये, तो अपने दूसरे हेड में 200,000 तक जा सकते, लेकिन दूसरे हेड की गरज कब करो अगर सेम हेड में कुछ नहीं है तो, अपने हाउस प्रॉपर्टी हेड में कुछ इनकम ही नहीं है ना, तो दूसरे हेड का ही सहारा लेना पड़ेगा, और 200,000 तक ले सकता हूँ, और मुझे तो खाली 190,000 की ज़रूरत है, तो 200,000 तक सहारा ले सकता हूँ। तो ये देखो मैंने सैलरी में ले लिया उसको, सैलरी में 190,000 एडजस्ट कर दिया, और 200,000 तक कर ही सकते, और ये 200,000 से कम है तो कर सकते हैं, ये हो गया। फिर और क्या लॉस है, ये हो गया, फिर कपड़े के धंधे में लॉस हुआ है, अब कपड़े के धंधे के लॉस को क्या बोलना चाहिए, सी कभी भी बिजनेस आया ना तो ये देखो इन चारों में से कैसा है, नॉर्मल स्पेकुलेशन ओनिंग मेंटेन की 35 AD है, क्लॉथ बिजनेस लिखा है, मतलब नॉर्मल ही हो गया ना, चार ही बिजनेस होते हैं, नॉर्मल स्पेकुलेशन ओनिंग मेंटेनिंग 35 AD, तो मेरे क्वेश्चन में क्या है, क्लॉथ बिजनेस लिखा है तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल बिजनेस एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी, तो एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी में एक से किधर गया सब मेरा, ये रहा क्लॉथ बिजनेस का कितना था लॉस, 240,000 एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी, तो एनीवेयर बट सी एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी पहले सेम हेड में ट्राई करने का, एनीवेयर एक्सेप्ट सैलरी बट फर्स्ट यू हैव टू टेक द हेल्प इन द सेम हेड,
और सेम हेड में नहीं आया तो दूसरे हेड, और दूसरे हेड में एक्सेप्ट सैलरी। ओके, तो बिजनेस के हेड में कोई है क्या? है ना, बिजनेस के हेड में स्पेकुलेशन है। तो कोई बोला सर ये स्पेकुलेशन है। सी स्पेकुलेशन का ऐसा हुआ कब मचाने का, जब लॉस बन के आया। तो लॉस बन के सोचने का, इधर लॉस कौन है? क्लॉथ। क्लॉथ का धंधा स्पेकुलेशन के नॉर्मल है, नॉर्मल तो करना एडजस्ट किधर भी कर, बट कितने लोग नहीं सर स्पेकुलेशन है। अरे स्पेकुलेशन का सीन जो क्रिएट किया है ना हमने, वो लॉस बनेगा तो ये लॉस है क्या? लॉस कौन है वो देख। स्पेकुलेशन लॉस बन के आया ना, स्पेकुलेशन लॉस है तो स्पेकुलेशन में एडजस्ट करना। तो लॉस बन के सोचोगे तो दिमाग बराबर चलेगा। तो लॉस बन के सोचूंगा तो ये कैसा लॉस है, ये तो नॉर्मल धंधे में लॉस है कपड़े का, तो ये तो मैं कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन पहले सेम हेड में ट्राई करूंगा। और सेम हेड में मेरे पास 30,000 है ना, तो मैं 30,000 इधर एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखो कपड़े के धंधे का 30,000 एडजस्ट कर लिया। अब और भी लॉस बचा है, कितना था कपड़े के धंधे में? 240, तो बचा कितना है? 210 बचा है। तो उसको मैं दूसरी कहीं पर भी एडजस्ट करूँ एक्सेप्ट सैलरी। तो सैलरी के अलावा कहीं पर भी कर दो तो है क्या मेरे पास? एक ये है और एक विनिंग्स है। विनिंग्स का तो मैंने क्या बताया था, विनिंग्स ना कहीं जा सकता है ना उसके सामने कुछ आ सकता है, उसके द्वार दोनों तरफ से बंद है। विनिंग्स कहीं लॉस बन के भी नहीं घुस सकता, और उसके सामने कोई लॉस आएगा तो भी एंट्री नहीं है। तो मेरे पास ये नो एंट्री ये वाला है, तो यही बचा है ना। और सैलरी का तो बोला एक्सेप्ट सैलरी, तो मैं इधर एडजस्ट कर लूँगा। उसी कपड़े के धंधे के लॉस को मैंने 30,000 इधर किया, 2,10,000 इधर किया। और सी कोई बोले सर पूरा लॉन्ग टर्म में ही डाल दो ना, इधर भरपूर अमाउंट है। नहीं, नियम है हमेशा लॉसेस को पहले उसी हेड में ट्राई करने का, नहीं हुआ तो दूसरे हेड में। और बिजनेस लॉस तो दूसरे हेड में भी जा सकता है एक्सेप्ट सैलरी। तो पहले जितना हो सका बिजनेस के हेड में कर लिया ना 30, फिर भी और बचा था 2,10,000, तो मैंने लॉन्ग टर्म में ले लिया। ओके, तो ये देखो 2,40,000 का पूरा लॉस एडजस्ट हो गया मेरा। एक सेकंड, किधर गया 2,40,000? हाँ ये रहा, क्या बता रहा था, हो गया ना। फिर और कौन सा लॉस है? 35 AD। अब 35 AD तो 35 AD में एडजस्ट कर सकते, लेकिन मेरे पास 35 AD की कोई इनकम ही नहीं है, तो इसको नोट में डालूंगा कैरी फॉरवर्ड। देखो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा स्पेसिफाइड बिजनेस, कितना था स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस? 20,000 था ना, तो 20,000 का नोट डाल दिया। देखो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बराबर। फिर और क्या बचा लॉसेस में? अरे सब लॉसेस का एक एक करके इफेक्ट दे रहा हूँ। कार्ड गेम, अब कार्ड गेम तो विनिंग की दुनिया का है ना, और विनिंग की दुनिया को क्या श्राप मिला है? विनिंग ना लॉस बन के कहीं जा सकता है, ना उसके सामने कोई लॉस आ सकता है, तो ये तो विनिंग लॉस बन के बैठा है। तो इसको तो बोला ही है ना, तू लॉस बन के किधर जा ही नहीं सकता है, तो इसका तो सेट ऑफ ही नहीं हो सकता है। तो इसकी तो नोट क्या हो गया, उनमें कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो ही नहीं सकता है एडजस्ट, ना सेम ईयर में ना नेक्स्ट ईयर। विनिंग्स कभी भी लॉस बना ना, कितने लोग बोलते सर विनिंग्स को विनिंग्स के सामने नहीं ले सकते क्या? नहीं, किधर अलाउड ही नहीं है। कितने लोग क्या सोचते इधर आपस में, ये तो विनिंग भाई भाई लोग है ना। नहीं, विनिंग्स का कैसा है देखो, विनिंग्स के सामने न कोई लॉस घुस सकता है। तो सी इधर बैटिंग है ना, बैटिंग के सामने कार्ड गेम नहीं घुस सकता है कोई भी नहीं, वो सेम फैमिली का भी नहीं। तो विनिंग्स के सामने न कोई लॉस घुस सकता है, न विनिंग वाले लॉस कहीं घुस सकते हैं। तो विनिंग के लॉस को इग्नोर ही कर देने का हमेशा, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी था ना, विनिंग्स के एक्सपेंसेस इग्नोर होते हैं तो विनिंग्स का लॉसेस भी इग्नोर हो जाता है। तो ये देखो, ये कार्ड गेम का लॉस है ना, ये विनिंग की दुनिया ना, पत्ते खेलना मतलब विनिंग्स वाली फैमिली है, तो ये लॉस कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो सकता, न विनिंग्स के सामने नहीं हो सकता है। तो इसका नोट क्या लिखा मैंने, पढ़ो, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स कैन नॉट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, ना तो ये सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। सी ये मैंने तुमको इधर बताया था, ये देखो ये सीन देखो मेरा, ये क्या बताया था, विनिंग्स ना तो लॉस बन के कहीं जा सकता है,
ना उसके सामने कोई लॉस बन के आ सकता है। विनिंग्स कहीं जाना चाहे तो भी बोलो नो एंट्री, और उसके सामने कोई आना चाहे तो भी बोल दो नो एंट्री, तो बस हो गया। ये देखो कौन सा दम था, ये रहा। तो मैंने सारे लॉसेस का इफेक्ट दे दिया ना। अब लास्ट एक पॉइंट देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 45,000। इसका इफेक्ट क्या आएगा, चैप्टर 6 से। सी सब में पूछा क्या होगा, मैं टोटल इनकम कंप्यूट करो। सेट ऑफ का टॉपिक टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में काम आता है। अब मेरा ATC का इफेक्ट देखो कैसे आएगा। ATC कितना है, 30,000। क्यों, LIC प्रीमियम कितना था, 45,000 था, लेकिन मैंने 30 क्यों लिया, नहीं वो 10% ऑफ सम अश्योर्ड के हिसाब से ही है। से सम अश्योर्ड दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये 45,000 है ना था, लेकिन फिर भी पता है मैंने 30 क्यों लिया। ये देखो लुक, एक रूल था चैप्टर 6 से चार इनकम को नहीं मिलता है। कौन सी चार इनकम, शॉर्ट टर्म अंडर 111 है, लॉन्ग टर्म अंडर 112 है, सादा लॉन्ग टर्म और विनिंग्स, इसको चैप्टर 6 से नहीं मिलता है। तो कभी भी चैप्टर 6 से ले रहे होते हैं ना, ये चार इनकम को लॉक कर दो, मतलब उसको मिटाई दो अपने दिमाग से। और चैप्टर 6 से हम लोग दूसरी इनकमों को घटा सकते, लेकिन इन चारों को नहीं घटा सकते। कौन से चार बताओ, शॉर्ट टर्म अंडर 111 है, लॉन्ग टर्म अंडर 112 है, सादा लॉन्ग टर्म ऑफ विनिंग्स, ये चार को चैप्टर 6 से नहीं मिलता है। मैंने चैप्टर 6 से में लास्ट क्लास में बोला था, भूल गए तो अभी याद रख लो कि शॉर्ट टर्म अंडर 111 है इक्विटी शेयर्स का, लॉन्ग टर्म अंडर 112 है सादा लॉन्ग टर्म विनिंग्स, इसको चैप्टर 6 से नहीं मिलता ना। तो मैं क्या करूँ, तो सुनो, ये चार इनकम होगी ना तो उसको मैं कवर कर दूंगा। तो ढूंढो शॉर्ट टर्म अंडर 111 है सब में, नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म अंडर 112 है, नहीं है। ये क्या था, तो ये हाँ नॉर्मल लॉन्ग टर्म में भी तो रेस्ट्रिक्शन है ना, तो नॉर्मल लॉन्ग टर्म इसको चैप्टर 6 से नहीं मिल सकता, और विनिंग्स को भी। ये तो विनिंग्स था, सी मैंने मिटा क्यों दिया ना, जिसको चैप्टर 6 से नहीं मिलता ना उसको मन से मिटा दो। तो कैसे लोग को मन से मिटा देना चाहिए बताओ, शॉर्ट टर्म अंडर 111 है, लॉन्ग टर्म अंडर 112 है, सादा लॉन्ग टर्म और विनिंग्स, इसको चैप्टर 6 से नहीं मिलता ना, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या लूँ मैं, उसको मैंने कैसे मिटा दिया। ऐसे तुम लोग ऐसे स्क्रिबलिंग नहीं कर पाओगे एग्जाम में, लेकिन मन से मिटा देना। तो ये देखो इसको मिटा दिया तो मेरे पास क्या बचा है बताओ, अभी 30,000। ये सैलरी वाला है ना, इसको चैप्टर 6 से मिलेगा, लेकिन 30,000 को तो घटा घटा के 30 ही घटा सकता हूँ। कोई बोले नहीं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो 45 है, लेकिन 45 नहीं ना, अपने पास चैप्टर 6 से के लिए एलिजिबल अमाउंट खाली 30 है, तो 30 को घटा घटा के 30 ही घटाएगा ना। सी चैप्टर 6 से में लॉस क्रिएट नहीं होता कभी, चैप्टर 6 से नेगेटिविटी क्रिएट नहीं हो सकती है। तो मेरे पास चैप्टर 6 के काबिल 30,000 ही है, तो मैंने 30,000 ही इसलिए लेस किया है। सी मैं 45,000 लेस कर देता ना तो क्या होता, ये 30 तो उड़ जाता, ये लोग भी घट जाते। तो सी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है बताओ, कभी भी चैप्टर 6 से सॉल्व करोगे ना, उस वक्त है ना कौन सी इनकम को कवर कर देना चाहिए, कवर मतलब उसको भूल जाना चाहिए, ऐसे सोचो है ही नहीं वो। शॉर्ट टर्म अंडर 111 है, लॉन्ग टर्म 112 है, सादा लॉन्ग टर्म विनिंग्स, तो मैंने वही कह रहे हो, विनिंग्स को कवर कर दिया और लॉन्ग टर्म को कवर कर दिया, बस। अब ये कवर कर दिया मतलब वो सामने दिखना ही नहीं चाहिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब मेरे माइंड में 30,000 है, तो बस 30,000 को घटाओ, और 30 को घटा घटा के कितना, 30 ही घटाऊंगा ना। तो सी था मेरे पास 45, लेकिन उसको मैंने 30 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ओके, तो ये भी अच्छा पॉइंट था। तो बस मैंने तुमको है ना दो सम्स मेरे साथ सॉल्व करवाए सेट ऑफ के, ताकि सेट ऑफ का टॉपिक तुम लोग अच्छी तरह सॉल्व कर पाओ। ओके, इसमें मुझे ट्रिक बतानी थी, ट्रिक समझानी थी बस। तो सेट ऑफ का टॉपिक अपना खत्म हो चुका है।
अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लुक हियर, नेक्स्ट टॉपिक है ना, एक सेकेंड, अच्छा रिटर्न्स वाला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिटर्न्स। रिटर्न्स के टॉपिक में क्या इन लोग थियरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड कितनी बार के अपने थियरी को प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन क्या है ये बाय चांस अगर सम स्टफ आ गए तो थियरी के सहारे अपना पेपर निकलता है आगे, मालूम है ना। तो ये थियरी क्वेश्चन की तरह आएगा, लेकिन क्या एक बार सेफ्टी के लिए टॉपिक करना चाहिए। ओके ये देखो फटाफट टॉपिक खत्म हो जाएगा। सी रिटर्न फाइलिंग का मतलब क्या होता है, मालूम है, अपने जो इनकम होती है ना 5x की, वो कैलकुलेट करके फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ता है। एक फॉर्म होता है रिटर्न फाइलिंग का, वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ऑनलाइन होता है, वो फॉर्म फिलअप करके, और फॉर्म में क्या फिल करना होता है, अपना 5x ऑफ इनकम का डिटेल्स वो फिल करके सबमिट करते हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न फाइल करना है। ओके और रिटर्न देखो किसको फाइल करना पड़ता है, सेक्शन 139(1) में लिखा है कि हु शुड फाइल रिटर्न, वेन टू फाइल रिटर्न, हाउ टू फाइल रिटर्न, तीन चीज लिखी इस सेक्शन में, हु शुड फाइल, वेन टू फाइल एंड हाउ टू फाइल। तो सी हु शुड फाइल का आंसर क्या है, ये देखो ये चार लोग को तो है ना कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना है, चाहे इनको इनकम हो के लॉस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द इनकम रिटर्न भरना ही पड़ेगा। लेकिन अदर्स लोग का क्या है, अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है तो ही रिटर्न फाइल करना है। अब एक बार है ना अदर्स लोग को मत देखो, खाली ऊपर ऊपर से देखो ना कि इनको तो हमेशा ही रिटर्न फाइल करना है, ये कौन लोग है बताऊंगा, और हमेशा मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द इनकम। और बाकी लोग का क्या, अगर इनकम बड़ा है तो ही रिटर्न फाइल करना है, बड़ा है मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब स्लैब रेट्स में 0%, वो डिपेंड करता है, तो 115 बीएससी के स्लैब रेट से आता है तो 3 लाख, और अगर 115 बीएससी के हिसाब से नहीं आएगा तो 2,50,000, बट वो उतना अमाउंट ज्यादा हुआ उससे तो ही रिटर्न भरना पड़ता है। लेकिन इन लोग का ऐसा नहीं है, इनको तो भरना ही पड़ता है, किसको, ये देखो कंपनीज का इनकम हो नहीं हो, लॉस हो, रिटर्न भरना ही है। पार्टनरशिप फर्म को भी ऑलवेज फाइल, ओके कंपनीज को ऑलवेज फाइल, पार्टनरशिप फॉर्म ऑलवेज फाइल। फिर एक होता है राउसो और एक फेको, राउसो फेको शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म बताऊंगा, लेकिन इतना रटो के चार लोग को रिटर्न भरना ही पड़ेगा, कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म राउसो फेको। अब देखो राउसो का मतलब क्या होता है, लुक इधर देखो फुल फॉर्म दिखेगा, तुम लोग ध्यान देते आओ, रेसिडेंट पर्सन हैविंग, पढ़ो, एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट आउटसाइड इंडिया, एक ही जने, ये आदमी का नाम बहुत लंबा है, इसलिए मैंने कीवर्ड बना दिया राव सो, एक कंटिन्यूस सेंटेंस है, सुनो वापस सुनो, रेसिडेंट पर्सन हैविंग एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या मालूम है, किसी भी बंदे के पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है ना, रिटर्न भरना पड़ेगा, क्योंकि सी फॉरेन में प्रॉपर्टी होना मतलब हो सकता है तेरे पास बहुत ब्लैक का पैसा था और तूने उसको फॉरेन में लोकेट कर दिया है। इंडिया में एक फैशन है, बहुत ज़्यादा ब्लैक का पैसा होता है ना तो कोई घर में नहीं रखता है, घर में रखेंगे तो रेड पड़ जाएगी, इसलिए बड़े बड़े लफड़े करने वाले लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक का पैसा है ना तो उसको फॉरेन में लोकेट करते, और फॉरेन में कोई कोई कंट्रीज है ना इतनी लीनियंट होती है ना, वहाँ पर बैंक अकाउंट खोल के पैसा रख दो पूछेंगे भी नहीं। इंडिया में तो बैंक अकाउंट खोलो तो कितने नखरे होते हैं, पैन कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, बिजली का बिल दिखाओ, वो सब दिखा के अकाउंट खुलता है। लेकिन फॉरेन में बहुत सारी कंट्री लीनियंट है, वहाँ पर बैंक अकाउंट खोल के पैसा डाला पूछते भी नहीं कुछ। तो इंडिया के जो बड़े बड़े चोरे क्या करते, ज़्यादा ब्लैक का पैसा होता है फॉरेन में छुपा डालते, इसलिए गवर्नमेंट को क्या लगता है कि फॉरेन में प्रॉपर्टी है मतलब कुछ तो दाल में काला है, इससे रूल ही बना दिया जिसके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी हमको उसका रिटर्न चाहिए। देखना है ऐसा क्या है कि फॉरेन में प्रॉपर्टी है, क्योंकि हो सकता है शायद फॉरेन में प्रॉपर्टी मतलब वो तेरा काला धन हो, नहीं भी हो सकता है, शरीफ लोग भी प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे मैं शरीफ आदमी हूँ, कमा के टैक्स भरता हूँ, मेरे पास दुबई में फ्लैट है, मैंने शौकिया तौर पर रखा है दुबई में फ्लैट, और वाइट का पैसा है मेरा, तो हो सकता है। लेकिन क्या पता गवर्नमेंट को कौन पापी है कौन सच्चा है, इससे गवर्नमेंट तो सबको शक की निगाह से देखती है,
इसे गवर्नमेंट के माइंड में तो पहले शक दौड़ता है कि फॉरेन में प्रॉपर्टी है, शायद ब्लैक का पैसा होगा, तो ऐसे लोग को रिटर्न भरना ही पड़ता है। ओके, और वो बोले नहीं मेरी तो इनकम जीरो है इस साल, तो भी रिटर्न भर, जीरो तो भी भर, क्योंकि रिटर्न भरेगा तो तेरा फॉर्म वॉर्म फाइल होगा, तो तेरा डेटा हमको मिलेगा, फिर हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या कि तेरे पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है। इन शॉर्ट रूल क्या, किसी के पास जो फॉरेन में प्रॉपर्टी है तो रिटर्न फाइल करना मस्ट है। अब कितने लोग क्या करते हैं, उनमें फॉरेन में बैंक अकाउंट खोलते हैं और है ना खुद के नाम का बैंक अकाउंट नहीं खोलते। अरे पता है कितने लोग ब्लैक का पैसा स्विस बैंक में रखते हैं, स्विस बैंक बहुत फेमस है उसके लिए ना, लेकिन कितने लोग क्या करते हैं खुद के नाम का बैंक अकाउंट खोलेंगे ना तो पकड़े जाएंगे, तो थोड़े शाणे बनने आते हैं। लोग क्या करते हैं खुद के नाम का बैंक अकाउंट नहीं खोलते, मम्मी के नाम का बैंक अकाउंट खोल दिया। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा ब्लैक का पैसा है तो मैंने फॉरेन में बैंक अकाउंट खोला, लेकिन मेरे नाम पे नहीं, मम्मी के नाम पे बैंक अकाउंट खोला, और मम्मी के नाम पे बैंक अकाउंट खोल के उधर सब पैसा जमा कर दिया। और मम्मी के नाम पे क्यों, क्योंकि मम्मी पे तो इनकम टैक्स वाले कभी भी शक नहीं कर सकते। अरे मम्मी तो ऐसे घर पे बैठी है ना, मम्मी के ऊपर तो इनकम टैक्स वालों की कभी नज़र नहीं पड़ेगी, तो वो सोच के मम्मी के नाम पे अकाउंट खोल दिया। लेकिन पता है उसने क्या किया, अकाउंट मम्मी के नाम का खोला है, उसमें खुद की साइन चल रही है वैसा बंदोबस्त किया है, और अपनी साइन क्यों चलवानी है मालूम है, क्योंकि उसको मम्मी पे भरोसा नहीं है। मम्मी के नाम पे बैंक अकाउंट खोल दिया, मम्मी पैसा लेके फरार हो गई तो, और जो पैसों के बुक्कड़ होते हैं ना उनको मम्मी पापा कुछ नहीं दिखता, उनको ये लगता है मम्मी के नाम पे अकाउंट खोल दिया, सारे पैसे मम्मी के खाते में, मम्मी पैसा लेके भाग गई तो, इसलिए उसने उस अकाउंट में अपना कंट्रोल रखने के लिए अपना साइन चलवाया है। तो लॉ क्या बोल रहा है, वो भले तेरी मम्मी का अकाउंट है, तेरा साइन चल रहा है ना, मतलब तू उस अकाउंट पे कंट्रोल रखना चाह रहा है, तो हमारे लिए वो तेरा ही पैसा है, तो तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब मम्मी के नाम का अकाउंट भी हुआ, अगर तेरी उसमें साइनिंग अथॉरिटी है, देन ऑल्सो यू हैव टू फाइल द रिटर्न। सी, या तो मेरे खुद के नाम का बैंक अकाउंट है तो रिटर्न भरना ही है, और अगर अकाउंट मम्मी के नाम का है, मम्मी के अकाउंट में मेरा साइन चल रहा है, तो भी रिटर्न भरना पड़ेगा। अरे नहीं तो लोग ऐसा ही करेंगे ना, खुद के नाम पे अकाउंट ही नहीं खोलेंगे, मम्मी के नाम पे, भाई के नाम पे, बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे अकाउंट खोल देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे केस में भी क्या बोलती है, तू किसी के नाम पे भी अकाउंट खोल, अगर तेरा उसमें साइन चल रहा है ना, तो हम लोग के लिए वो तेरा ही अकाउंट है। और पता है मम्मी वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, मम्मी को भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मुझको भी। मम्मी को क्यों, क्यों मम्मी के लिए क्या आरोप चढ़ेगा, आपके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है, फॉरेन में बैंक अकाउंट है। और मेरे को क्यों, क्योंकि मेरी साइन चल रही है। सिर्फ मम्मी का तो अकाउंट ही हो गया, तो मम्मी को तो ऐसे ही रिटर्न भरना पड़ेगा, और मुझे भरना पड़ेगा क्योंकि मेरा साइन चल रहा है। मतलब ऐसे देखो, ऐसे याद रखो, मम्मी बन गए राव, मैं बन गया सो, राव सो। अरे मम्मी बन गई राव मतलब मम्मी के लिए क्या बोलेंगे, मम्मी इज अ रेसिडेंट पर्सन हैविंग एसेट आउटसाइड इंडिया, और मैं क्या बन गया, हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन दैट अकाउंट। तो मम्मी को भी रिटर्न भरना पड़ेगा, मुझे भी भरना पड़ेगा। और सी, ये बैंक अकाउंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, फॉरेन में कोई ज़मीन है, घर है, कुछ भी है, फॉरेन में प्रॉपर्टी है तो रिटर्न भर देगा। अभी अचानक बैंक अकाउंट का बात क्यों निकला मालूम है, क्यों, साइनिंग अथॉरिटी वगैरह तो सब बैंक अकाउंट में होता है ना, तो साइनिंग अथॉरिटी पढ़ाना है तो मुझे बैंक अकाउंट का एग्जाम्पल लेना पड़ा। लेकिन ये देखो, ये जो लिखा है ना एसेट आउटसाइड इंडिया होना, वो कोई भी एसेट हो सकता है। इन शॉर्ट सुनो, किसी भी बंदे के पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है, या फिर उसका कोई फॉरेन में ऐसा अकाउंट है जिसमें अकाउंट भले किसी और का नाम पर उसका साइन चल रहा है, तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वो बोलेगा मेरी इनकम है ही नहीं, तो भी रिटर्न भर। सी, इन लोग के लिए क्या बोला था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द इनकम, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। और ये रेसिडेंट पर्सन लोग के लिए है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट लोग के पास तो फॉरेन में प्रॉपर्टी होना उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। अपने देसी लोग के पास फॉरेन में प्रॉपर्टी है तो जरूर तूने काले कारनामे किए होंगे, ब्लैक का पैसा वहां छुपा दिया होगा। फिर देखो राउसो के बाद फेको, फेको में देखो क्या है, अगर तुमने फॉरेन ट्रैवल किया 2 लाख से ज़्यादा, फॉरेन ट्रैवल पे स्पेंड करना, तू भले नहीं गया होगा, तूने अपने बेटे को भेजा होगा, लेकिन फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड किया तो रिटर्न भरना पड़ेगा।
क्योंकि सी फॉरेन ट्रैवल पे स्पेंड करना सबकी औकात नहीं है, लेकिन जिसने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा कर दिया खर्चा, तो डैट मीन्स तेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो तेरे पास इनकम भी होनी चाहिए। फिर तू बोलेगा नहीं मेरी तो इनकम ही नहीं है। हाँ ठीक है, इनकम नहीं है ना तो टैक्स मत रिटर्न तो भरना पड़ेगा। कि ऐसे लोग रिटर्न भरेंगे तो गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई कर पाएगी। कोई आर्ग्यू करेगा नहीं मेरा इनकम तो है ही नहीं। हाँ ठीक है ना, इनकम नहीं है तो टैक्स मत भरना बस, लेकिन रिटर्न का जो फॉर्म भरना पड़ता है फॉर्म तेरे को भरना पड़ेगा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि तू फॉरेन ट्रैवल कर रहा है फिर भी तेरा इनकम नहीं है। सी ये फेको में क्या अनुमे 4 ऐसे स्टेटस सिंबल है ना, ये स्टेटस को देख के लगता है कि बंदा जोरदार कमाता होगा, फिर भी वो बोले नहीं मेरी इनकम सच्ची मुच्ची कुछ भी नहीं है तो भी रिटर्न भरो। मतलब फेको लोग के भी क्या है, ये लोग फेंकते हैं, फेको फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, नहीं मेरा इनकम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बोलते हैं फेंकू, किसके सामने फेंक रहा है, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्च कर रहा है तो मतलब इनकम तो है तेरा, बोले नहीं मेरा नहीं है तो भी रिटर्न भर दे। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा भरना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मोर देन 1 लाख, ये भी अच्छा स्टैंडर्ड होता है। अरे नॉर्मली बिजली का बिल नॉर्मल धंधे में क्या है 20-25 हज़ार 50 हज़ार साल भर का, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भर रहा है, चाहे तेरे घर का बिल हो कि ऑफिस का हो, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भर रहा है, मतलब तू एक अलग स्टैंडर्ड में जी रहा है, तो तेरे को भी रिटर्न भरना पड़ेगा। और अगर तुम बोलोगे नहीं मेरी इस साल इनकम थी नहीं तो भी रिटर्न भरो। सी इन लोग का कैसा है मालूम है, इन लोग कुछ भी बोले ना कि मेरा इनकम है नहीं है जो भी है, इनका गवर्नमेंट को रिटर्न चाहिए। सी रिटर्न के बहाने क्या होता है, कोई फॉर्म भरेगा तो गवर्नमेंट का डेटा पहुंच जाता है, और ऐसे लोग का डेटा आया ना तो गवर्नमेंट उस पर निगरानी रख पाती है। तो फॉरेन ट्रैवल पे स्पेंड करने वाला, ऐसी फॉरेन ट्रैवल जरूरी नहीं कि खुद की हो कि किसी को भी, स्पेंड तूने किया ना तो रिटर्न भर दे, बिजली का बिल तूने भरा ना रिटर्न भर दे, लेकिन अमाउंट भी याद रखना, फॉरेन ट्रैवल का 2 लाख, बिजली का बिल 1 लाख। फिर करंट अकाउंट खोलना, करंट अकाउंट खोलना मतलब करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है, करंट अकाउंट तो खुला हुआ है मेरा लेकिन उसमें तूने 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है, मतलब करंट अकाउंट कौन खोलता है, बिजनेस करने वाला, और बिजनेस करने वाले का करंट अकाउंट है उसने 1 करोड़ से ज़्यादा डाला है, मतलब जोरदार इनकम होगी, तो बोले नहीं नहीं सच्ची मेरी इनकम नहीं है तो भी रिटर्न भर दो। तो एक करंट अकाउंट मोर देन 1 करोड़ करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया। फिर ओ का मतलब है एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, और पता है गवर्नमेंट ने और भी कुछ क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किए, ये देखो अदर्स में 3 पॉइंट है, TTS, अगर तेरा टर्नओवर 60 लाख के ऊपर है तो भी रिटर्न भरना है, और अगर तू प्रोफेशनल है तो ग्रॉस रिसीट 10 लाख के ऊपर होना चाहिए, या तो टर्नओवर 60 लाख के ऊपर है और प्रोफेशनल लोग के लिए ग्रॉस रिसीट 10 लाख के ऊपर है तो रिटर्न भरो। ये देखो लिखा है, इधर पढ़ो, अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन में क्या लिखा है, पढ़, टर्नओवर ग्रेटर देन 60 लाख और 10 लाख, फिर तेरा TDS प्लस TCS 25 हज़ार से ज़्यादा है, और तू सीनियर सिटीजन है तो 50,000 और मोर। अरे जिसका इतना ज़्यादा TDS कटता है, एक्चुअली TDS प्लस TCS है, तो जिसका इतना ज़्यादा TDS कट रहा है तो TDS कब कटता है, जब तेरी इनकम है तभी ना, और फिर भी तू बोले नहीं मेरी तो इनकम कुछ भी नहीं है, अरे झूठे फेको, तेरा इनकम नहीं है ना, चल एक काम कर तेरे से हम बहस नहीं करेंगे, तू रिटर्न तो भर फिर हम देखते हैं ऐसा क्या है कि इनकम नहीं है तेरे पास। तो टी क्या था, TDS प्लस TCS ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 एंड फॉर अ सीनियर सिटीजन इट इज 50,000। फिर सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा डाला, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लाख डिपॉजिट करना इन अ सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे डाल दिए मतलब तेरे पास पैसे कहीं से आते होंगे ना, और तू बोल रहा है नहीं मेरी तो इनकम नहीं है तो भी रिटर्न भरो। अरे मतलब ये ना कुछ ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तू जी रहा है तो रिटर्न तेरे को भरना पड़ेगा। बाद में तुम्हारी इनकम जीरो भी है तो टैक्स जीरो भर दो, लेकिन रिटर्न भरो ताकि गवर्नमेंट तेरे पे कार्रवाई कर सके।
अरे ये सब एमसीक्यू वगैरह में किधर भी आ सकता है। तो सी मैंने क्या पढ़ाया, हु शुड फाइल रिटर्न, तो इनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है ना। अब इसके अलावा है ना, बाकी लोग के लिए क्या मालूम है, अगर तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर एग्जेम्पशन अंडर 54 मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन हुआ तो ही रिटर्न भरना है। कौन सा इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। सी पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम मतलब चैप्टर 6 के पहले वाला है, और उसमें भी ना 54 के भी पहले वाला चाहिए। मतलब ये देखो, ये ऐसे बताऊंगा तो समझेगा, लुक हियर, एक्चुअली टैक्स इसके ऊपर आता है ना, नेट टैक्सेबल इनकम पे। अरे टैक्स इसके ऊपर आता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, रिटर्न भरना है कि नहीं ये डिसीजन इससे नहीं लेना है। क्यों मालूम है, क्योंकि क्या है, चैप्टर 6 में ना कुछ कुछ सेक्शंस में ना करोड़ों का डिडक्शन मिल जाता है। वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ATIA, ATIB ऐसे कुछ सेक्शन है जो सिलेबस में नहीं है, वहाँ पता है करोड़ों का डिडक्शन मिल जाता है। तो सोचो किसी को ATIA, ATIB ये सेक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसको 10-15 करोड़ का डिडक्शन मिल गया होगा, तो 10-15 करोड़ का डिडक्शन के बाद तो ये अमाउंट तो शायद ज़ीरो भी हो गया हो। तो ज़ीरो देख के क्या लग गया, गरीब है। लेकिन सो 10-15 करोड़ की इनकम थी, वो तो चैप्टर 6 की मेहरबानी से लेस हो गया ना। लेकिन 10-15 करोड़ की इनकम मतलब आदमी तो जोरदार है, तो उसको रिटर्न भरना पड़ेगा। सी बेसिकली लॉ क्या बोल रहा है, हम नेट टैक्सेबल इनकम से डिसाइड करेंगे ना, तो उसमें तो कितने अमीर लोग भी गरीब दिखेंगे, क्योंकि अमीरों का 10-10-15 करोड़ का इनकम होता है कई बार, लेकिन चैप्टर 6 में सब लेस हो जाता है। सी तुम लोग तुम्हारे ATC ATD को याद करोगे तो तुमको लगेगा इतना थोड़ी डिडक्शन मिलता है, ATC में तो 1,50,000 है। लेकिन तुम लोग ये CA इंटर वाले सेक्शन को याद कर रहे हो, CA फाइनल में और भी सेक्शन आएंगे, ATIA, ATIB, इन सेक्शन में मालूम है क्या होता है, करोड़ों का डिडक्शन भी मिल जाता है। और सोचो करोड़ों का डिडक्शन लेके तेरा इनकम ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो के बेसिस पे तू रिटर्न ही नहीं भरेगा, तो ऐसे करोड़पति आदमी का रिटर्न नहीं आया तो तकलीफ है ना। इससे लॉ ने क्या बोला कि टैक्स NTI पे आता है, लेकिन तेरे को रिटर्न भरना है कि नहीं वो डिसीजन NTI से मत लेना, GTI से लेना पड़ेगा। और GTI भी बिफोर एग्जेम्पशन अंडर 54 क्या था, कैपिटल गेंस में था उन्होंने, कैपिटल गेंस में घर बेच के घर ले तो एग्जेम्पशन होता है उन्होंने। तो सी ये 5 में है ना, अपने सब एग्जेम्पशन कट गए होते हैं, तो 54 का भी एग्जेम्पशन कट गया था। अरे अपने कैपिटल गेंस में ग्रॉस कैपिटल गेन डालते हैं कि नेट, नेट मतलब आफ्टर 54 का एग्जेम्पशन डालते हैं ना, तो ये पांचों में जो अमाउंट होता है नेट होता है। कितने लोग बोलते हैं नहीं अपने तो ग्रॉस लिखते हैं ना, अरे ग्रॉस क्यों लिखते हैं, क्योंकि चैप्टर 6 के पहले इसलिए ग्रॉस है, उस नज़रिए से ग्रॉस है, लेकिन पांचों हेड में तो हमने सब नेट करके लिया होता है, तो उसमें ये जो नेट ऑफ हो गया था ना उसको वापस ऐड बैक कर दो। क्योंकि 54 में भी कई बार है ना 2-2, 3-3 करोड़ का एग्जेम्पशन मिल जाता है। मतलब किसी अमीर ज़ादे ने घर बेचा था और घर बेच के घर ले लिया, और घर बेच के घर ले लिया तो उसका 2-3 करोड़ का कैपिटल गेन शायद एग्जेम्प्ट हो गया होगा। लेकिन 2-3 करोड़ का कैपिटल गेन कमाया मतलब आदमी जोरदार है, ठीक है एग्जेम्पशन के बाद तेरा इनकम इधर ज़ीरो हो गया होगा, लेकिन तूने 2-3 करोड़ का कैपिटल गेन कमाया था ना, वो माइनस हो के चलो नील हो गया, और नील के बेसिस पे तू रिटर्न नहीं भरेगा तो गलत है ना। और जिसने करोड़ों में गेन किया उसका रिटर्न चाहिए गवर्नमेंट को। इन शॉर्ट सी ये पूरे कंप्यूटेशन में ना दो इंसेंटिव ना बहुत बड़े हैं, चैप्टर 6 और 54 का एग्जेम्पशन, और वो इतने बड़े एग्जेम्पशन है ना कि लेस करके कितने लोग की इनकम निल हो जाती है। लेकिन निल के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ा तो कोई रिटर्न ही नहीं भरेगा। इससे लॉ ने बोला चैप्टर 6 के पहले वाला अमाउंट और 54 के भी पहले वाला अमाउंट, उससे डिसाइड करो कि अगर वो मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन है तो रिटर्न भरना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट टेल मी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है, किसी का नेट टैक्सेबल इनकम दिया है, चैप्टर 6 दिया है, 54 दिया है, तो क्या करोगे। अरे मतलब क्वेश्चन में इन लोग क्या नेट टैक्सेबल इनकम देंगे,
एंड फिर उसका चैप्टर 6 का अमाउंट भी दे देंगे, 54 का भी अमाउंट दे देंगे, तो क्या करेंगे? तो पहले नेट टैक्सेबल इनकम में ना चैप्टर 6 को एड बैक कर देना, ओके? तो जीटीआई आ जाएगा, फिर उसमें 54 को भी एड बैक कर देना, फिर देखना कितना आ रहा है। फिर अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा आ रहा है ना तो रिटर्न भरना पड़ेगा, और बेसिक एग्जेम्पशन मतलब 115 बीएससी वाला होगा तो 3 लाख वरना 2,50,000। तो ये था, तो इन शॉर्ट ये देखो इधर वही लिखा है कि इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल भी बिफोर एग्जेम्पशन अंडर 54 वाले सेक्शंस, और बिफोर करने के लिए अपने को एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली अपना ग्रॉस टोटल इनकम कट पिट के आया होगा, लेकिन उसमें एड कर दो वापस, एंड फिर देखो अगर मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो सी रिटर्न फाइल करना है कि नहीं, इन लोग क्या है कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके? तो ये चार्ट दिमाग में बिठा लो। अब एक्चुअली इसको पता है वॉलेंट्री रिटर्न बोलते हैं। वॉलेंट्री मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है, खुद भरो। हम एक एक को बोलेंगे नहीं फोन करके, ये रिटर्न भर दे, तू तेरा रिटर्न भर दे। लॉ क्या बोलते हैं, खुद से भर दो। वॉलेंट्री मतलब खुद ही भरो, मतलब एक बार तू इन चारों में फिट हो रहा है खुद ही भर दे, और अगर तू अदर वाला आदमी है तो देख तेरा इनकम बेसिक एग्जेम्पशन के ऊपर आ रहा है तो खुद ही भर दे। वॉलेंट्री मतलब हम नहीं बोलेंगे, खुद भरो। अब देखो इसमें ये तो हु शुड फाइल था ना, अब रिटर्न फाइल कब करना पड़ता है? तो सी रिटर्न फाइल करने के लिए रूल क्या है, 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। मतलब ये देखो इस साल तो हमने इनकम कमाई थी, लेकिन रिटर्न कब फाइल करते, ये वाले पीरियड में, और उसकी आखिरी डेट क्या है, 31 जुलाई। लेकिन कोई कोई लोग के लिए 31 अक्टूबर भी है। किसके लिए 31 अक्टूबर मालूम है? ये देखो कैप कंपनीज, ऑडिट वाले लोग, पार्टनर ऑफ अ फर्म जिसको ऑडिट आता है, पी फॉर पार्टनर ऑफ ऐसी फर्म जिसको ऑडिट आता है। मतलब सी मालूम है फर्म और पार्टनर का रिटर्न अलग फाइल होता है, तो फर्म को अगर ऑडिट आता है तो फर्म का ड्यू डेट अक्टूबर, तो पार्टनर का भी अक्टूबर। लेकिन फॉर्म बोले कि नहीं नहीं हमको कहाँ ऑडिट आता है, हमारा तो टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस ही नहीं हो रहा है। तो अगर फॉर्म को ऑडिट नहीं आ रहा है तो फॉर्म का 31 जुलाई, तो पार्टनर का भी 31 जुलाई। बेस्ट ऐसे याद रखो ना, जो ड्यू डेट फॉर्म की होती है वही पार्टनर की होती है। तो सी इधर पी क्या था उनमें, पार्टनर ऑफ ऐसी फॉर्म जिसको ऑडिट आ रहा है, कि ऑडिट आ रहा है तो ही 31 अक्टूबर होता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैप, कंपनीज, फिर ऑडिट वाले लोग एंड पार्टनर ऑफ ऑडिट वाली फर्म, इन सब का रिटर्न फाइल करने का तारीख 31 अक्टूबर है। फिर एक और विचित्र प्राणी है, ट्रांसफर प्राइजिंग असेसी, इसकी पहचान तुम्हारी फाइनल सीए में होने वाली है। ये सिलेबस में नहीं है, खाली याद रखो एक ट्रांसफर प्राइजिंग असेसी नाम का असेसी है, उसका ड्यू डेट 30 नवंबर है। लेकिन ये कौन होता है, इसकी पहचान तुम्हारी सीए फाइनल में होगी। जस्ट रिमेंबर, ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी का नवंबर, कैप लोग का अक्टूबर, बाकी लोग का जुलाई, ये रिटर्न फाइल करने की तारीख है। फिर ये देखो हाउ टू फाइल रिटर्न, फॉर्म भरना पड़ता है, और इसके फॉर्म को लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं, ITR, ऐसे बोलते हैं ITR फाइल करना, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ITR इनकम टैक्स रिटर्न। तो सी तीन चीज मैंने पढ़ाई, Who should file, when to file, how to file, ये था 139(1), ओके? और कोई पूछे क्यों फाइल क्यों करवा रही गवर्नमेंट, अरे फाइल करोगे तो गवर्नमेंट चेक करेगी ना कि तूने इनकम बराबर कंप्यूट किया है कि नहीं, टैक्स बराबर कंप्यूट किया है कि नहीं। तो जब तक फाइल ही नहीं करेगा तो गवर्नमेंट अपनी चेकिंग कैसे करेगी? फिर लोग अगला सेक्शन देखो, अगला सेक्शन है सेक्शन 139(3), इसको बोलते लॉस का रिटर्न, रिटर्न ऑफ लॉस। अब पता है लॉस जिसको होता है उसको क्या लगता है, मेरे को तो टैक्स भरना ही नहीं है तो मैं रिटर्न भी क्यों फाइल करूं? अरे कितने लोग को लॉस होता है, वो लोग क्या सोचते हैं, मुझे लॉस हुआ है तो मुझे तो टैक्स भरना ही नहीं है तो रिटर्न ही क्यों फाइल करूं? लेकिन ऐसे लोग को क्या बोल रहे, देख भाई लॉस पे टैक्स नहीं आता होगा लेकिन तेरे को लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना है ना, तो रिटर्न भरना पड़ेगा और टाइम पे भरना पड़ेगा।
सी, क्योंकि लॉस पे टैक्स नहीं आता है, लेकिन वो लॉस तू दूसरी इनकम में एडजस्ट भी तो करता है ना, और एडजस्ट करने को हम ऐसे अंधाधुंध थोड़ी देंगे, हम तेरे लॉस को चेक करना चाहते, और तू लॉस का रिटर्न फाइल करेगा, अपना लॉस हमको इन्फॉर्म करेगा तो हम उसकी चेकिंग करेंगे, हम चेकिंग किए बिगैर तेरे को सेट ऑफ करने कैसे देवे। इससे लॉ ने क्या बोला, भाई तेरे को लॉस भी हुआ है ना तो अपने मनी मन मत रख, वो लॉस तू गवर्नमेंट को बताएगा। कैसे बताएगा, फोन करके नहीं बताने का, तेरे को रिटर्न भरने का, रिटर्न तो बहाना है, तेरे को लॉस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा तो गवर्नमेंट उस लॉस का चेकिंग करेगी, और रिटर्न भी टाइम पे भर, क्योंकि तू टाइम पे भरेगा तो हम उसको टाइम पे चेक कर पाएंगे। पता है रिटर्न लेट भी भर सकते हैं ऐसे, हाँ, लेकिन प्रॉफिट वालों को रिटर्न लेट भरना अलाउड है, लॉस वाला तो रिटर्न एक दिन भी लेट नहीं भर सकता है। मतलब ये देखो, रिटर्न भरने की तारीख क्या थी ये बताई थी ना अभी, तो रिटर्न लॉस वाला रिटर्न है तो एक दिन भी लेट चलेगा नहीं, क्योंकि सी गवर्नमेंट क्या बोलते, तेरे लॉसेस को हमें भाई चेक करना है, और तू लॉस वाला रिटर्न लेट भरेगा तो हमारा चेकिंग में भी लेट हो जाएगा ना। इससे लॉस वालों, आपका रिटर्न टाइम पे आना चाहिए, वरना हम आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। अरे कैरी फॉरवर्ड करते ना नेक्स्ट ईयर, कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता है, 8 साल। तो अगर 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने को चाहिए तो लॉस का रिटर्न टाइम पे भर। एक्चुअली दो चीज में स्ट्रेस कर रहा, देखो एक तो भर, वो भी टाइम पे भर, भर क्योंकि हमको तभी तो लॉस तेरा पता चलेगा, और टाइम पे भर ताकि हम टाइम पे उसको चेक कर पावे। एक्चुअली टेल मी, प्रॉफिट वाले लोग होते हैं ना तो उन लोग रिटर्न लेट भी भरते चलता है, कितना लेट भर सकते हैं मैं अगले सेक्शन में पढ़ाऊंगा। देखो ये बिलेटेड रिटर्न है ना, लेकिन वो बाद में, अभी तुम लोग इतना समझो कि प्रॉफिट वाले तो रिटर्न लेट भी भरते चलता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगता है, लेकिन लॉस वाला रिटर्न एक दिन भी लेट भरा ना तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या तुमको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा, फिर लॉस को फेंक देने का, और अपना ही नुकसान है। नहीं तो इस साल का लॉस नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करने मिलेगा तो मेरा नेक्स्ट ईयर का टैक्स बचेगा, लेकिन तेरे को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने को चाहिए तो रिटर्न टाइम पे भरो। तो ये देखो क्या लिखा, रिटर्न ऑन टाइम होना चाहिए तो लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन लेट भरोगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लेकिन सी इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैरी फॉरवर्ड के लिए रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन पता है कैरी फॉरवर्ड की नौबत बाद में आती, पहले अपने लॉस है ना वही ईयर में एडजस्ट करने का सोचते। तो जैसे मान लो मेरा एक लॉस है वो सेम ईयर में एडजस्ट हो रहा है, तो सेम ईयर में एडजस्ट हो रहा है ना तो उसमें गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कि रिटर्न टाइम पे भर, उसमें रिटर्न लेट भर दे तो भी चलता है। नो डाउट रिटर्न लेट भरने की कुछ सजाएं होती है जो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर लॉस तेरा सेम ईयर एडजस्ट हो रहा है ना तो रिटर्न लेट भरेगा तो भी चलेगा, लेकिन तेरे को लॉस को सेम ईयर एडजस्ट नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे भरना पड़ता है। तो सी बहुत पर इन लो लल्लू बनाएंगे, क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे कि लॉस सेम ईयर में एडजस्ट हो रहा है, तो सेम ईयर में एडजस्ट हो रहा है तो अपना कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ना सेम ईयर में एडजस्ट हो रहा है ना तो रिटर्न टाइम पे भरा तो भी चलेगा, लेट भरा तो भी चलेगा, क्योंकि सेम ईयर में एडजस्ट हो गया ना। लेकिन अगर लॉस सेम ईयर में एडजस्ट नहीं हो रहा है, उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, तो रिटर्न टाइम पे ही होना चाहिए, और अगर लेट हुआ एक दिन भी लेट भरा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। और पता है 8 साल कैरी फॉरवर्ड करना होता है ना तो 8ों साल रिटर्न टाइम पे भरने का प्रेशर नहीं है। ये देख जल्दी देख, जिस साल में लॉस पैदा हुआ है ना उस साल का रिटर्न टाइम पे भर दिया ना, बस मेरे 8ों साल का उद्धार हो गया। नहीं तो कितने लोग को ना क्या लगता है, यार लॉसेस तो 8 साल कैरी फॉरवर्ड करना है, बोला 8ों साल रिटर्न टाइम पे भरना पड़ेगा। नहीं, अरे 8 साल लॉस तो एक ही बार पैदा हुआ है ना, तो सी जिस साल में लॉस पैदा हुआ है उस साल तू गवर्नमेंट को टाइम पे इन्फॉर्म कर दे, मतलब टाइम पे रिटर्न भर दे, तो बस वो साल तूने रिटर्न टाइम पे भर दिया ना, खत्म, तेरे 8 साल का उद्धार हो गया। बाद में फ्यूचर में तू लेट भरेगा चलेगा, हाँ
फ्यूचर में लेट भरा तो फ्यूचर वाले लॉस की तकलीफ आ जाएगी, लेकिन इस साल का लॉस अगर मैंने रिटर्न टाइम पे भर दिया ना तो मेरे 8 साल का उद्धार हो गया। हाँ, कोई कोई लॉस अपने को 4 साल कैरी फॉरवर्ड करने में, तो 4 साल अपने फ्री हो गए अपने। इसलिए सी किसी को भी क्या सलाह देने का, जब लॉस ताज़ा ताज़ा है ना उसको बोलना चाहिए भाई तू टाइम पे भर दे, कैसे भी रिटर्न टाइम पे भर दे। तो एक बार टाइम पे भरा ना तो तेरे को आने वाले 8 साल 4 साल कैरी फॉरवर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कभी कभी तो अनलिमिटेड ईयर्स कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है, अनलिमिटेड ईयर्स कर, लेकिन तू जब लॉस फ्रेश है उसका रिटर्न टाइम पे भर दे। बट सी ये टाइमली फाइलिंग का कंडीशन है ना, दो जगह लागू नहीं होता, ये देखो एक्सेप्शन है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन में लेट भी चलता है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन में रिटर्न लेट भरेंगे तो भी चलता है, क्योंकि सी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस गवर्नमेंट चुटकी में चेक कर लेती है। हाउस प्रॉपर्टी का छोटा सा कैलकुलेशन है तो उसमें अगर लॉस हुआ ना तो गवर्नमेंट को चेक करने में टाइम नहीं लगता है। सी गवर्नमेंट रिटर्न क्यों भरवा रही है, ताकि गवर्नमेंट अपने लॉस को चेक कर सके, और टाइम पे क्यों भरवा रही है, ताकि वो लोग टाइम पे चेक कर सके। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी लॉस को चेक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो कोई रिटर्न लेट भी भरेगा तो चलेगा। तो टेल मी, क्वेश्चन में ऐसा दिया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, रिटर्न लेट भरा था तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? यस, हो सकता है। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन में भी ऐसा है, क्योंकि अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन में भी गवर्नमेंट को खाली डेप्रिसिएशन का वर्किंग चेक करना पड़ता है, और डेप्रिसिएशन की वर्किंग चेक करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसलिए ये दोनों को एक्सेप्शन की तरह याद रखना। बाकी सब लॉस के लिए रूल क्या है, लेट रिटर्न फाइल किया तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलता। ये पूरा कैरी फॉरवर्ड पे, हाँ मतलब मुझे नेक्स्ट ईयर ले जाना है तो उसकी कंडीशन है। अगर मैं सेम ईयर में एडजस्ट कर रहा हूँ ना तो कोई पाबंदी नहीं है, तो रिटर्न टाइम पे भर, लेट भर, जो करना है कर, सेम ईयर में एडजस्ट हो रहा है तो कर ले। लेकिन तू नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तब रिटर्न टाइम पे भरना चाहिए, एक शर्त है, और उसमें भी यहाँ तो लेट भी चलता है ये नीचे वाले में। तो ये 139(3) खत्म हो गया। फिर सुनो अगला सेक्शन, अगला सेक्शन है ना ये है बिलेटेड रिटर्न। लेकिन बिलेटेड रिटर्न का सेक्शन पढ़ाने के पहले सुन, पहले मैंने तुमको कुछ जनरल नॉलेज देनी पड़ेगी। कुछ जनरल नॉलेज दिए बिगर मैं बिलेटेड रिटर्न नहीं पढ़ा पाऊँगा। तुम लोग को अपने आप समझ जाएगा, ये जनरल नॉलेज ज़रूरी है तब जाके मैं बिलेटेड रिटर्न पढ़ा पाऊँगा। ये देखो ये क्या लिखा है, रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या होता है और असेसमेंट का मतलब क्या होता है। सी फाइनल सीए में ना असेसमेंट के ऊपर ज़्यादा बात होगी, लेकिन तुम लोगों को सीए इंटर में ना थोड़ा नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज असेसमेंट। तो टेल मी व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब इनकम टैक्स वाले अपना 5 एड्स ऑफ इनकम कंप्यूट करते हैं ना उसको बोलते हैं असेसमेंट हो रहा है। सी नॉर्मली इनकम हम खुद कंप्यूट करते हैं, अपने को नहीं आता तो हम लोग चार्टेड को बोलते हैं अपने, लेकिन हम खुद करते हैं ना। लेकिन जो हम खुद करते हैं वो तो रिटर्न्स में होता है, लेकिन जब इनकम टैक्स वाले कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट। और भारत में सिस्टम है, पहले तेरा 5 एड्स ऑफ इनकम तू खुद कंप्यूट कर और उसका फॉर्म भर दे, मतलब रिटर्न, फिर गवर्नमेंट भी करेगी एंड फिर गवर्नमेंट देखेगी उनके मुकाबले जो होना चाहिए उससे अगर तूने कमती दिखाया ना चमाट पड़ेगा, फिर जो भी कमती तूने दिखाया उन लोग मांग के ले लेंगे। बट पहले हम खुद करते, तो सुनो जब असेसी खुद कंप्यूटेशन करता है उसको बोलते हैं रिटर्न फाइल किया है। तो रिटर्न में रिटर्न इज कंप्यूटेशन डन बाय असेसी, लेकिन असेसमेंट इज कंप्यूटेशन डन बाय एओ। एओ का मतलब क्या होता है ना, असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर मतलब इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है, ओके। और ये कंप्यूटेशन मतलब वही 5 एड्स, लेकिन जब हम खुद कंप्यूट करते तो क्या बोलते, रिटर्न फाइल किया, और जब इनकम टैक्स वाले करते तो क्या बोलते, असेसमेंट हुआ। फिर हम खुद कंप्यूटेशन करते हैं ना तो उसका एक फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, और ये ऑनलाइन होता है सब। और जब इनकम टैक्स वाले करते हैं ना 5 एड्स का कंप्यूटेशन तो वो एक कागज के टुकड़े पे होता है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर। कोई ऐसा बोले ना असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, मतलब क्या हो गया, मैं इनकम टैक्स वाले ने मेरा 5 एड्स कंप्यूट करके एक पेपर बना के साइन मारा, मतलब ऑर्डर पास कर दिया। अरे फील करो ऐसे कागज के टुकड़े पे 5 एड्स का कंप्यूटेशन हो रहा है, कौन कर रहा है,
इनकम टैक्स वाला, तो वो कागज को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑर्डर। फिर रिटर्न तो सबको भरना पड़ता है, लेकिन असेसमेंट सिलेक्टेड लोग का होता है। क्यों असेसमेंट करना, मतलब इनकम टैक्स वाले मेरा कंप्यूट कर रहे हैं इनकम। अब मेरे जैसे तो भारत में करोड़ों लोग हैं, और सबका वो लोग थोड़ी कंप्यूटेशन कर पाएंगे। इससे इनकम टैक्स वाले कोई कोई सिलेक्टेड लोग का ही असेसमेंट करते हैं, और जिसका असेसमेंट किया उसकी तो बैंड बज गई ना। क्योंकि सी जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें तो राम राज्य है, जो झोल झाल करना है करो, सब चल जाता है। लेकिन जब इनकम टैक्स वाले कार्रवाई पे उतरते हैं ना, तो दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, लेकिन वो सिलेक्टेड लोग का ही करते हैं। तो देखो इधर क्या लिखा है, रिटर्न तो सभी को भरना है, लेकिन असेसमेंट सिलेक्टेड लोग का होता है। फिर रिटर्न कब भरते हम, या 31 जुलाई, कोई कोई लोग का 31 अक्टूबर है। और एक स्पेशल प्राणी है, ट्रांसफर प्राइसिंग एसोसिएशन बोला था ना, उसका 30 नवंबर है। तो ये रिटर्न फाइल करने की तारीख है, असेसमेंट कब होता है मालूम है, ये देख बताता हूँ, लुक हियर, असेसमेंट ये पीरियड में होता है। ये काला वाला पैच दिख रहा है, ये देखो काला वाला पैच, ये देखो बड़े में दिखा दो, ये देखो अपने क्या है, ये डेट को रिटर्न फाइल कर देते, फिर उसके बाद है ना, इस पीरियड में गवर्नमेंट अपनी स्क्रूटिनी करती है, स्क्रूटिनी मतलब छानबीन, एंड फिर वो लोग अपना असेसमेंट करते हैं। किस पीरियड में, ये वाला पीरियड भी आ गया, काला वाला पीरियड देखो ना, ये पीरियड मतलब एवाई का एंड तक, एंड फिर उसके बाद और 12 महीने। मतलब इन शॉर्ट है ना, ऐसा समझो ना, तुमने रिटर्न फाइल करने में कुछ भी झोलझाल किया है, तो अपनी अगर बैंड बजेगी ना, तो यही पीरियड में बच सकती है। एक बार ये पीरियड निकल गया ना, यस बच गया मैं, इनकम टैक्स वालों को लल्लू बनाया और वो लोग ने मेरे को पकड़ा ही नहीं, बच गया मैं। मतलब इन शॉर्ट अपनी बैंड बजेगी तो कब तक बच सकती है, ये पीरियड में ही। इसको बोलते हैं 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। ये फिक्स्ड ही रूल है, मतलब इनकम टैक्स वालों ने पब्लिक को बोला तुम लोग रिटर्न भर दो, फिर उसके बाद तुम्हारा असेसमेंट ईयर को पकड़ लो, और उसके बाद और 12 महीना पकड़ लो, उस पीरियड में तुम्हारी धुलाई कर सकते हम लोग। लेकिन क्या एक एक की बैंड बजाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत में कितने लोग कमा के रिटर्न फाइल करते, सबकी चेकिंग नहीं होती है, लेकिन जिसके नसीब खराब है, शनि की 7:30 चल रही है, तो ऐसे लोग का बुरा टाइम चल रहा है, तो अपना असेसमेंट आएगा, और असेसमेंट आया मतलब टेंशन वाला काम है। लेकिन वो कितने टाइम में आ सकता है, 12 महीने में, 12 महीना फ्रॉम एंड ऑफ एवाई, मतलब एवाई में भी आ सकता है। मतलब ये देखो ना, हम लोग इस पीरियड में तो इनकम कमाए थे ना, ये पीरियड में क्या होता है, रिटर्न फाइल होता है, और ये पीरियड में अपनी धुलाई करते वो लोग। और धुलाई करेंगे जरूरी नहीं है, बच गया तो बच गया, फंस गया तो फंस गया, ओके। तो सी ये जनरल नॉलेज मैं क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अगला सेक्शन है ना बिलेटेड रिटर्न, ये नॉलेज के बगैर तुमको समझेगा ही नहीं। तो बताओ ये क्या था, रिटर्न्स क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। रिटर्न में कंप्यूटेशन असेस ही करता है, वो तो झोलझाल से भरा हुआ रहता है, और असेसमेंट में कौन करता है कंप्यूटेशन, असेसिंग ऑफिसर। ये एक सच्चा कंप्यूटेशन होता है, इन लोग ऑनेस्टली मेरी इनकम जो है कंप्यूट करते हैं। फिर रिटर्न जिसमें फाइल करते उसको बोलते हैं ITR, और इनकम टैक्स वाले जिस कागज पे 5-8 निकालते उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर। रिटर्न सबको फाइल करना पड़ता है, असेसमेंट सिलेक्टेड लोग का होता है। रिटर्न लोग कब फाइल करते, जुलाई अक्टूबर नवंबर तक, देखो ये पीरियड में। और असेसमेंट कब होता है, एवाई में भी हो सकता है, और उसके बाद 12 महीने में कभी भी हो सकता है, ओके। अब देखो मेन पॉइंट, बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न मतलब रिटर्न हम लेट भी भर सकते हैं, लेकिन लेट में लेट कितना, पहले तो सुनो, लॉस वालों तुमको तो रिटर्न लेट भरना अलाउड ही नहीं है। तो लॉस वालों का रिटर्न लेट हुआ तो कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट वाले रिटर्न लेट भरते चलता है, थोड़ा उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन लेट भरा हुआ चलता है। लेकिन लेट की भी एक लिमिट होती है, लेट में लेट 31 दिसंबर तक। तो ये देखो ड्रॉइंग में देखो, इस पीरियड में रिटर्न फाइल किया मतलब टाइमली रिटर्न है, टाइमली मतलब कब तक, जुलाई अक्टूबर नवंबर तक।
लेकिन अगर ये पीरियड में फाइल किया तो टाइमली बोलते कि बिलेटेड बिलेटेड, तो बिलेटेड रिटर्न का डेट याद रखना 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ओके, ये देखो मैंने इधर 3 ईयर बनाए, ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये पूरा मेरा असेसमेंट ईयर है, और ये 12 महीने में तो अपनी धुलाई कर सकते हैं, वो वाला पॉइंट है, 12 महीने अपने को पकड़ देना वो लोग। तो लेट में लेट रिटर्न कब तक भर सकते, 31 दिसंबर। लेकिन सी इतना सिंपल नहीं, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है, बिलेटेड रिटर्न का ये रूल है, पढ़ो, अप टू 31 दिसंबर ऑफ द AY और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। देखो इधर ये वर्ड आ रहा है ना कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, इसलिए मैंने तुमको जनरल नॉलेज दे के रखा था, अभी तुमको बता नहीं रहा था इस सब में। ये क्यों बता रहा था, क्योंकि देखो बिलेटेड रिटर्न के आंसर में ऐसा आता है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट कंप्लीशन का मतलब क्या होता है बताओ, अभी मैंने बताया असेसमेंट कंप्लीट होना मतलब जब इनकम टैक्स वाले अपने हाथों से हमारे इनकम कंप्यूट करता है उसको बोलते हैं असेसमेंट हो गया, और वो जिस कागज पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर, और वो लोग बोलते हैं हमने ऑर्डर पास कर दिया, मतलब असेसमेंट हो गया। और ये कब करते वो लोग, AY में भी कर सकते, AY के बाद 12 महीने में भी कर सकते। तो अब सुनो ये पॉइंट का मतलब क्या है, ये देखो तुम 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल तो कर सकते हो, लेकिन उसके पहले अगर तेरा असेसमेंट चालू हुआ, मतलब ये देखो मेरा असेसमेंट है ना, ये डेट को खत्म भी हो गया, तो एक बार असेसमेंट कंप्लीट होता है ना उसके बाद रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। अब पता है असेसमेंट कंप्लीट कैसे हुआ होगा, कितने लोगों को डाउट आ रहा है कि सर हमने तो रिटर्न ही नहीं भरा, तो हमारा रिटर्न गया ही नहीं, तो उसने असेसमेंट कैसे किया होगा। तो सी वो लोग क्या है ना, बहुत खड़ूस लोग है, इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, ये देख हम लोग ड्यू डेट तक आपका राह देखेंगे, आपके रिटर्न की हम लोग राह कब तक देखेंगे, ड्यू डेट तक। एक बार ड्यू डेट निकल गई ना और हम लोग को मूड हुआ तो हम लोग किसी का भी असेसमेंट चालू कर देंगे, और चालू करेंगे तो नोटिस देंगे आपको, और एक बार आपको असेसमेंट की नोटिस आई ना तुरंत रिटर्न भर, फिर तू दिसंबर तक ही राह मत देख। अरे मतलब दिसंबर तक रिटर्न भर सकते लेकिन अगर बीच में मेरा असेसमेंट चालू कर दिया तो इन लोग ने, सी मैंने क्या बोला, ये काला वाला पीरियड है ना, इस पीरियड में कभी भी असेसमेंट चालू कर सकते हैं वो लोग क्या, ऐसा नहीं है, नहीं तू लेट रिटर्न भरेगा तो हम लोग काम भी बाद में लेट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो लोग पब्लिक का क्या, ड्यू डेट तक राह देखते, और एक बार ड्यू डेट निकल गई ना फिर ये देखो ये वाले पीरियड में वो लोग एक्टिवेट हो जाते। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या था कि कोई 31 दिसंबर तक राह देख रहा है पता चला, और उसका बीच में असेसमेंट ही चालू हो गया, और असेसमेंट चालू होता है तो अपने घर नोटिस आती है पहले, और जैसे ही नोटिस आ गई ले मेरा असेसमेंट चालू कर दिया, मैंने तो रिटर्न भरा ही नहीं, तो फटफट रिटर्न भर दो। और अभी भी तू रिटर्न नहीं भरेगा ना तो वो लोग अपने जजमेंट से तेरा कुछ भी इनकम कंप्यूट कर देंगे, ऐसे अंधाधुंध नहीं, इन लोग पुराने साल के रिटर्न्स को बेस ले लेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन इन लोग का ऐसा है ना कि हम लोग ने असेसमेंट छेड़ा तो तेरे को तुरंत रिटर्न भरना पड़ेगा। हाँ अगर हम लोग असेसमेंट को छेड़ नहीं रहे तो भर आराम से 31 दिसंबर तक। अरे मतलब विचर इज अर्लियर का मतलब क्या है, अब बताओ इधर विचर इज अर्लियर क्या आ रहा है, दिसंबर के असेसमेंट डेट, असेसमेंट विचर इज अर्लियर देखना है, तो मेरे को ये डेट के बाद रिटर्न भरना अलाउड नहीं है। क्योंकि सी और सी अपने को इनकम टैक्स वाले नोटिस भेजते हैं ना कि आपका असेसमेंट चालू हो रहा है अभी, आपका रिटर्न आया नहीं, जल्दी भर दो, और नहीं भरोगे तो हम लोग हमारे जजमेंट से कुछ भी कर देंगे, ऐसा नोटिस आएगा। और अगर नोटिस आ गया तो फटाफट रिटर्न भरो। इसमें भी कितने लोग बोले नहीं आपने 31 दिसंबर तक बोला है, अरे 31 दिसंबर तक नहीं बोला है, विचर इज अर्लियर बोला है ना, तो 31 दिसंबर होता है लेकिन असेसमेंट पहले चालू हो गया तो पहले रिटर्न भर। इन शॉर्ट अपने को मालूम पड़ेगा, बेस्ट पता है ऐसे याद रखो ना, अपने घर असेसमेंट का कोई नोटिस वोटिस नहीं आया है तो दिसंबर तक भरो ना, लेकिन असेसमेंट की नोटिस आ गई
और नोटिस में टाइम मिले उतने टाइम में भर दो, मतलब इन शॉर्ट वो अपने हाथों से ऑर्डर पास कर दिया ना, उसके बाद रिटर्न का कोई वैल्यू नहीं है। बट वो ऑर्डर पास करे उसके पहले पहले रिटर्न भर दो, क्योंकि रूल क्या है, विचर इज अर्लियर। बट एक बात बताओ, इनकम टैक्स वाले ना इतने उतावले नहीं होते। ये देखो असेसमेंट कितना जल्दी छेड़ दिया है। मोस्टली क्या होता है, ये लोग, ये देखो क्या होता है, असेसमेंट इन लोग बहुत लेट करते हैं। ये देखो, अगर मान लो इन लोग ने ना, एक बार इसको मिटा देता हूँ, मेरा असेसमेंट इन दिनों में हो रहा है, हो सकता है क्या? असेसमेंट कब तक हो सकता है? एवाई में भी हो सकता है, एवाई के बाद 12 महीने में भी हो सकता है। तो टेल मी, अगर इन लोग ने मेरा असेसमेंट ये डेट को छेड़ा तो, अरे तो विचर इज अर्लियर निकालो ना, 31st December और ये विचर इज अर्लियर क्या आ रहा है? अरे तो विचर इज अर्लियर की डेट क्या है? असेसमेंट कंप्लीशन डेट के 31st December, 31st December, तो मुझे 31st December को रिटर्न भरना पड़ेगा। और मैं इनकम टैक्स वालों को नहीं बोल सकता हूँ, आपने तो असेसमेंट बहुत लेट चालू किया, तो रिटर्न मेरा ले लो ना लेट। नहीं, लेट में लेट हम तक कब तक भर सकते हैं? दिसंबर तक। और असेसमेंट जल्दी हो गया तो और जल्दी भरना पड़ेगा। सी, इधर मैंने असेसमेंट है ना दो बार देखा, मतलब असेसमेंट दो बार नहीं है, दो पॉसिबिलिटी लिखी है कि अगर दिसंबर के पहले असेसमेंट हो गया तो और जल्दी रिटर्न भर दो, और दिसंबर तक असेसमेंट नहीं हुआ है, बाद में होने वाला है, तो दिसंबर तक तो भर ही दो, मतलब विच एवर इज अर्लियर होता है। लेकिन एक बात, वो 90% लोग का क्या होता है, ना यहाँ होता है ना यहाँ होता है, कुछ होता ही नहीं है, इंक्वायरी करते ही नहीं है। 90% पब्लिक रिटर्न भरते हैं ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, असेसमेंट ही नहीं होता, तो लोग आराम से दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं। ये तो क्या, कोई कोई लोग की इन लोग बैंड बजाते हैं ना। तो एग्जाम में थियरी क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे बिलेटेड रिटर्न का? बिलेटेड रिटर्न शुड बी फाइल्ड आइदर अप टू 31st December ऑफ द असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच इज अर्लियर। मतलब दिसंबर के पहले तेरा असेसमेंट चालू हो गया, नोटिस वोटिस आ गई, तो जल्दी रिटर्न भर, और नहीं आया तो दिसंबर तक, विच एवर इज अर्लियर। ये बिलेटेड रिटर्न था। लेकिन रिटर्न लेट भरते तो इंटरेस्ट लगता है। कितना इंटरेस्ट लगता है मालूम है? तेरा जो भी टैक्स था ना, टैक्स मतलब ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद आता है। अपने पता, टैक्स कैलकुलेट करके सरचार्ज ऐड करते, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करते, फिर उसके बाद जो तेरा फाइनल टैक्स लायबिलिटी है ना, उस पर 1% इंटरेस्ट लगता है पर मंथ इनटू कितना महीना तू रिटर्न लेट भरा। जैसे मेरा रिटर्न भरने का डेट मान लो 31st July है, और मैंने रिटर्न फाइल किया 9th October को, तो कितना लेट हुआ? जुलाई तक मुझे भर देना चाहिए था, लेकिन भरा October 9 को, तो कितना लेट हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी पूरा गिन लो, पार्ट ऑफ द मंथ इज फुल मंथ, तो अक्टूबर 9 क्या 1 तारीख भी होती तो पूरा अक्टूबर, तो कितना हो गया? जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना, तो इधर 3 महीना आ जाएगा, और ये 1% पर मंथ है, और इधर मेरा टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट आ जाएगा। इतना इंटरेस्ट भरना पड़ता है अगर रिटर्न लेट फाइल किया तो। फिर इसके साथ प्लस लेट फाइलिंग फीस भी भरनी पड़ती है, इंटरेस्ट भी भरना है प्लस लेट फाइलिंग फीस। लेट फाइलिंग फीस कितना है मालूम है? 1000 रुपया भरना है। अगर तेरा नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है, नेट टैक्सेबल इनकम मतलब 5X माइनस चैप्टर 6A करके जो आता है ना, वो अमाउंट अगर 5 लाख तक है तो 1000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस, और 5 लाख से ज़्यादा है तो 5000 की, बट ये फिक्स्ड अमाउंट है। और इंटरेस्ट तो क्या है, करोड़पति लोग को तो भारी इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो क्या है, टैक्स के अमाउंट पे डिपेंड करता है ना, और करोड़पति लोग का तो टैक्स भी जोरदार होगा, तो इंटरेस्ट जोरदार लगता है। लेकिन ये तो क्या है, लग लग के कितना लगेगा, 1000 या 5000, बट ये दोनों भरना पड़ेगा। और सेक्शन क्या है, इंटरेस्ट का 234A, लेट फाइलिंग फीस का 234F, ओके? तो ये क्या था, बिलेटेड रिटर्न के क्वेश्चन में ना तीन चीज लिखने का, एक तो ये पॉइंट लिखो, दूसरा इंटरेस्ट अंडर 234A, तीसरा लेट फाइलिंग फीस। एक से मेरे को बताओ, रिटर्न लेट भरने के 3 नुकसान बताओ।
रिटर्न लेट भरने के तीन नुकसान, नुकसान वन लॉस है तो तेरे को कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट अंडर 234A लगेगा, लेट फाइलिंग फीस अंडर 234F लगेगा। ये सीधा सीधा थियरी डाल सकते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग द रिटर्न लेट? एक तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग फीस। ये पूरा चैप्टर ही थियरी क्वेश्चन है। फिर अगला देखो, रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न मतलब क्या मालूम है? मैंने रिटर्न फाइल किया था लेकिन अचानक मुझे स्ट्राइक हुआ कि मेरा कैपिटल गेन था 1 लाख, मैंने गलती से 10 लाख लिख दिया। अरे इनकम अगर गलती से ज़्यादा लिख दी तो मेरा रिटर्न रॉन्ग हो गया ना। अरे मतलब कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो अगर रिटर्न फाइल करने में कुछ गड़बड़ हो गई ना तो टेंशन मत लो। गवर्नमेंट क्या बोलती है? जो गड़बड़ वाला रिटर्न गया वो जाने दो, एक नए से वापस रिटर्न फाइल कर दो। अब नया रिटर्न फाइल करेंगे ना तो सुनो, फॉर्म में कॉलम होता है ओरिजिनल के रिवाइज, तो रिवाइज को टिक करके भेजो। मतलब ऑनलाइन सबमिट करना है लेकिन अपने एक रिटर्न में गड़बड़ हो गया तो वापस भर रहा है ना, तो वापस भरते टाइम क्या टिक करके भेजना चाहिए? रिवाइज रिटर्न। एंड फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? तेरा पुराना गड़बड़ वाला रिटर्न इग्नोर करके रिवाइज वाला देखेगी। इन शॉर्ट, रिटर्न रिवाइज भी कर सकते लेकिन वो भी कब तक कर सकते? 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर ऑफ दी असेसमेंट ईयर। मतलब ये देखो, ये तारीख तक तो अपने रिटर्न भरते हैं ना, लेकिन रिवाइज करना है तो 31 दिसंबर तक। और इधर भी ऐसा रूल है देखो, विच इज अर्लियर, कि अगर 31 दिसंबर अभी तक आई नहीं, मेरा इन लोग ने असेसमेंट चालू कर दिया। सी ये देखो, ये काला वाला पैच है ना, इसमें कभी भी असेसमेंट चालू हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, और नहीं भी हो सकता है। तो अगर मेरा असेसमेंट जल्दी चालू कर दिया तो इन लोग ने, तो अपने को नोटिस आएगा ना। तो जैसे असेसमेंट का नोटिस आई तो अपने को क्या बोला? अरे रुको रुको, मेरे को रिटर्न रिवाइज करना है। अरे नहीं तो मेरे रॉन्ग रिटर्न के बेसिस पे असेसमेंट कर देंगे। तो जैसे ही असेसमेंट की नोटिस आए ना, तुरंत रिटर्न रिवाइज कर। फिर तू बोलेगा नहीं मैं दिसंबर तक रुकूंगा। अरे दिसंबर तक नहीं, विच एवर इज अर्लियर। तो इधर भी रूल सेम है। इन शॉर्ट सी लॉ क्या बोलता है? आपको रिटर्न चाहे लेट भरना हो कि भरे हुए रिटर्न में कुछ चेंजेस करना हो, दिसंबर के बाद अलाउड नहीं है। क्या बोला? आपको चाहे रिटर्न लेट भरना हो कि भरे हुए रिटर्न में कुछ चेंजेस करना हो, रिवाइज करना हो, दिसंबर के बाद अलाउड नहीं है। और वो भी दिसंबर इज द मैक्सिमम डेट, उसके पहले असेसमेंट चालू हो गया तो जल्दी करो। मतलब ये सब डेडलाइंस है बिलेटेड रिटर्न की और रिवाइज की। और टाइम लिमिट देखा, सेम है। बिलेटेड का भी टाइम सेम था, रिवाइज रिटर्न का भी टाइम सेम है। और एक चीज, रिटर्न रिवाइज करने के बाद बार बार भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार रिटर्न में गड़बड़ लगी तो रिवाइज कर दिया, फिर वापस गड़बड़ लगी तो वापस रिवाइज कर दिया, 1000 बार करो, लेकिन दिसंबर के बाद अलाउड नहीं है। सी बार बार रिवाइज करने मिला लेकिन टाइम नहीं बढ़ेगा, टाइम उतना ही है, लेटेस्ट अप टू 31 दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो रिवाइज रिटर्न का थियरी हो गया। ये शॉर्ट नोट आ सकते हैं एग्जाम में। फिर सुनो, अगला है डिफेक्टिव रिटर्न। सी अगर मुझे लगा ना, हाय राम मैंने रिटर्न में गड़बड़ कर दी, तो मैं रिटर्न रिवाइज कर दूंगा। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है आई एम परफेक्ट, मेरे को लग रहा है मेरे रिटर्न में कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स वालों को लग रहा है कि तेरे रिटर्न में कुछ डिफेक्ट है। तो अगर इनकम टैक्स वालों को लगा कि हमारे रिटर्न में कोई डिफेक्ट है तो अपने को ये लोग चिट्ठी भेजेंगे, और चिट्ठी में लिखेंगे सर जी आपके रिटर्न में ना डिफेक्ट है, उसको सुधार दो, 15 दिन का टाइम दे रहे हैं हम आपको, और 15 दिन में आपने डिफेक्ट को नहीं सुधारा ना, हम ऐसे मानेंगे तुमने रिटर्न भरा ही नहीं है। और रिटर्न नहीं भरा है मतलब हम लोग हमारे जजमेंट से तेरा 5 हेड्स ऑफ इनकम कुछ भी कंप्यूट करके कुछ भी टैक्स चेप देंगे, भरना पड़ेगा तेरे को। इसे शराफत से हमने जो डिफेक्ट पॉइंट आउट किया है उसको सुधारो। कितने दिन की मोहलत मिलेगी? 15 दिन। 15 दिन सुनो कैसे गिनते। ये देख, मेरे घर पे पहले चिट्ठी आया होगा, चिट्ठी में क्या लिखा होगा कि मेरे रिटर्न में डिफेक्ट क्या है। सिर्फ डिफेक्ट का मतलब बताऊंगा क्या है, मेरे रिटर्न में क्या गड़बड़ है वो लोग बताएंगे ना। तो जिस दिन चिट्ठी आई ना, वो दिन मत गिनो, वो दिन छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट डे से गिनो।
और नेक्स्ट डे से गिनते गिनते कितना टाइम मिलता है, 15 डेज। और 15 डेज में तेरे को लगता है कम टाइम है, तो रिक्वेस्ट करो इन लोग टाइम एक्सटेंड भी कर देते, 15 का 20-25 दिन भी कर देंगे। लेकिन एक्सटेंडेड टाइम में भी तू अगर डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं करता तो वो लोग बोलेंगे तेरा रिटर्न ये देख इनवैलिड है। मीन्स वो लोग बोलेंगे तेरे रिटर्न को हम लोग ऐसे गिनेंगे एज इफ तूने रिटर्न भरा ही नहीं है, फिर हम तेरा रिटर्न कचरे की पेटी में डाल के हमारे जजमेंट से कुछ भी इनकम कंप्यूट कर देंगे। इंग्लिश में सुनो ना एक बार, इफ द रिटर्न इज डिफेक्टिव द असेसिंग ऑफिसर शैल इंटीमेट द डिफेक्ट। क्या बोला, इफ द रिटर्न इज डिफेक्टिव द असेसिंग ऑफिसर शैल इंटीमेट, इंटीमेट मतलब इन्फॉर्म द डिफेक्ट टू द असेसी गिविंग हिम अ टाइम ऑफ 15 डेज, एंड इफ द असेसी फेल्स टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट within 15 days or such extended time as may be allowed by assessing officer, then the return is treated as invalid. मतलब अगर 15 दिन में नहीं सुधारा या फिर extended time में आपने defect को नहीं सुधारा तो हम ऐसे मानेंगे तुमने return भरा ही नहीं है, क्योंकि defective return is as good as no return, तुम्हारा return invalidate हो जाएगा। और invalid होने का मतलब क्या मालूम है, ऐसे तूने रिटर्न भरा ही नहीं है, फिर उन लोग अपने जजमेंट से कुछ भी इनकम कंप्यूट करके एक टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर अपने में ठोक देंगे एंड फिर भरना पड़ेगा। लेकिन सी ये सब कब होता है, जब अपना रिटर्न डिफेक्टिव है। एक सेन सी पिछले सेक्शन में क्या था रिवाइज रिटर्न में, इधर तो मुझको ही रियलाइज हो रहा है यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैं खुद रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, इनकम टैक्स वालों को लग रहा है कि मेरा रिटर्न बराबर नहीं है तो वो लोग मेरे को सुधारने को बोल रहे हैं, तो इधर तो वो लोग चिट्ठी भेजेंगे उसके 15 दिन में मेरे को सुधारना है। लेकिन से ऐसा कब माना जाएगा कि मेरा रिटर्न डिफेक्टिव है, तो लुक ये मैंने एक ड्राइंग की है, इसमें से कुछ भी कमी हुई ना रिटर्न डिफेक्टिव। मतलब इन लोग क्या चाहते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न में ये सब होना चाहिए, ऐसा है तो उसको बोलते इफेक्टिव रिटर्न, इफेक्टिव बोला इफेक्टिव। और अगर इसमें से कुछ एक चीज भी कमी है ना डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव होता है तो ही चिट्ठी आता है। तो डिफेक्टिव का मतलब क्या, इसमें से कुछ एक चीज की भी कमी है तो सुनो क्या है, ये जो फॉर्म होता है ना उसके अंदर एनेक्सस स्टेटमेंट्स एंड कॉलम्स होते हैं। ये जो क्या लिखा ASC मतलब एनेक्सस स्टेटमेंट्स and columns in the form are not duly filled in, मतलब तुमने form fill ही नहीं किया बराबर। कितने लोग क्या करते, return file करते और form में कोई कोई जगह ना खाली छोड़ देते। अरे खाली छोड़ा तो उनको doubt आता है, जैसे income from house property के बाजू में खाली छोड़ दिया तो उनको लगे खाली छोड़ा है मतलब होगा शायद income, भूल गया होगा, बोले नहीं है ही नहीं। अरे है ही नहीं तो nil लिखना यार, nil लिख, तू नहीं लिखेगा तो हमको तो doubt जाएगा। फिर कोई कोई जगह क्या कुछ एप्लीकेबल नहीं होता तो नॉट एप्लीकेबल लिखो। लेकिन कितने लोग क्या खाली खाली छोड़ देते, तो अगर तूने फॉर्म को खाली खाली छोड़ा तो रिटर्न डिफेक्टिव हो गया, तो वो लोग क्या बोलेंगे, पागल रिटर्न भरने नहीं आता है, वापस से भर। और वापस से भरने का टाइम 15 दिन मिलता है और टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, बताया था ना मैंने। तो ये पढ़ो, इसको क्या बोलते हैं एनेक्सर्स, एनेक्सर मतलब टेबल्स होते हैं, एनेक्सर्स स्टेटमेंट्स एंड कॉलम्स इन द फॉर्म आर नॉट ड्यूली फिल्ड इन, उसको फिल नहीं किया तुमने, निल है तो निल लिखो, नॉट एप्लीकेबल लिखो, लेकिन सब भर के भेजो, खाली खाली मत छोड़ो। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स तुमने दिखाया नहीं। सी पुराने जमाने में क्या होता है, कंप्यूटेशन का कॉपी अटैच करना पड़ता था 5X का, लेकिन आजकल क्या कंप्यूटेशन रिटर्न के फॉर्म में ही होता है। कभी ऑनलाइन रिटर्न फाइल करोगे ना तो देखो एक फॉर्म के अंदर कंप्यूटेशन भी होता है, तो ये कंप्यूटेशन वाला पोर्शन अगर तुमने ब्लैंक छोड़ दिया तो रिटर्न डिफेक्टिव है यार, ये तो मेन होता है 5X का। फिर टैक्स भरा है उसका प्रूफ लिखना पड़ता है, प्रूफ ऑफ टैक्स मीन्स अगर तुमने टैक्स मालूम है कहाँ भरते, कोई बैंक में भरते और उसका एक चालान होता है और चालान का नंबर वगैरह होता है, तो अपने को टैक्स भरा उसका प्रूफ भी लिखना पड़ता है। लेकिन तूने टैक्स भरा उसका कुछ प्रूफ सबमिट नहीं किया तो इन लोग को लगे रिटर्न डिफेक्टिव है। तो देखो कंप्यूटेशन बताओ, प्रूफ ऑफ टैक्स बताओ, ऑडिट रिपोर्ट बताओ, ऑडिट हुआ तो ऑडिट की रिपोर्ट होती है,
फाइनल अकाउंट्स बनाओ, और फाइनल अकाउंट्स है ना रिटर्न का फॉर्म होता है उसमें बना हुआ ही रहता है। आजकल जो इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म होते हैं ना ऑनलाइन, वो इतना बड़ा फॉर्म है उसमें फाइनल अकाउंट्स बना हुआ है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, लेकिन वो फाइनल अकाउंट्स भरा हुआ रहना चाहिए, खाली मत छोड़ना। और कोई बोले नहीं मेरी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन ही नहीं करते, बुक्स नहीं मेंटेन करते हो तो ये भरो, ये सब भरना का है। अरे रिटर्न के फॉर्म में सब होता है, अपने को खाली भरना है। अगर तू बुक्स मेंटेन करना है तो फाइनल अकाउंट्स भर, और बुक्स मेंटेन नहीं करता है तो ये डेटा सप्लाई करो। क्या डेटा? तेरी सेल्स कितनी है, तेरा जीपी कितना है, तेरा एक्सपेंस कितना है, नेट प्रॉफिट, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, कैश। और ये डेटा अगर तूने गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं किया तो क्या बोलेंगे? रिटर्न इज डिफेक्टिव। तो सी, रिटर्न डिफेक्टिव कब माना जाता है? फॉर्म ढंग से नहीं भरा, और कंप्यूटेशन, प्रूफ ऑफ टैक्स, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनल अकाउंट्स, और ये सब डेटा तुमने सप्लाई नहीं किया तो। सी, इधर आइदर और क्यों लिखा है? अगर बुक्स मेंटेन कर रहा है तो फाइनल अकाउंट से काम चल जाता है, और बुक्स नहीं मेंटेन कर रहा है तो ये डेटा सप्लाई करो। लेकिन अगर तुम ये डेटा सप्लाई नहीं करोगे तो हमको लगेगा आपके रिटर्न डिफेक्टिव है, और हम आपको चिट्ठी भेजेंगे 15 दिन में सुधार दो। और सुधारना मतलब ढंग से रिटर्न वापस फाइल करो एक तरह से। ये डिफेक्ट सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? ढंग से नहीं भरा तो ढंग से भर दो, और उसके लिए टाइम कितना मिलता है? 15 दिन, टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। तो डिफेक्टिव रिटर्न था। फिर सुनो अगला सेक्शन क्या है, 140A। ये सेक्शन क्या बोलता है? हर इंसान को अपनी इनकम खुद कंप्यूट करनी चाहिए। खुद को नहीं आता है तो चार्टेड अकाउंटेंट के पास जा, लेकिन खुद कर। गवर्नमेंट तो बाद में करती है, पहले खुद करो। खुद मतलब सेल्फ। और सी, खुद को तो नहीं आता तो लोग सीए के पास जाते ना इसी चक्कर में, बट गवर्नमेंट ये नहीं बोलती सीए के पास जा, तेरे को आवे तो तू खुद कर ले। गवर्नमेंट तो बोली तू खुद कर, लेकिन क्या खुद को आता नहीं है ना? 5 एड्स वगैरह हर इंसान को थोड़ी आता है वो सब, तो लोग सीए को पकड़ते। तो हर इंसान को अपनी इनकम खुद कंप्यूट करनी है, और अपना टैक्स भी खुद पे करना है, और टैक्स भरते टाइम इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग फीस खुद से भर दो। सीए खुद खुद करके हैमर क्यों कर रही है? ये तो पब्लिक तो ऐसी एड़ी है ना, पब्लिक क्या सोचती है हम लोग क्यों करेंगे? गवर्नमेंट को गरज है ना, वो लोग फॉलोअप करेंगे। पागल है, गवर्नमेंट को गरज नहीं है, तेरे को गरज होनी चाहिए। तेरे को देश में रोड बने हुए चाहिए, अच्छे फ्लाईओवर चाहिए, तो पैसा तो देना है ना। तो अगर इनकम तूने कमाई है तो खुद कंप्यूट कर, टैक्स भी खुद भर, और बाद में गवर्नमेंट करेगी चेकिंग, वो बात का बात है, पहले खुद कर। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। ओके, ये सेक्शन 140A था। लास्ट सेक्शन देखो इस चैप्टर का, 139A, अपडेटेड रिटर्न। सी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, हम लोग लेट में लेट रिटर्न कब तक भर सकते हैं? 31 दिसंबर तक ना। सी, जुलाई तक भरा तो क्या होता है, टाइम पे भरा, लेकिन दिसंबर तक भी भर सकते लेट में लेट। लेकिन अभी एक नया सिस्टम आया कुछ सालों से कि 31 दिसंबर के बाद भी रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन कब तक मालूम? ये देखो, ये कलर देखो ना, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, AY के एंड तक, और उसके बाद और 24 महीना मिला है। मतलब यार रिटर्न में ये डेट तक भी भर सकता हूँ। ऑब्वियसली कुछ कंडीशन से बताऊंगा। सोच, मैंने इनकम कभी कमाई थी प्रीवियस ईयर में, और इसका ऐसे तो दिसंबर तक रिटर्न जाहिर भर ही देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अलाउड है। उसके बाद कितना पीरियड है देखो, 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY, मतलब AY में भी भर सकता हूँ, उसके बाद और 24 महीने। लेकिन पता है इतना ज़्यादा लेट भरते उसको बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। इसमें क्या है, अपने को एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। जो भी तेरा टैक्स है ना उसमें 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अगर तेरा टैक्स 100 रुपया है ना, तो 100 का 125 दे दे, और कभी कभी 50% देना पड़ता है। अरे मतलब दिसंबर तक भरा ना, तो अपने
लेट रिटर्न होता है तो क्या खाली इंटरेस्ट और वो लेट फाइलिंग फीस था ना, 1000 रुपया 5000 वही लगता है। लेकिन ये पीरियड में भरा ना तो अपना वो लेट फाइलिंग क्या बताया था बताओ, ये था ना इंटरेस्ट लेट फाइलिंग फीस तो दिसंबर तक भरने वालों को लगता है ना, लेकिन कोई दिसंबर की भी बात जा रहा है तो ये तो भर, ये भी भर, प्लस जो तेरा टैक्स है उसमें 25% और भर, और एक्स्ट्रा 25। मतलब मैं अगर 100 रुपया टैक्स भरने वालों में से हूँ ना तो 100 केवल 125, ये तो 100 में बोला, कोई 1 करोड़ वाला है तो 1 करोड़ 25 लाख। मतलब इन शॉर्ट बिलेटेड रिटर्न में तो 2 ही चार्ज लगते हैं और अपडेटेड रिटर्न होता है तो 3-3 चार्ज लगते हैं। ये भी लगता है, ये भी लगता है, प्लस जो तू टैक्स भर रहा उसका 25% और 25 तो छोड़, कभी कभी तो 50% भी होता है। ये देखो वो कब होता है ना, मैं लुक वो जो 24 महीना लिखा था ना मैंने, उसका भी ब्रेकअप है, 12 महीने तक 25% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, उसके बाद 50%। ये देखो इधर ड्राइंग मैंने दिखाई, लुक यार, ये देखो ये वाले पीरियड में रिटर्न भरा तो 25% एडिशनल टैक्स, और ये वाले पीरियड में भरा तो 50% एडिशनल टैक्स। मतलब मेरे को बताओ ना, बिलेटेड रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न का डिस्टिंक्शन क्या हो गया? तो बिलेटेड दिसंबर तक जाता है, अपडेटेड तो कब तक जाता है बताओ, EY के बाद और 24 महीने तक जाता है। बिलेटेड रिटर्न में तो खाली 2 ही चार्ज लगते हैं, इंटरेस्ट अंडर 234A, लेट फाइलिंग फीस 234F। अपडेटेड रिटर्न में इंटरेस्ट भी लगता है, लेट फाइलिंग फीस भी लगता है, फिर एक और चार्ज लगता है, उसको बोलते हैं सेक्शन 140B वाला चार्ज, एडिशनल टैक्स। मतलब जो तू टैक्स भर रहा था ना वो तो दे और एक्स्ट्रा 25% दे, और 25 भी कब, अगर 12 महीने तक अपडेट किया तो, और 12 महीने के बाद है तो 50% हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। लेकिन सी अपडेटेड रिटर्न में गवर्नमेंट की शर्त है, ये रिटर्न है ना जिसने कभी नहीं भरा था वो भी भर सकता है इधर, और किसी ने भर दिया था उसको रिवाइज करना है तो भी कर सकते हैं। ये तो मतलब रिवाइज करने में रूल क्या था, रिवाइज भी हम लोग दिसंबर तक ही कर सकते हैं, लेकिन अपडेटेड रिटर्न में क्या बोला, तुमने रिटर्न भर दिया था ना उसको चेंज करना है तो भी कर दो। मतलब अपडेटेड रिटर्न किसके लिए, जिसने नहीं भरा उसको भी अलाउड है, जिसने भर दिया उसको भी अलाउड है, लेकिन अपडेट करने वालों के लिए शर्त क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है, जो भी तेरा टैक्स है उसमें और 25% और कभी 50%। तो इन बट सुनो, सोचो जिसने ऑलरेडी रिटर्न भरा था उसको है ना अपडेट करना है, तो उसने ऑलरेडी रिटर्न भरा तो कुछ टैक्स भरा ही था ना, तो अभी एक्स्ट्रा जो टैक्स भर रहा है उस एक्स्ट्रा का 25% लगेगा। जैसे मान लो मैंने है ना ये पीरियड में ऑलरेडी रिटर्न भरा हुआ था और मैंने टैक्स 100 रुपये का भरा हुआ था, अब मैं इस पीरियड में अपडेट करना चाहता हूँ अपडेटेड रिटर्न, और अपडेट करूँगा तो मान लो मेरा टैक्स 120 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना टैक्स बढ़ रहा है 20, तो जितना एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा उसका 25% देना पड़ता है और कभी कभी 50%। और अपडेटेड में ना अपडेट मतलब अपडेट ही करना है, कम नहीं कर सकते। जैसे कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा टैक्स 100 था अभी कम हो रहा है, कम वम नहीं, अपडेटेड रिटर्न में तेरे को टैक्स ज़्यादा बढ़वा के देना है तो ही, कम तो कर ही नहीं सकता है। सी कैसे लोग के लिए, जो लोग रिटर्न भर चुके हैं ना, तो जो लोग रिटर्न भर चुके हैं वो लोग सोचेंगे अरे मैंने तो रिटर्न भरा था, एक काम करता हूँ, मैंने तो इज्जत से बहुत ज़्यादा ही टैक्स भर दिया था, कम कर देता हूँ। कम तो करने ही नहीं मिलेगा, कम करने ही नहीं मिले। अपडेट में अप क्यों बोलते हैं, अप मतलब ऊपर जाने का, अपडेट कर, कम नहीं कर सकते, देर इज नो डाउन डेट, अपडेट। खैर डाउन डेट वर्ड नहीं होता, ऐसे मैं कैजुअली बोल रहा हूँ,
और पता है ये अपडेटेड रिटर्न की गरज किसको होती है, मैं अभी देखो मेन पॉइंट अभी ये देखना, इनकम टैक्स वालों ने ना 31 दिसंबर का जो डेडलाइन रखा था ना, ये डेडलाइन क्या बहुत लोग से चूक जाता है। और कई बार अपने को बैंक से लोन वोन चाहिए होता है ना, तो बैंक वालों की कंडीशन क्या है, तेरे को लोन चाहिए तो तेरा इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी मांगते हैं। सुना होगा ना तुम लोग ने, बैंक वालों से लोन चाहिए तो वो लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया हुआ कॉपी मांगते हैं। और लेकिन कोई कोई लोग ने रिटर्न भरा ही नहीं होता है, अब उसका ये 31 दिसंबर भी निकल गया, तो ऐसे लोग को क्या है अपडेटेड रिटर्न का मदद मिलता है। जैसे मान लो मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला मेरे को लोन चाहिए लोन चाहिए, तो उन्होंने मेरा इनकम टैक्स रिटर्न मांगा, मैंने वो रिटर्न तो मैंने भरा ही नहीं था, और तकलीफ क्या है दिसंबर भी निकल गया। चलो दिसंबर होता तो बिलेटेड रिटर्न तो सबमिट कर दे, लेकिन दिसंबर भी निकल गया। तो ऐसे लोग को क्या है अपडेटेड रिटर्न का फायदा होता है ना, कि बैंक लोन के लिए रिटर्न मांग रही है तो मैं अभी भी रिटर्न भर सकता हूँ और रिटर्न भर के बैंक वालों को दे दूंगा ताकि मेरा लोन फटाफट पास हो जावे। लेकिन अपडेट रिटर्न में नुकसान क्या है, तू जो भी टैक्स भरेगा वो तो भर प्लस और एक्स्ट्रा 25% या 50% देना पड़ेगा, मतलब इस पीरियड में तो 50%, ये 12 महीना था ना इधर, और ये वाले 12 महीने और ये एवा है तो क्या था 25%। और एक चीज, कोई कोई लोग है ना, अरे मैं अपडेट रिटर्न का एडवांटेज किसके लिए बता रहा हूँ, पहला एडवांटेज किसके लिए, सी नुकसान तो मैंने बता दे, नुकसान क्या है अपने को एक्स्ट्रा 25% 50% भरना पड़ेगा ओवर एंड अबाउट द इंटरेस्ट एंड लेट फाइलिंग फीस ना। फायदा किसको बता रहा हूँ, कोई कोई लोग को बैंक लोन चाहिए वो तो बता दिया। दूसरा देखो, कोई कोई लोगों ने रिटर्न में बहुत झोलझाल किया होता है, जैसे देखो मैंने ना दिसंबर तक रिटर्न फाइल किया है और बहुत झोलझाल किया है, और अचानक मेरी फटने लगी, पकड़ा गया तो बैंड बजा देंगे इनकम टैक्स वाले, ऐसी धुलाई करेंगे ना जेल में डाल देंगे। और एक्सट्रीम केस में कोई कोई लोगों को जेल में डाल देते। तो एक इंसान ने क्या रिटर्न फाइल कर इतना झोलझाल किया ना, उस वक्त तो रियलाइज नहीं हुआ, अब उसकी फट रही है, अब उसका रिटर्न रिवाइज करने का टाइम भी निकल गया। अरे रिटर्न रिवाइज भी कब तक कर सकते, दिसंबर तक। चलो दिसंबर तक पड़ा है तो मुझे लगा ना कि मैंने कुछ ज़्यादा ही झोल कर दिया है, तो रिटर्न रिवाइज तो कर सकता हूँ, लेकिन रिवाइज करने का डेट भी तो दिसंबर है, चला गया। तो ऐसे लोग के पास मौका है ना कि अगर तेरी फट रही है ना तो कन्फेस कर दे, मतलब अभी भी तेरे को रिटर्न भरने मिलेगा। जैसे मैंने झोलझाल करके कुछ 5-6 लाख ही दिखाया था, मेरा असली इनकम 1 करोड़ है, दिखा दे, यू आर वेलकम। लेकिन अभी तू असली इनकम दिखा के थोड़ा ज़्यादा टैक्स भरेगा ना, तो जो तू एक्स्ट्रा भरेगा उसका 25% भरना पड़ेगा एडिशनल टैक्स। अरे इन शॉर्ट अपडेटेड रिटर्न है ना दो लोग के लिए, फायदे के लिए। इसे मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम तुमको रिटर्न भरने दे रहे ना वो मेहरबानी है, लेकिन तू ये मत सोच इस पे तू कुछ कम कर सकता है। अपडेटेड रिटर्न में पहले ही गवर्नमेंट ने बोला तू अपना इनकम कम करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे एक इंसान बोलता है कि मैंने रिटर्न भरा था लेकिन जोश जोश में कुछ ज़्यादा ही टैक्स भर दिया, इतना क्या सच्चा बनने का, दुनिया सब लफड़े करती है, मैं क्यों इज्जत से टैक्स भर दिया। तो उसने रिटर्न फाइल किया और इनकम को छोटी छोटी कर दी, मतलब ये पीरियड में, और इनकम छोटी छोटी करके गवर्नमेंट से रिफंड मांग रहा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अपडेट मतलब अपडेट, तू गवर्नमेंट को कुछ लाके दे दे, ले लेगी, और गवर्नमेंट तो वो तो लेगी प्लस उस पर और 25% एक्स्ट्रा लेगी। लेकिन तू सोचेगा कि अपडेट करने का मौका मिला है तो बहती गंगा में हाथ धो लो कि मेरी इनकम को कम करवा लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। बेस्ट है ना अपडेटेड में अप पड़े अपडेट। तो टेल मी अपडेटेड रिटर्न कैसे लोग के लिए बहुत बेस्ट चीज है। बैंक लोन जिसको चाहिए ना उसको लग रहा है यार इनकम टैक्स वाले कर सॉरी बैंक वाले मेरे को लोन ही नहीं दे रहे बिकॉज मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न ही नहीं भरा हुआ है। तो सी रिटर्न तूने दिसंबर तक नहीं भरा होगा ना, लेकिन अभी भी तू रिटर्न भर देगा तो तेरा रिटर्न फाइल हो गया ना, फिर बैंक वालों को रिटर्न का कॉपी देते तो अपना लोन पास हो जाता है। फिर दूसरा किसके लिए फायदेमंद है, जिसकी फट रही है इनकम टैक्स वालों से, उन लोगों ने झोलझाल कर दिया, अब उनको लग रहा पकड़ा गया तो मेरी धुलाई हो जाएगी, तो उनको कन्फेस करने का मौका मिलता है ना। और कन्फेस करके तू ज़्यादा इनकम बता दे तो ये, और ज़्यादा इनकम बता दिया तो तेरे पे वो आरोप नहीं लगे तू चोर है, मैंने बता दिया ना कन्फेस करके। लेकिन सी ये तो फायदे, नुकसान क्या है,
कि बैंक लोन के चक्कर में तो अभी इतना लेट रिटर्न भरेगा, लेट लतीफ की तरह ये वाले पीरियड में, तो जो तेरा टैक्स है वो तो भरना है, प्लस एक्स्ट्रा 25% भरना पड़ेगा, और कभी कभी एक्स्ट्रा 50। और तो झोल झाल करने वाली तेरी फट रही है ना, अभी तेरे को बड़ा कन्फेस करना है, तो कन्फेस करके तू कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जो भरेगा ना, वो एक्स्ट्रा टैक्स तो भरेगा ही, मतलब पहले तूने झोल झाल करके 100 ही भरा था, अभी तो 500 भर रहा है ना, तो जो डिफरेंस है वो तो भर, उस पर और एक्स्ट्रा 25% चार्जेस है, और 25 मतलब कभी 25 है तो कभी 50% होता है, वो तो डिपेंड करता है, इस पीरियड में अपडेट करोगे तो 25, इस पीरियड में करोगे तो 50। टेल मी, दिसंबर तक भरूंगा ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरी ज्यादा इनकम दिखाए उसको उतार भी सकता हूं, कम दिखाए बढ़ा भी सकता हूं, जो करना है करो, हक से करो, लेकिन दिसंबर निकल गया ना तो अपने को इनकम उतारना तो पॉसिबल ही नहीं है, बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। ओके, और दिसंबर के बाद तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग जाते हैं। इन शॉर्ट पता है, रिटर्न तीन होते हैं, टाइमली रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न। डिस्टिंक्शन होना मस्त है, टाइमली, बिलेटेड, अपडेटेड। टाइमली में कोई पनिशमेंट नहीं है, ओके, गुड बॉय। बिलेटेड है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इंटरेस्ट अंडर 234 है, लेट फाइलिंग फीस लगता है, लेकिन उतना ही लगता है, और कुछ भी कर सकते बिलेटेड में, कम ज़्यादा वगैरह जो करना है करो। अपडेटेड में क्या है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इंटरेस्ट लगता है, लेट फाइलिंग, वो सब नुकसान तो है, जो बिलेटेड के नुकसान है वो इधर है ही, प्लस एक्स्ट्रा और 25% लगेगा, और 25 मतलब 50 भी, समझ जाओ जो बोलना चाह रहे हो, है ना। और अपडेटेड में क्या, अपडेट ही करना पड़ेगा, और अपडेट रिटर्न एक बार फाइल कर दिया वापस नहीं करने मिलता, जैसे मान लो रिवाइज करते ना हम लोग, ये तो रिटर्न रिवाइज करते तो बार बार भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन सुनो, किसी ने अपडेट रिटर्न एक बार इधर फाइल किया, उसको री अपडेट करना चाहता है, देख ड्राइंग पे, तो वो अलाउड नहीं है। सी, रिवाइज रिटर्न तो क्या है, बार बार भी रिवाइज करो चलेगा दिसंबर तक, लेकिन दिसंबर के बाद जो अपडेट करते हैं ना, एक ही बार अपडेट करने का, अपडेट करके बोल रहा है आई वॉन्ट टू री अपडेट, फिर री अपडेट, वो पॉसिबल नहीं है। अरे तो दिसंबर तक और दिसंबर के बाद में बहुत फर्क है, दिसंबर तक वालों को क्या बोलना चाहिए, बार बार भी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन दिसंबर के बाद भरोगे तो एक बार अपडेट करने मिलेगा, लेकिन वापस री अपडेट करने नहीं मिलेगा। तो ये अपडेट रिटर्न की थियरी थी। ये देखो खाली, ये देख लो खाली, तीन चीज इंपॉर्टेंट इसमें, हाँ, ऑलरेडी तूने फाइल कर दिया अपडेट रिटर्न तो यू कैन नॉट फाइल अगेन। जैसे ये साल का एक बार अपडेट रिटर्न फाइल कर दिया तो वापस अलाउड नहीं है, वो तो बताया ना मैंने, फिर तेरा असेसमेंट हो चुका है किसी साल का। जैसे ये देखो, इस साल का है ना, ये देख, इनकम टैक्स वाले मेरी बैंड बजा चुके, या फिर मेरा असेसमेंट चल रहा है तो अपडेट नहीं करने मिलेगा। सी, अपडेट में क्या होता है, कई बार हम लोग क्या कन्फेस करना चाहते हैं कि यार मैंने झोल झाल किया है, मैं सच सच बता देता हूँ, लेकिन वो कन्फेस भी कब करने मिलेगा, अगर अपना असेसमेंट इन लोगों ने छेड़ा नहीं है, एक बार उन लोग ने अपनी धुलाई करना चालू कर दिया ना, फिर तू क्या कन्फेस कर रहा है, फिर तो इन लोग धुलाई करके निकलवाएंगे, तुझसे उगलवाएंगे। सी, कन्फेस करने वाला कन्फेस कब कर सकता है, जब अपनी चोरी पकड़ी नहीं गई है, मतलब अपना असेसमेंट चालू नहीं हुआ होना चाहिए, फिर तू अपडेट कर सकता है, लेकिन एक बार तेरा ये ईयर, ये देखो इस साल का असेसमेंट चालू हो चुका है या फिर चालू होके खत्म हो गया, तो अपडेट करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि असेसमेंट छेड़ दिया ना वो लोग ने, फिर तेरे को कुछ भी नहीं करने मिलेगा। तो ये देखो, इफ असेसमेंट इज ऑलरेडी डन और इट हैज स्टार्टेड, दोनों केस में तुमको अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करने मिलेगा। ये सब थियरी क्वेश्चन है। फिर अपना टैक्स रिड्यूस तो करने मिलेगा ही नहीं। हाँ, दिसंबर तक तुम रिटर्न रिवाइज करते हो ना, तो पहले तुम गलती से ज्यादा टैक्स भरे, अभी कम कर रहे हो चलेगा, रिवाइज रिटर्न में चलता दिसंबर के पहले, लेकिन दिसंबर के बाद जो जाता है ना, वो अपना टैक्स कम तो करवा ही नहीं सकता है, ज्यादा भले ही दे दे, और वो ज्यादा भी देगा उसमें और 25% जुड़ेगा, और 50% कभी कभी।
तो टेल मी अपडेटेड रिटर्न के थियरी में क्या क्या पॉइंट लिखना पड़ेगा, एक तो ये लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा एंड फिर ये तीन पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। इन शॉर्ट हम लोग थियरी के एंगल से प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना पॉइंट्स लिखने आया ना तो चार एक मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा तो मिल जाएगा। एक्चुअली इसमें ना और बहुत डिटेल्स है, लेकिन इंटर में क्या थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाना पड़ता है, फाइनल में डेप्थ में ये चीज़ है और ओके। तुम लोग खाली इतना याद रखो कि थियरी क्वेश्चन आवे तो मैं खुद लिख पाऊँ तो चार एक मार्क मिल जावे मेरे को, तो खत्म। अपना रिटर्न्स का टॉपिक खत्म हो गया। एक्चुअली ये जो टॉपिक मैंने लिया था, ये देखो टॉपिक का नाम क्या था, रिटर्न्स ना। ये टॉपिक में तुम लोग स्टडी मटेरियल में देखोगे ना, कुछ और सेक्शंस भी है, 139A, दिस इज अबाउट पैन नंबर, फिर 139AA, ये आधार के ऊपर है, और एक 139B है, TRP होता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। ये चीज मैंने नहीं करवाई है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पहले तो कितने लोग ये टॉपिक छोड़ ही देते थियरी समझ के, तो अपने पूरा तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन मैंने तीन चीज छुड़वाई है, कौन सी, 139A पैन के बारे में, वो तुम लोग खुद स्टडी मटेरियल में देखो, इतना लंबा रामायण दिया है ना, इट्स नॉट वर्थ पुटिंग द टाइम। स्टिल इफ यू वॉन्ट यू कैन सी 139A के परमानेंट अकाउंट नंबर किसको लेना पड़ता है, और परमानेंट अकाउंट नंबर दिया ना तो कौन से ट्रांजेक्शन में पैन नंबर के बगैर ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। जैसे अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं तो पैन नंबर नहीं है तो अकाउंट नहीं खुल पाता ना, तो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन, उसकी लंबी लिस्ट है कि किस ट्रांजेक्शन्स में पैन नंबर के बगैर ट्रांजेक्शन अटकता है, वो ट्रांजेक्शन का लिस्ट है, बहुत लंबा है। तो पैन वाला सेक्शन मैंने नहीं करवाया, 139A, फिर 139AA वो आधार के बारे में, आधार कार्ड होता है ना अपना, फिर 139B टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। ये तीन चीज के अलावा हमने सब कर दिया है, और मोस्ट लाइकली क्या मैंने जो पढ़ा है उसमें से आएगा। तो ये रिटर्न्स का टॉपिक अपना खत्म हो गया। फिर लुक हियर, एक है ना एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक है, एग्रीकल्चर इनकम। सी एग्रीकल्चर इनकम में ना क्या क्या बातें बच्चों को याद रखनी है, एक तो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम अंडर सेक्शन 10(1) इफ इट इज इन इंडिया, इफ इट इज इन फॉरेन टैक्सेबल, ये तुमको मालूम है। दूसरा, कभी भी क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम आती है तो टैक्स कैलकुलेशन का यूनिक स्टाइल है। मैंने तुमको टैक्स लाइबिलिटी के चैप्टर पढ़ाया था, एक स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन होता है, तो मैंने क्या बताया था, पहले अपने नॉर्मल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के टैक्स निकालो, फिर बाद में बेसिक एग्जेम्पशन में एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के दोबारा टैक्स निकालो, फिर पहला वाला टैक्स माने दूसरा वाला टैक्स वो था ना, तो वो तो मैंने बताया था। एक और चीज़ जो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पता होनी चाहिए, मालूम है क्या, ये देखो किसी का भी, ये देखो टी कॉफ़ी या रबर का धंधा हुआ ना तो उसमें स्पेशल रूल है, किसमें, टी कॉफ़ी रबर, ऐसा स्पेशल क्या है बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट तुमको बताना बाकी था वो बता रहा हूँ ओके। टी बिजनेस, कॉफ़ी बिजनेस, रबर बिजनेस, याद रखना। तो सी चाय का धंधा होता है ना उसमें ना 60% को हम लोग अज्यूम करते एग्रीकल्चर इनकम है और 40% को बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्यों बताऊंगा, जैसे मान लो मेरा चाय का बिजनेस है, टी चाय पीते हैं चाय, तो और मेरे को चाय के धंधे में ना 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 10 लाख के प्रॉफिट में से 60% एग्जेम्प्ट, टोटली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) 60% और 40% टैक्सेबल होगा। क्यों मालूम है, क्योंकि सी चाय के धंधे में ना थोड़ा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा मशीनों का, बताओ क्यों, खेती का भी रोल है मशीन का भी रोल है। सी चाय ना पहले जमीन से उगती है खेती करके, और जब खेती से जो चाय उगती है ना ऐसी बड़ी बड़ी लीव्स होती है, और हम लोग उसको ऐसे ही कंज्यूम नहीं करते, वो लीव है ना मशीनों में डाल के उसका पाउडर बनता है, और वो पाउडर फॉर्म में आता है ना तो अपने घर पे जो चाय का पत्ती है ना वो आता है। तो मतलब चाय में पहले तो खेती बाड़ी करके चाय के बड़ी बड़ी लीव्स होते हैं, फिर उसको मशीनों में प्रोसेस करते,
तो बिकॉज मशीन उसमें टच हो गई ना, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गया, और जब तक खेती था तब तक एग्रीकल्चरल। मतलब चाय का धंधा पार्टली एग्रीकल्चरल है, पार्टली मशीन बेस्ड है। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि चाय बनाने में खेती का कितना हाथ है और मशीनों का कितना हाथ है? मशीन का क्या काम है? अरे मशीन में वो चाय की लीव होती है ना, उसको पाउडर फॉर्म में अपने घर में चाय का पत्ती होता है, वो बनाने में मशीनों का रोल है। लेकिन मशीन का रोल कितना है, खेती का रोल कितना है, वो नहीं पता चलता ना। और इसलिए गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया है कि हम ऐसा अज्यूम करेंगे खेती का 60% रोल है। एंड बराबर है ना, जब तक खेती से फसल से चाय उगेगी नहीं तो मशीन क्या उखाड़ देगी। इसे मशीनों को 40% रोल मिला है, 60% रोल खेती का है। इससे गवर्नमेंट ने बोला 60% इनकम एग्जेम, क्योंकि खेती से आई है चाय। हाँ बाद में आखिर वो मशीनों में प्रोसेस हो गई तो मशीन तो नॉन एग्रीकल्चर होता है ना, तो 40% है। तो बाहर कर लो 60-40, 60-40, 60-40। ये चाय के धंधे में, पहले मैं चाय का बता रहा हूँ, पढ़ो ना क्या लिखा है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सेलर इन इंडिया। सो ग्रोन तो खेती में ग्रो होता है, मैन्युफैक्चर बाद में मशीन में होता है। तो 60% खेती, 40% मशीन, और ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा टैक्सेबल। फिर रबर का धंधा होता है, रबर उसमें 65 और 35। सी रबर जब खेत से उगता है ना तो रबर के प्लांट्स होते हैं, लेकिन अपने को जो रबर चाहिए ना, टायर होता है रबर का, रबर बैंड होता है, वो मशीन से बनता है। तो रबर के धंधे में खेती का भी रोल है, मशीन का भी रोल है। लेकिन हम क्या मानते हैं, खेती का रोल ज़्यादा है 65% एंड मशीनों का रोल 35%। मतलब अगर रबर के धंधे में उन्होंने 1 लाख कमाया ना, तो 1 लाख में समझो 65,000 तो खेती की बदौलत है और वो एग्जेम्प्ट, और मशीनों की बदौलत 35% वो टैक्सेबल। फिर कॉफ़ी के धंधे में देखो दो है ये कॉफ़ी, एक से मैं अंडरलाइन करते आता हूँ। मैंने तुमको चाय के धंधे का बता दिया पहले, फिर रबर के धंधे का बता दिया, अब कॉफ़ी के धंधे में देखो क्या है। कॉफ़ी को सुनो, कॉफ़ी ज़मीन से उगती है ना, वो बीन्स होता है, बीन्स के फॉर्म में। वो कॉफ़ी बीन को है ना, मैंने खाली पॉलिश करके बेच दिया ना, तो ज़्यादा मैंने मशीनों का रोल यूज़ नहीं किया है, तो 75-25। मतलब कॉफ़ी को उगाया और पॉलिश कर दिया, इंग्लिश में क्या होता है, ग्रोन एंड क्योर्ड। ग्रोन एंड क्योर्ड, क्योर्ड का मतलब क्या होता है, क्योरिंग मतलब उसको शाइनिंग बनाना, पॉलिशिंग करना। क्योरिंग इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड पॉलिशिंग, और ग्रो करना मतलब ज़मीन से उगाया, तो ज़मीन से कॉफ़ी आएगी, बीन्स होंगी, कॉफ़ी बीन्स, फिर उसको खाली पॉलिश ही किया है, और पॉलिश करने में मशीनों का इतना रोल नहीं है, तो खाली 25% है, और एग्रीकल्चर का रोल 75% है। लेकिन सुनो, मैंने कॉफ़ी को ज़मीन से उगाया, बीन था, फिर उसको मैंने पॉलिशिंग किया, फिर उसको सेका, फिर उसका भुक्का किया। इंग्लिश में बोलूँ क्या है, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, तो कॉफ़ी की बैंड बजा दी। मतलब मशीन में इसकी बहुत घिसाई हुई है, तो मशीन का 25 नहीं फिर 40% रोल हो गया। सी खाली पॉलिशिंग करते तो मशीन 25% काम आई है, लेकिन पॉलिशिंग के साथ उसको सेकते ना, रोस्ट का मतलब क्या होता है, अरे पापड़ सेकते हैं ना, पापड़ ही थोड़ी सेकते खाली, रोस्टिंग तो कॉफ़ी का भी होता है, कॉफ़ी बीन्स को सेकना पड़ता है, फिर उसका भुक्का करना मतलब ग्राउंडिंग करना। तो सोचो, कॉफ़ी को शाइन करो, उसको प्योर पॉलिश करो, उसको रोस्ट करो, ग्राउंडिंग करो, मतलब मशीन ज़्यादा काम कर रही है, तो 40%, लेकिन खाली पॉलिशिंग किया तो 25%, और ये मशीन का काम है, तो खेती का बैलेंस आ गया है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन में कॉफ़ी में ऐसा लगे ना, कॉफ़ी की कुछ ज़्यादा ही वाट लगा रहे, तो 60-40, लेकिन कॉफ़ी को खाली क्योरिंग कर रहे, क्योरिंग मतलब पॉलिशिंग कर रहे, तो 75-25, और टी में तो हमेशा 60-40 है, रबर में 65-25। तो ये परसेंटेज याद रखना, क्या पता एमसीक्यू में आ गया, ऐसा बोलेंगे कॉफ़ी धंधा है, कॉफ़ी धंधे में इतनी इनकम आई है,
तो कॉफी धंधे में एक से प्रॉब्लम साइलेंट हुआ ना तो कुछ भी अज्यूम कर लो, 70-25 भी ले सकते हैं, 60-40 भी ले सकते हैं। बट यू नो बेटर अजम्पशन ये होगा कि ज़्यादातर कॉफ़ी मार्केट में कैसी मिलती है, पूरा भुक्का किया हुआ, ग्राउंडेड लिखा ना। अरे अपने भी कॉफ़ी घर में पीते कैसा होता है, पूरा पाउडर हो गया होता है, ग्राउंडेड। तो प्रॉब्लम साइलेंट है तो 60-40 ले लो। लेकिन कोई कोई लोग तो बीन्स का बीन है ना, उसको पॉलिश करके बेचते हैं। अरे बीन्स ही बेच देते पूरा कॉफ़ी बीन्स, तो 75-25। तो प्रॉब्लम साइलेंट हुआ तो ये ले लेना, और टी में तो टेंशन ही नहीं है, 60-40, रबर में 65-35। और कभी कंफ्यूजन हो जाए ना, बेस्ट क्या है देखो, बड़ा वाला परसेंट एग्जेम्प्ट में आ रहा है और जो छोटा वाला परसेंटेज है वो टैक्सेबल है। एंड बराबर है, खेती तो मेन रोल प्ले कर रही है, मशीन का तो नॉमिनल माइनर रोल है, इससे मशीन वाला पोर्शन कम है, तो ये परसेंटेज याद होना चाहिए अपने को। ओके, तो ये एग्रीकल्चर इनकम में थोड़ा पॉइंट तुमको बताना बाकी रह गया था, वो मैंने बताया एग्रीकल्चर इनकम। फिर है ना एग्रीकल्चर के बाद है ना, एक से ना क्लबिंग ऑफ इन, फिर देखो क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग का भी छोटा टॉपिक है, देखो खत्म हो जाएगा। क्लबिंग में क्या होता है मालूम है कि कई बार क्या है, किसी और की इनकम में मेरे में शामिल होती है। ये जो हिंदी में बोलते हैं ना, दूसरे का इनकम मेरे में शामिल हो गया, शामिल मतलब इंग्लिश बोलते क्लब हो गया, मतलब इनकम तेरी है लेकिन मेरे कंप्यूटेशन में उसको मिक्स कर दिया, मतलब उसको क्लब कर दिया। तो ये देखो ये आदमी है, इसके कंप्यूटेशन में वो अपनी ओन इनकम तो लिखेगा ही ओन, और जब दूसरों की इनकम भी उसमें घुसा डालते हैं ना तो उसको ले क्लब हो रहा है। तो क्लब वर्ड का मतलब याद रख, क्लब करने का मतलब मेरी इनकम में दूसरों का इनकम शामिल हो जाना, और ऐसा यूजुअली नहीं होता है। दूसरों की इनकम मेरे में क्यों घुसाओ, जिसकी इनकम है वो टैक्स भरे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम किसी और की है लेकिन मेरे में क्लब करके मेरे पे टैक्स आ जाएगा। ऐसा कब होता है, तीन केसेस में। कैसा, कि इनकम किसी और की है लेकिन मेरे में शामिल करके मेरे पे टैक्स आएगा, ऐसा कब होता है, तीन केस में। तो पहला माइनर चाइल्ड के केस में होता है, इनकम माइनर चाइल्ड की है, कमाई उसके नाम पे, लेकिन क्लब किस में होता है, पेरेंट के अंदर, और पेरेंट भी कौन, फादर और मदर, हुज एवर इनकम इज हायर। और जो भी है, जैसे मान लो मेरा और मेरी वाइफ पे से मेरा इनकम बड़ा है तो मेरे बच्चों की जो इनकम है मेरे में क्लब हो जाएगी। ओके, और पता है जब माइनर की इनकम अपने में क्लब होती है तो रूल है 1500 पर माइनर चाइल्ड एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032, लेकिन वो एग्जेम्पशन मिलता है वो भी 115 BSE ऑप्ट किया ना, 115 BSE, तो 1500 का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलता। फिर तो माइनर की सारी इनकम मेरे में क्लब हो जाएगी, माइनर की इनकम 100 रुपया तो पूरी 100 रुपया डाल दो, नहीं तो क्या 1500 तक छूट है ना, बैलेंस पे टैक्स आता है। लेकिन 1500 तक छूट किस पे होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता है ना 115 BSE, तो उसमें 1500 का छूट नहीं है, वो तो क्वेश्चन देख के मालूम पड़ेगा। बट जो भी है, क्लबिंग का टॉपिक क्या बोलता है, बच्चों की इनकम पे बच्चा टैक्स नहीं भरेगा, माँ बाप में शामिल करो। ओके, बट 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा प्रोवाइडेड टू 115 BSE में नहीं है। फिर कभी कभी है ना माइनर की इनकम है ना पेरेंट में क्लब नहीं होती, क्लब नहीं होती मतलब माइनर की इनकम में माइनर खुद टैक्स भरेगा। अगर माइनर टैलेंटेड बच्चा है, मेहनत मजदूरी से अपने बलबूते पे कमाता है, तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है माइनर चाइल्ड ने कमाया है और उसने अपने खुद के बलबूते पे कमाया है, अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपनी मजदूरी से, तो उसकी इनकम का टैक्स वो खुद ही भरेगा। फिर वो माँ बाप में क्लब नहीं होता है। एक और एक्सेप्शन है, अगर माइनर हैंडीकैप बच्चा है, हैंडीकैप माइनर चाइल्ड के पास इनकम होती है ना तो उसका भी टैक्स बच्चा ही भरता है। क्यों मालूम है, क्योंकि सी
हैंडीकैप माइनर चाइल्ड के पास इनकम है ना, तो सच में उसकी जेन्यून इनकम है, क्योंकि हर माँ बाप ने अपने हैंडीकैप बच्चे के भविष्य के लिए कुछ बंदोबस्त किया होता है। तो अगर हैंडीकैप बच्चे के पास इनकम आ रही है ना, तो लगता है हाँ जेन्यूनली माँ बाप ने उसके लिए कुछ किया है। नहीं तो पता है गवर्नमेंट को डाउट क्या लगता है, अपने सिर पे टैक्स नहीं आवे ना, इसलिए बच्चे के नाम पे सब इनकम सेट कर लिया है। नॉर्मल कोर्स में चीटिंग करता है ना इंसान, क्या सोचता है जैसे मेरा टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ी इनकम मैं बच्चों के नाम पे ले रहा हूँ, तो तू बच्चों के नाम पे भी लेगा तो तेरे में घुसा डालेंगे, वो नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता है। लेकिन अगर हैंडीकैप बच्चे के पास इनकम है तो मैंने कोई सेटिंग नहीं किया है, हैंडीकैप के भविष्य के लिए मैंने इनकम सेट करके रखी है, तो उसकी इनकम मैं अपना टैक्स बचाने के लिए नहीं किया है। ये तो पता है कितने लोग चोरी क्या करते, अपने सिर पे टैक्स नहीं आवे ना तो कुछ इनकम बच्चों के नाम पे ले लेते ताकि अपने सिर पे टैक्स ना आवे, तो वो नॉर्मल कोर्स में चीटर मानते हैं, इससे गवर्नमेंट बच्चों की इनकम भी तेरे में डाल देती है। लेकिन अगर हैंडीकैप बच्चे के पास इनकम है तो तूने सेटिंग नहीं किया है, तूने सच में एक अच्छी नीयत से बच्चे के भविष्य के लिए इनकम का सेटिंग करके रखा है, तो वो तेरे में क्लब नहीं होगा, वो बच्चे में रहने देंगे। और बच्चे को क्या 2,50,000 तक तो 0% टैक्स ही आएगा ना, लेकिन सोच बच्चे की इनकम मेरे में घुसेड़ देते तो मैं तो स्लैब रेट्स में ऑलरेडी 30% वाला हूँ, और बच्चे की 100-200 इनकम भी मेरे में घुस जाती तो टैक्स बढ़ जाता ना यार। लेकिन हैंडीकैप बच्चा है तो बच्चे की इनकम बच्चे में ही रहने देंगे, और बच्चे में रहने देंगे तो अच्छा है ना, उस बच्चे को अलग से एक लेवल तक 0% टैक्स आएगा, और मेरे को तो अपना स्लैब रेट्स में 0% आ ही रहा है एक लेवल तक, बच्चे को भी बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इन शॉर्ट दो केस में याद रखना, बच्चे की इनकम पे बच्चा खुद टैक्स भरेगा, किसमें टैलेंटेड मेहनत मजदूरी से अपने बलबूते से कमाया तो, और हैंडीकैप माइनर चाइल्ड है तो, ये दोनों केस में बच्चे की इनकम में बच्चा खुद ही टैक्स भरेगा, और खुद को भरने मिलेगा तो अच्छा है कि उसको एक लेवल तक 0%, हाँ बाद में स्लैब रेट्स में क्रॉस हुआ तो टैक्स बढ़ते जाएगा। लेकिन वो इनकम माँ बाप में घुसेड़ दी तो माँ बाप को तो स्लैब रेट्स में एक लेवल तक 0 था, बाकी तो टैक्स बढ़ते जाएगा ना। तो माइनर चाइल्ड की इनकम में दो एक्सेप्शन याद रखना, हैंडीकैप्ड और टैलेंटेड बच्चा। टैलेंटेड मतलब मजदूरी वाला बच्चा भी आ गया, मैनुअल लेबर। फिर स्पाउस के रेमुनरेशन पे अपने को भी टैक्स भरना पड़ता है बहुत बार। अब सुनो मैं ऐसा केस बता रहा हूँ, रेमुनरेशन मेरी बीवी कमा रही है, मतलब मेरी बीवी को कोई सैलरी वैलरी मिल रहा है, लेकिन वो टैक्स बीवी नहीं मुझे भरना पड़ेगा। ऐसा कब मालूम, ये देखो मेरी बीवी को है ना ऐसी जगह से पगार मिल रही है जहाँ मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना मतलब कहीं पर 20% स्टेक होना, मतलब मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उधर 20% 30% स्टेक मेरा ही है, मिनिमम 20%। 20% स्टेक होना मतलब शेयर होल्डिंग होना, और सी 20% होना मतलब एक तरह से मेरा ही कंपनी है वो। तो ऐसी जगह से मेरी बीवी को सैलरी मिल रहा है ना, तो सैलरी भले बीवी के नाम पे आ रही है लेकिन टैक्स मेरे को भरना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, बीवी को सैलरी कहाँ से मिलनी चाहिए, ऐसी जगह से जहाँ पति का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना मतलब 20% और मोर स्टेक होना। और सी इसका लॉजिक क्या है, मैं एक्चुअली क्या है, मान लो मेरा कोई बहुत बड़ा धंधा होगा, उसका मैं मेन मालिक मैं ही हूँ, 20% मतलब मेन मालिक मैं ही हूँ, मुझे उस धंधे में क्या खर्चा दिखाना था प्रॉफिट कम करने के लिए, तो खर्चा दिखाने के लिए बीवी को सैलरी पकड़वा दिया ताकि मेरे धंधे में प्रॉफिट कम हो जावे, और प्रॉफिट कम करने के चक्कर में मैंने बीवी को सैलरी दिलवा दी, लेकिन ये बीवी की सैलरी मेरे सिर पे ही आएगी। मैं सोचा बीवी को सैलरी दिलवा लूँगा तो बीवी को 2.5 लाख तक तो 0% टैक्स आएगा, और 115 BSE हुआ तो 3 लाख तक 0% टैक्स आएगा, तो उतना तो टैक्स बच जाएगा और मेरे धंधे में खर्चा दिखा पाऊँगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन ये चीटिंग चलेगी नहीं, लॉ ने क्या बोला है कि बीवी को जो सैलरी दिखाई है ना झूठ मूठ की, वो तेरे सिर पर ही चढ़ेगी, मतलब तेरे में ही क्लब हो जाएगा। लेकिन कब, अगर उसको सैलरी कहाँ से दिलवाई, मेरे ही धंधे से, और मेरा धंधा कब बोलेंगे, जब उस धंधे में मेरा 20% स्टेक है। सी 20% होना मतलब वो मेरा ही धंधा है, और मैंने अपने धंधे का प्रॉफिट्स उतरवाने के लिए झोल किया है ना, लेकिन वो झोल चलेगा नहीं। सी वो धंधे का प्रॉफिट्स तो कम हो जाएगा लेकिन वो सैलरी मेरे में क्लब हो जाएगी, ओके, और मेरे में क्लब होगी मतलब उसका टैक्स मेरे को ही भरना पड़ेगा।
एनीवेज मैं अभी ज़्यादा डिटेल लॉजिक में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अपने रिविजनरी फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना ये। तो कंक्लूजन क्या है बताओ, अगर कोई ऐसी जगह से बीवी को सैलरी दिलवाया जहाँ पति का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो वो बीवी की सैलरी भले बीवी के नाम पे जा रही है लेकिन टैक्स कौन भरेगा? पति। पति के सिर पे टैक्स आएगा। ओके, लेकिन सी ये जो पति मैं बोल रहा हूँ ना, वो रिवर्स भी हो सकता है। जैसे मान लो एक पति को सैलरी मिल रहा है ऐसी जगह से जहाँ बीवी का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब पति पत्नी कोई भी हो, मतलब एक धंधा है जहाँ मेरा सब्सटैंशियल है और वहाँ से मेरे स्पाउस को रेमुनरेशन मिला है, तो मेरे में क्लब हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अगर उस धंधे से बीवी को जो सैलरी मिल रही है और बीवी टैलेंटेड है, बीवी काबिल है उतनी सैलरी के, तो जिस तरह की सैलरी मिल रही है उसके लिए बीवी काबिल है ना, तो काबिल बीवी की सैलरी का टैक्स काबिल बीवी खुद भरेगी। भोंदू बीवी हुई ना, फिर उसको सैलरी दिलवा रहा हूँ, तो भोंदू बीवी की सैलरी पति में क्लब हो जाएगा। मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है, कब से पति बोल रहा हूँ, मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है। लॉ में हस्बैंड वाइफ नहीं लिखा, स्पाउस लिखा है। तो आंसर, मेरा एक ऐसा धंधा है जहाँ मेरा 20% स्टेक है और वहाँ 20% मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वहाँ से बीवी को सैलरी दिलवाया और बीवी टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, तो उस बीवी की सैलरी भी बीवी खुद भरेगी। तो इन शॉर्ट दो कंडीशन क्या हो गई, एक तो बीवी को सैलरी ऐसी जगह से मिल रहा है जहाँ मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और बोंदू बीवी उतनी सैलरी के काबिल ही नहीं है, तब जाके हस्बैंड के अंदर क्लब होगा। इन शॉर्ट क्वेश्चन में कंडीशन चेक हुई ना, तो मतलब हस्बैंड में वाइफ का सैलरी भी क्लब कर देना, एंड वाइस वर्सा, मेन इधर वाइफ है और हस्बैंड को सैलरी दिलवाई है, तो हस्बैंड की सैलरी वाइफ पे क्लब हो जाएगी। दो कंडीशन याद रहना इसमें। और रेमुनरेशन मतलब इट्स नॉट नेसेसरी सैलरी, हाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे एक धंधा है वहाँ से उसको प्रोफेशनल फीस दिलवाई है, तो प्रोफेशनल फीस हो के सैलरी हो कुछ भी, रेमुनरेशन है, ब्रॉड टर्म है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सैलरी नेचर का होना चाहिए। कुछ भी है, उसको ऐसी जगह से पैसा मिल रहा है जहाँ मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उस पैसे के वो काबिल ही नहीं है, तो वो मेरे में क्लब हो जाएगा। फिर तीसरा क्लबिंग देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ एसेट वाला क्लबिंग। मतलब ये देखना, ध्यान से सुनना, इधर ट्रांसफर वर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक से मैं इसको कुछ कर देता हूँ, ट्रांसफर्ड। मतलब ये देखो, लुक, मेरे पास एक एसेट था और उस पर ना बहुत इनकम आ रही थी, मतलब कुछ डिबेंचर्स थे, बॉन्ड्स थे, उस पर इतना इंटरेस्ट आ रहा था ना, और उसका टैक्स मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इनकम तो जितनी है उतनी ही सहन हो जाती है, इनकम के लिए तो मरते हैं, टैक्स नहीं भरा जाता ना। और मैंने क्या सोचा, मैं ऑलरेडी 30% स्लैब में हूँ और मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टियाँ पड़ी है, इसकी इनकम आएगी तो मेरा तो टैक्स बढ़ते जाएगा। तो मैंने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी मेरे बीवी को ट्रांसफ़र कर दी, बीवी को बोला आज से प्रॉपर्टी तेरी हो गई, और बीवी के नाम पर ट्रांसफ़र हो गया तो इनकम उसके नाम पर आएगी। और मान लो बीवी के पास कुछ इनकम ही नहीं है, तो स्लैब रेट में एक लेवल तक तो 0% हो जाएगा ना। अगर ये मैं नहीं करता, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही रहने देता, तो मेरे तो ऑलरेडी 30% स्लैब में हो और मेरी तो इनकम बढ़ेगी, तो 30% टैक्स भर भर के पागल हो जाऊँगा। तो मैंने अपनी इनकम शिफ्ट करने के लिए क्या किया, जो एसेट मेरे को इनकम जनरेट करके दे रहा था ना, चाहे वो डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, हाउस हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे मन में बीवी की तरफ प्यार नहीं है, मैं टैक्स खिसका रहा हूँ। कि अगर एसेट ही उसके नाम पे कर दिया ना, तो इनकम उसके नाम पे आएगी, और उसके नाम पे अलग से आएगी तो उसको अलग से बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगा ना। बीवी गवर्नमेंट की नज़रों में अलग एंटिटी है और हर एंटिटी को एक लेवल तक 0% है, तो उसको वो 2,50,000 तक स्लैब रेट में एग्जेम्प्ट होता है, वो मिल जाएगा ना। लेकिन अगर ये नहीं करता तो पूरा टैक्स मेरे पे आता। इसके लिए लॉ ने बोला, बॉस वी आर नॉट अ फूल, लिसन टू अ रूल, कि अगर तूने बीवी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खिसका दी है ना, तो भले तूने प्रॉपर्टी खिसका दी, इनकम बीवी के नाम पे आ रही होगी, लेकिन वो इनकम तेरे में शामिल हो जाएगी। और तू ऑलरेडी 30% स्लैब में है, तो आन दे उस पर और 30% आएगा। बट ये कब होगा, अगर मैंने कोई एसेट बीवी के नाम पर शिफ्ट कर दिया होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ ना, मैंने वो एसेट बीवी को प्रॉपर प्राइस में बेचा है,
देन बीवी को भी एसेट तो बेच ही सकता हूँ ना मैं, फिर मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा मेरा कोई चीटिंग नहीं है, मेरे पास एसेट था मैंने बीवी को बेच दिया, मतलब और प्रॉपर प्राइस में बेचा, फुल प्राइस में। तो अगर एसेट मैंने बीवी को बेच दिया ना, तो उस एसेट की इनकम बीवी को मिल रही, बीवी खुद टैक्स भरेगी। मेरे सिर पे टैक्स कब चढ़ेगा? जब दाल में काला लगेगा। दाल में काला कब लगेगा? जब मैंने एसेट ऐसे फ्री में बीवी को दे दिया है, या फिर सस्ते में दे दिया है लो प्राइस पे। अरे इंश्योर ऐसे याद रहो, या तो नो प्राइस या लो प्राइस, फोकट में दे दिया, सस्ते में दे दिया, क्या कोई इनकम जनरेटिंग एसेट? तब वो इनकम बीवी के नाम पे आ रही होगी, लेकिन टैक्स हस्बैंड के सिर पे आएगा। और सी, मैं जिधर हस्बैंड बोल रहा हूँ, मतलब रिवर्स केस भी हो सकता है, मतलब वाइस वर्सा समझ जाओ ना। और सुनो, ये तो क्या है, स्पाउस को ट्रांसफर किया तो। कभी कभी क्या है, सास ससुर लोग घर की बहू को करते। इमेजिन एक सास ससुर है, वो लोग करोड़ों कमा रहे हैं, और इतनी करोड़ों की इनकम पे उनका टैक्स भी बहुत भारी आ रहा है, और वो लोग 30% स्लैब में ऑलरेडी है। तो उन्होंने क्या किया, घर में नई नवेली बहू आई है, बहू मतलब उनके बच्चे की वाइफ। मैं सास ससुर हूँ, तो सास ससुर मतलब मेरे बेटे की कोई वाइफ है, लव मैरिज करके लेके आए मेरा बेटा, है ना। तो नई नई बीवी घर पे आई है, तो सास ससुर लोग क्या करें, उसको कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। बहू भी खुश होगी, कितने अच्छे सास ससुर है, हमने तो सास ससुर के बारे में कितना बुरा सुना है, लेकिन मेरी तो शादी होते ही ससुर जी ने मेरे को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे दी। लेकिन ससुर जी ने प्रॉपर्टी क्यों दी? क्योंकि वो घर की बहू के नाम पे प्रॉपर्टी होगी, तो घर की बहू तो ज़ीरो इनकम वाली, और ज़ीरो इनकम वाली में कुछ इनकम आ भी गई तो एक लेवल तक तो 0% टैक्स आएगा। ये सेटिंग किया है। और ससुर जी को टेंशन क्या है, वो एसेट अगर मेरे नाम पे रहा ना, तो इनकम मेरे नाम पे चढ़ेगी, और मैं ऑलरेडी 30% स्लैब में हूँ, तो कितना टैक्स भरूंगा? इससे एसेट वो बहू के नाम पे खिसका दिया। और अज्यूमिंग बहू के पास कुछ इनकम ही नहीं है, नहीं नहीं घर में बहू आई है ज़ीरो इनकम वाली, तो उसके नाम पे शिफ्ट कर रहे। अरे ये सब इंडिया में चीटिंग होती थी, तभी तो गवर्नमेंट रूल बना है कि अगर तुम अपने पत्नी के नाम पे कोई एसेट शिफ्ट कर दो, या फिर सास ससुर अपने बहू के नाम पे, सास ससुर के लिए बहू को क्या बोलते हैं, सन्स वाइफ। इंग्लिश में सास ससुर क्या बोलेंगे, सन्स वाइफ, है ना। तो सी, अगर तुम अपने स्पाउस को दे दो, या फिर सास ससुर अपने घर की बहू को दे देवे, या फिर कोई HUF को दे देवे, क्या दे देवे, कोई भी एसेट जो इनकम जनरेट कर रहा है, वो शेयर्स हो सकता है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ इनकम जनरेटिंग एसेट है, उसकी इनकम तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन टैक्स मेरे पे नहीं आना चाहिए, तो मैंने खिसका डाला, तो खिसका दे, लेकिन घूम फिर के वो इनकम तेरे सिर पे क्लब हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर एसेट फोकट में दे दिया हो, सस्ते में दिया हो तो ही। लेकिन अगर मैंने बोला भाई मैंने फोकट में नहीं, मैं ससुर हूँ, मैंने अपने घर की बहू को प्रॉपर्टी बेच दी है प्रॉपर प्राइस लेके, तो फिर घर की बहू की इनकम पे और बहू खुद टैक्स भरेगी। तो सी, एक्चुअली सब बड़ा है, मैंने बहुत छोटे में कवर कर दिया। देखो ये देखो, स्पाउस, सन्स वाइफ और HUF, इनको कभी भी क्या किया, एसेट ट्रांसफर किया, आइदर फॉर नो प्राइस और लो प्राइस, या तो फोकट में दे दिया, या फिर नाम का थोड़ा बहुत चार्ज करके सस्ते में दे दिया, तो ऐसे में प्रॉपर्टी भले सामने वाले की हो जाएगी, इनकम भी सामने वाले के नाम पे आएगी, लेकिन क्लब मेरे सिर पे होगी। मैं कौन, ट्रांसफरर। लॉ में क्या लिखा है, इनकम विल कम इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी, बट इट विल बी शामिल्ड, इट विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। लेकिन ये तीन ही केस में होता है, स्पाउस, सन्स वाइफ और HUF, मतलब या पति पत्नी के बीच ट्रांसफर हुआ तो, या सास ससुर एंड बहू के बीच में, या फिर मेंबर ऑफ HUF और HUF के बीच में। तो ये तीन क्लबिंग के केसेस है। ओके, तो बस एक क्लबिंग का टॉपिक हो गया। अब इसमें से छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट मैंने नहीं करवाए, लेकिन अब ब्रॉड क्लबिंग का टॉपिक अपने को आ गया ना, अब डिटेल्ड थियरी तुम लोग है ना स्टडी मटेरियल में इसके थोड़े बहुत सम्स दिए, कुछ कुछ सम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना। बस इतना क्लबिंग का टॉपिक हो गया अपने, माइनर चाइल्ड
ये और ये, बस ये तीन चीज़ याद रखना, क्लबिंग हो गया बस, ठीक है। और एक है ना टॉपिक है छोटा इसका, ये देखो 10AA करके टॉपिक है, 10AA, ये रहा 10AA। 10AA का मैं क्या करूँगा, वीडियो डाल दूंगा। वैसे भी कल संडे, कल लेक्चर नहीं होने वाला है ना, तो 10AA का छोटा वीडियो डाल दूंगा। 10AA के साथ उसमें AMT भी आ जाएगा, तो अपना 10AA AMT हो जाएगा, तो उसका वीडियो मैं डाल दूंगा। तो बस दैट्स इट। तो अपना देखने हैं तो आज के दिन में क्या क्या कवर हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर उसका रिटर्न्स का टॉपिक था, रिटर्न्स था, फिर एग्रीकल्चर इनकम का एक छोटा पॉइंट बता था, काम का था, फिर एक क्लबिंग था, क्लबिंग, और क्लबिंग के बाद में 10AA AMT का मैं तुमको वीडियो डाल दूंगा, ओके। एंड फिर मोस्टली आई एम थिंकिंग मंडे के लेक्चर में अपना ख़त्म ही हो जाएगा। मंडे के लेक्चर में टेंटेटिवली मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, जो भी है टेंटेटिवली मंडे ख़त्म हो जाना चाहिए, जो भी होगा वो। फिर उसके बाद थोड़ा गैप दे के कुछ सम सॉल्विंग का भी सेशन रखूँगा, सम सॉल्विंग। और गैप क्यों दूंगा, तुम लोग एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना, फिर बाद में सम सॉल्विंग का भी सेशन रखने वाला हूँ, सम सॉल्विंग का। ये सब तो थियरी थियरी हो रहा है ना, सम सॉल्विंग सेशन, ओके। तो ठीक है, कर लो इतना रिवाइज एंड कम, सब अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, बाय। और तो बस ठीक है।